तो नमस्कार सारे व्यूअर्स और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में सिडनी थंडर वर्सेस पर्स क्वाचर्स का ये मुकाबला है बिग बैश लीग 2022-2023 का उनतालीसवा मुकाबला है एक तरफ होगी थंडर की टीम एक होगी पर्थ का एक तरफ होगी पर्स क्वाचर्स की टीम तो देखते हैं कौन कौन सी टीम जो है किस पे भारी पड़ती है अगर बात करें यहाँ पर, पर पर्स कॉचर्स की टीम की तो बड़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है पिछला मुकाबला जो है वो जीत कर यहाँ पर पहुँची है थंडर की टीम की जो हालत जो है थोड़ी सी कमजोर चल रही है ये टीम पंद्रह रन पे आउट हुए थे मगर उसके बाद थोड़ा बहुत कम जरूर दिखाया नंबर चार पे पॉइंट टेबल नंबर चार पे बनी हुई है और सिडनी सिक्सर्स पर स्कॉचर्स की टीम जो है वो नंबर वन पर बनी हुई है देख देखते हैं क्या आज एक जीत दर्ज कर पाएगी सिटी थंडर की टीम या फिर पर्स कॉचर जो है बाजी मार जाएगी तो आप सब लोग जो है जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में और आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी पर तो लाइव हिंदी कमेंट्री जो है क्रिकेट लाइव हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो मुकाबला जो है बस कुछ ही देर में शुरू होगा यहाँ पर बात करेंगे कि मौसम किस तरीके से रहेगा पिच किस तरीके से बिहेव करेगी और क्या रहेगी सचुएशन क्या रहेगा कॉम्बिनेशन क्योंकि आप सबको पता ही है कुछ खिलाड़ी जो है साउथ अफ्रीका लीग में चले गए हैं खेलने के लिए अब यहाँ पर जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उन्हीं से अपने प्लेइंग 11 जो है बनानी है दोनों दोनों टीमों को यहाँ पर सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला जहां पर आपको याद होगा सिडनी थंडर की टीम जो है पंद्रह पे ऑल आउट हो गई थी वही ये ग्राउंड है सिडनी शो ग्राउंड का ये ग्राउंड है कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मदद करती है अब देखना होगा आज क्या होता है इस मुकाबले में लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला शुरू होने में बस कुछ ही मिनट्स यहां पर बचे हुए हैं सबसे पहले बात करते हैं मौसम भाई मौसम किस तरीके से रहेगा इस ग्राउंड के अंदर यहां पर पच्चीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जी हां पच्चीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सत्तावन परसेंट ह्यूमिडिटी है और तीन परसेंट चांसेज हैं बारिश होने के हल्के बादल और धूप जो है वो छाई रहेगी यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर अच्छी बात है कि बारिश होने की संभावना है सिर्फ तीन परसेंट है तो पूरे चालीस ओवर का खेल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिडनी का ये शो ग्राउंड का जो स्टेडियम है यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करना थोड़ा डिफिकल्ट है तेज़ गेंदबाजों को मदद ज्यादा मिलती है अब देखना होगा पर्थ के गेंदबाज क्या हावी रहेंगे थंडर के बल्लेबाजों पर या फिर थंडर की गेंदबाजी जो है वो कम करेगी इस मुकाबले के अंदर दोनों टीमों के प्रदर्शन जो है वो ठीक ठाक सा ही रहा है थंडर ने कहीं ना कहीं कही पंद्रह पे आउट होने के बाद अपनी टीम को जो है परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेटर किया है यहाँ पर बात करेंगी इस सिडनी शो ग्राउंड जो है वो होम ग्राउंड है कहीं ना कहीं सीनी थंडर का देखते हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर प्रदर्शन जो एम्परेचर है सत्तावन परसेंट ह्यूमिडिटी

पर्स स्कॉचर ने नौ मुकाबले खेले हैं अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर नंबर वन पे बनी हुई है सात मुकाबले सबसे ज्यादा जीत जो मिली है इस सीजन के अंदर वो पर्स को मिली है सात मुकाबले जीते हैं डिफेंडिंग चैंपियन है कहीं ना कहीं और चैंपियन की तरह ही इस सीजन के अंदर खेला है पर्स हैचर ने दो मुकाबले हारे हैं चौदह अंक के साथ पहले पायदान बनी हुई है दूसरे पायदान पर सिडनी सिक्सर है अंक मुकाबले खेले हैं छह जीत के साथ तीन हार हार मिली है यहां पर तेरह अंक के साथ दूसरे पायदान बनी हुई है मगर अगर बात करें नंबर तीन और नंबर चार और नंबर पांच

कहीं ना कहीं ये टीमें जो है लड़ रही हैं नंबर तीन और नंबर चार की पोजीशन के लिए तो सिडनी थंडर को कहीं ना कहीं बचे हुए पांच मुकाबले हैं अब इनके पास कोशिश यही है कि बचे हुए पांच मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले जो है वो जीते जाए और पॉइंट टेबल में नंबर टॉप फोर के अंदर रहा जाए कोशिश तो यही टीमों की है कि नंबर वन और नंबर टू के ऊपर जो है वो काबिज़ हुआ जाए मगर थंडर के पास मौका है आज का मुकाबला जीत कर पर नंबर तीन पर जाने की पर्स कॉचर अगर आज का मुकाबला जीतती है तो अपने प्लेयॉफ़ के लिए और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देगी और उम्मीद करेंगे शायद क्वालिफाई भी हो जाए

दो टीमों का वो आप जान लीजिएगा अगर बात करें यहां पर जो है पर्स कॉचर और सिडनी थंडर के हेड टू हेड प्रदर्शन में देखिए पिछले दस मुकाबले जी हाँ पिछले दस मुकाबले जो है वो खेले गए हैं आठ मुकाबले सिडनी थंडर ने जीते हैं और दो मुकाबले पर स्कॉचर्स ने जीते हैं मतलब आप कह सकते हैं कि सिडनी थंडर चाहे पर स्कॉचर्स चैंपियन भी रही हो मगर सिडनी थंडर को हराना जो है वो आसान नहीं होता है पर स्कॉचर्स के लिए और सिडनी थंडर का ये होम ग्राउंड भी है तो क्या थंडर की टीम थंडर बोल्ट देते हुए नजर आएगी आज पर स्काचर्स को या फिर स्पर्थ की टीम जो है फर्स्ट में लिटा देगी सिडनी थंडर की टीम को यह देखना होगा मगर हेड टू हेड में पलरा भारी

हैं। और मेरा मानना भी यही है कि अगर पर्स को कोई हरा सकता है वो सिडनी थंडर की टीम है आ, मिले जुले खिलाड़ी है मगर प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है सिडनी थंडर की बल्लेबाजी थोड़ा कंसर्न था मगर कहीं ना कहीं एलेक्स सेल्स के फॉर्म में आने के बाद ये टीम जो है बेहतर नजर आ रही है अब देखना होगा क्या आज प्रदर्शन रहता है मगर हेड टू हेड फलरा जो है वो भारी है सिडनी थंडर का यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस की तो भाई रिसेंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी मिला जुला रहा है दोनों टीमों का सिडनी थंडर भी पिछले पाँच मुकाबले अगर खेले हैं तो यहाँ पर जो है चार मुकाबले जो है वो जीते हैं पर्स कॉचर भी पिछले पाँच मुकाबलों में से चार मुकाबले जीते हैं तो एक हारा है मगर यहाँ पर

दो मुकाबले जो है आपने यहाँ पर जीत के आई है तो ये रहा, यहाँ है ये रहा पर रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड हेड टू का आंकड़ा किस तरीके से यहाँ पर रहेगा किस तरीके से तो पिच तो जो है कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मदद करती है इस ग्राउंड के अंदर पहली इनिंग एवरेज स्कोर जो है एक सौ उनचास है और सिडनी पिच है वो तेज गेंदबाज तेज़ गेंदबाज़ों को जो है मदद करती है और कहीं ना कहीं रन चेज करना 55 परसेंट जो यहां पर मुकाबले हैं फिफ्टी 55 परसेंट मुकाबले जो हैं वो रन चेज करते हुए टीम जीती है तो यहां पर कहीं ना कहीं इस टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली वाली टीम पे नज़र आ सकती है भाई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो है वो टीमें ले सकती है कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए एक सौ साठ रन बनाया जाए और दूसरी टीम को यहाँ पर फंसाया जाए क्योंकि दोनों टीमों के पास तेज़ गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी है और ये ग्राउंड पर जब पिच है वो ये कह भी रही है कि तेज गेंदबाज जो है यहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी जो है वो करते नजर आते हैं अब देखते होगा किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा यहां पर ये यह पिच जो है कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों के लिए मदद करती नजर आती है तो अपनी टीम अगर बना रहे हैं तो तीन से चार तेज गेंदबाज आप रख सकते हैं स्पिनर गेंदबाज आप कम ही रखिएगा क्योंकि आज इस मुकाबले के अंदर तेज गेंदबाजों का बॉल भला रहेगा बल्लेबाजी में आप जो वो खिलाड़ी जो टेक्निकल साउंड खिलाड़ी है उनको रख सकते हैं जैसे जॉर्श इंग्लिश हो गए यहाँ पर आरडी हो गए सामने बैंक्रॉफ्ट हो गए बल्लेबाजी तो बर्थ के बाद अच्छी है थंडर पे देखना होगा किस तरीके से थंडर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आती है यहाँ पर पिच रिपोर्ट अगर पिच के बात बात करें यहां पर आ, डाटा की भाई डाटा क्या कहता है एनालिसिस क्या कहते हैं स्पिच के ऊपर अगर बात इस पर की जाए तो यहां पर अगर बात की जाए तो इकतीस मुकाबले खेले गए हैं जी हाँ इकतीस मुकाबले यहां पर खेले गए हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बावन परसेंट मुकाबल जीती है चेंज करने वाली टीम यहां पर फोर्टी एट अड़तालीस परसेंट मुकाबले जीती है फर्स्ट इंड एवरेज स्कोर सौ अड़तालीस का है और सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर एक सौ तेईस का है अगर बात की जाए यहां पर बल्लेबाजी की तो देखिए पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना जो है वो प्योरिटी रहेगी हर टीम की कि भाई पहले बल्लेबाजी करके एक सौ साठ सौ सौ पैसठ रन बनाया जाए और दूसरी टीम को ऑल आउट किया जाए क्योंकि दूसरी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और यूँ कहें कि दोनों टीमों के पास तेज गेंदबाज है तो देखिए दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी कोशिश ये रहेगी थंडर की भी कि टॉस जीतकर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए बल्लेबाज जो है फ्री फ्लाइंग बल्लेबाजी करें और इस ग्राउंड में कहीं ना कहीं ड्रावना वाला जो रिकॉर्ड है वो थंडर के नाम है थंडर कोशिश कोशिश भी नहीं करेगी यहां पर चेस करने की क्योंकि चेस करने एक बार गए थे तो पंद्रह पे ऑल आउट हो गए थे कहीं ना कहीं वो जहन में होगा इस ग्राउंड के अंदर आने के बाद थंडर के लिए तो थोड़ा

जो है वो तेज गेंदबाजों को मिली है 66 परसेंट विकटे जो है वो तेज गेंदबाजों ने चटकाई हैं और 38 विकटे जो है वो स्पिनर गेंदबाजों को मिली है 34 परसेंट जी हाँ चौंतीस परसेंट विकटे जो है स्पिनर गेंदबाज चटकाते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीन तेज गेंदबाज हम टीम के अंदर रख सकते हैं चार तेज गेंदबाज रख सकते हैं स्पिनर गेंदबाज जो है वो कहीं ना कहीं आप पीटर हैड्जू को टीम में रख सकते हैं क्योंकि देखिए लैसमिन गेंदबाज़ है कहीं ना कहीं बढ़िया गेंदबाजी करते हैं तेज़ करने की कोशिश रहती है गेंदबाजी के चलते अब देखना होगा आज किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर और तीन तेज़ गेंदबाज़ों में अगर आप गेंदबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर एंड्रू टाई हैं जसन बैंड्रोफ है मैथ्यू कैली जो है पर्स स्कॉच की तरफ से हैं अगर बात की जाए यहाँ पर श्री थंडर की टीम की तो थंडर की टीम के पास यहाँ पर डैनल सैम है ठीक है बैन कटिंग एज ऑलराउंडर आप टीम में रख सकते हैं नथन मैकेंड्रू हैं

जो है रिसेंट परफॉर्मेंस की भाई परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है इस ग्राउंड के अंदर दोनों टीमों का वो आपके किस के सामने है यहां पर सिडनी थंडर की टीम ने दस मुकाबले खेले हैं विनिंग परसेंटेज फिफ्टी परसेंट ट्राई जी हाँ दस में से पांच मुकाबले जो है वो जीतते हैं यहाँ पर एवरेज स्कोर 108 कर रहा है हाईएस्ट स्कोर तो बहत्तर कर रहा है और लोएस्ट स्कोर जो है 15 कर रहा है जो इसी सीजन में बनाया था तो सीनी थंडर ने चेस करते हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर चेस करने तो नहीं जाएगी सिनी थंडर की टीम अब बात करें यहां पर फर्स्ट क्चर की तो पांच मुकाबले फर्स्ट कॉचर्स ने भी खेले हैं चालीस विनिंग रहती है एवरेज स्कोर एक का है और हाईस्ट स्कोर जो एक सौ का है लोएस्ट स्कोर जो है अन्यन्नवे का है यहां पर एवरेज स्कोर जो है फर्स्ट कॉचर्स का काफी अच्छा है और विनिंग परसेंटेज भी तो दस में से चार मुकाबले जो है वो जीतते आते हैं तो कहीं ना कहीं ये पिच जो है

रुपए है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है तो सौ रुपए पर खेल सकते, हैं, सकते हैं और कहीं ना कहीं लोकल पेमेंट जो है यहां पर और साथ साथ अगर तो बात की जाए आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा रेफर कोड डालने की जरूरत नहीं है यूजर ने बनाइए अपना पासवर्ड बनाइए मोबाइल नंबर डालिए आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी टोटली एक्सचेंज है लॉस्कोट बुक्सर्च कर सकते हैं आप सब ट्रेड कर सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए और जीतिए डल्टी सेवन ऐप पे मिनिमम बैट से दस रुपये डिपोजिट जो है सौ रुपये का है लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइसेंस में पिन कर दिया है तो यहाँ पर हम सारी बातें कर चुके हैं कि ग्राउंड किस तरीके से रहेगा पिच किस तरीके से बिहेव करेगी मौसम कैसा रहेगा मौसम अच्छा है चालीस ओवर रुपए पूरा खेल देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग लाउन की भाई प्लेइंग क्या रह सकती है क्योंकि दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ा है पर्द का ज्यादा बिगड़ा नहीं है कहीं ना कहीं थंडर का भी तो ज़्यादा बिगड़ा नहीं है क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो है साउथ अफ्रीकन लीग जो है वो खेलने गए हैं मगर ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीकन लीग के भी दो मुकाबले हैं एक बिग बैश है सुपर डुपर हिट फ्राइडे होने वाला है तो जुड़ रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद रहेगी यहाँ पर बात करते हैं यहां पर जरा एक्सपेक्टेड प्लेगी सबसे पहले टीम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पर्स पर्सॉचर्स की जी पर्स स्कॉचर्स की टीम में बल्लेबाजी जो है वो काफी बढ़िया रहेगी यहाँ पर कैमरन बैंकॉफ्ट इस टीम के अंदर है स्टीफन कैंजी इस टीम के अंदर है यहां पर निक हॉब्सन है जॉश इंग्लिश है और एरोन हार्डी है अगर बात की जाए पिछले मुकाबले की तो एरोन हार्डी और निक यहाँ पर एरोन हार्डी और जॉश इंग्लिश ने साबर तोड़ रन बनाए थे और साथ में यहां पर लोअर ऑर्डर में एस्टन एस्टन टनर है एस्टन अगर हैं मैथ्यू कहली गेंदबाज हैं एंड्रू टाइथ गेंदबाज जसन बैंड्रॉफ है और पीटर इस टीम के अंदर है हो सकता है अगर यहां पर अगर यहां पर जेल जर्सन खेलते नजर आए तो काफी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी ये गेंदबाजी अब देखते हैं किसकी जगह यहां पर जैसन अगर जेल जर्सन खेलेंगे तो किसकी जगह खेल सकते हैं या तो मैथ्यू कैली की जगह खेल सकते हैं क्योंकि जैसन बैंड्रॉफ का पिछला मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहा है अगर जॉश यहां पर सबसे पहले बात करते हैं गेंदबाजी की तो जैसन बैंड्रॉफ की अगर हम बात नहीं करें तो ये बहुत गलत होगा क्योंकि जैसन बैंड्रॉफ ने पिछले तीन मुकाबलों में पांच विकेट चटकाए हैं और कहीं ना कहीं ब्रिजब हिट के खिलाफ तीन विकेट छटकाए थे जैसन बैंड्रॉफ ने बढ़िया तेज गेंदबाजी करते हैं नई गेंद के साथ विकट छटकाते हैं और नई गेंद से अगर कोई गेंदबाज विकेट छटका रहा तो कहीं ना कहीं आप टॉप ऑर्डर को हिला रहे हैं दूसरी तो टीम के बल्लेबाजों को हिला रहे हैं तो जैसन बैंड्रॉफ को आप अपनी फैंटेसी टीम के अंदर रख सकते हैं यहां पर गेंदबाजी के लिए साथ अगर बात करें एंड्रू एंड्रू की तो टाई जो हैं, वो मिडल ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं साथ में आपके लिए डेथ ओवर में भी जिया डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते नजर आते हैं एंड्रू टाई तो इनको भी आप टीम में रख सकते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं आप देखते हैं आज किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा एंड्रू टाई का और इनको भी आप टीम में रख सकते हैं अगर बात की जाए एंड्रू टाई के पिछले तीन मुकाबलों की तो पिछले तीन मुकाबलों में चार विकेट जो है वो छटकाते हुए नजर आए हैं यहाँ पर आ, इस सीज़न के अंदर अगर बात करें यहाँ पर जो है गेंदबाज़ मैथ्यू कैहली की जी हाँ मैथू कैहली भी पिछले तीन मुकाबलों में पाँच विकेट छटका तो यहाँ मान के चलिएगा जैसन बैंड्रोफ और मैथ्यू कहली मिलकर पिछले तीन मुकाबलों के अंदर दस विकेट छटका चुके हैं एंड्रू टाई को भी जोड़ो तो पिछले तीन मुकाबलों में चौदह विकेट जो है ये तीन तेज़ गेंदबाज छटका सकते हैं अब इसमें से मुश्किल यही है किसको रखें और किसको ना रखें तीनों तेज गेंदबाज जो हैं, वो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर अगर बात की जाए पीटर और एस्टन अगर की दो स्पिनर गेंदबाज हैं इस टीम के अंदर। यहां पर अगर बात की जाए एस्टन अगर जो बाई हाँ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं पीटर हेडगुलू जो है वो कहीं ना कहीं लेग स्पिन गेंदबाजी करते और पीटर हैड्सग्लू जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्स कौच की जान बने हुए हैं मगर पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है ये सीजन जो है वो कुछ खास गया नहीं है आ, पीटर हैड्सग्लू का ज़्यादा विकटे जो है सीजन के अंदर मिली नहीं है कभी टीम से अंदर रहे हैं कभी बाहर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आपको प्रूव करना होगा पीटर हैजग्ग्लू को इस सीज़न के अंदर मगर एक किफ़ायती गेंदबाज है विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते ज़्यादा रन देते नहीं है तो और साथ में एस्टन अगर का भी यही रोल रहता है कि गेंदबाजी में विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते रन ज़्यादा देते देते नहीं है और बल्ले से भी जी हाँ बल्ले से भी अच्छे खास रन बटोरते हैं मगर यहां पर एस्टन अगर पिछले मुकाबला खेलने आए थे और वहां पर विकेट नहीं मिला मगर सिर्फ अट्ठाईस तो की तो बल्लेबाजी में आपके सामने ब्रैंक्राफ्ट कैमरन जी कैमरन बैंक्रॉफ्ट ने पिछले दो मुकाबले पिछले पिछले मुकाबले तो ज्यादा कुछ रन बने नहीं थे मगर उससे पहले वाले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी कैमरन ब्रैंक्रॉफ्ट ने और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं उनका साथ देते हैं स्टीफन एक्नजी स्टीफन एक्नजी की अगर बात की जाए तो पिछले दो मुकाबलों में ज़्यादा कुछ रन बने नहीं है सिर्फ बारह रन बना पाए हैं पिछले दो मुकाबलों में पहले फाफ डब्ल्यूसीज थे फाफ डब्ल्यूसीज जो है साउथ अफ्रीकन लीग खेलने चले गए हैं इसलिए स्टीफन एक्नजी को मौका मिल रहा है मगर यहाँ पर स्टीफन एगेंसी जो है बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं तो यहाँ पर अगर ओपनिंग से आप किसी को ले रहे हैं तो कैमरन ब्रैंक्राफ्ट को आप टीम में रख सकते हैं जी हाँ कैमरन ब्रैंक्राफ्ट जो है वो जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और शुरुआत से ही आक्रामक रवैया जो है वो अपनाते हैं तो मज़ा आएगा जी हाँ आज मज़ा आएगा इस मुकाबले में देखेंगे कि किस तरीके से आज प्रदर्शन जो है वो चलता है और यहाँ से अगर बात की जाए तो कैमरन बैंक्राफ्ट विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं विकेट कीपर बल्लेबाज हैं पिछले मुकाबले में कुछ ज्यादा रन बने नहीं थे सिर्फ छः रन पर बनाकर आउट हो गए थे उससे पहले हीट के खिलाफ ही रन की पारी खेली थी अड़तालीस गेंदों के अंदर बात करें यहां पर निक हॉपसन की तो हॉपसन से पहले बल्लेबाजी करने के आते हैं एरोन एरोन हार्डी हार्डी का पिछला मुकाबला काफी जबरदस्त गया था और वहां पर बल्लेबाजी में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी पैंतालीस गेंदों में पैंसठ रन बनाए थे पिछले तीन मुकाबलों में दो अर्धशतक लगा चुके हैं अरुण हार्डी और साथ साथ अगर बात की जाए जॉश इंग्लिश की तो जॉश इंग्लिश भी अच्छे खासे फॉर्म में है और पिछले अगर बात करें तीन मुकाबलों में कम से कम जो है यहाँ पर अस्सी रन जो है वो जोड़ चुके हैं तो ये बल्लेबाजी कम रहता है और यहाँ पर लोअर ऑर्डर के अंदर निक हॉप्सन और एस्टन टनर रहते हैं एस्टन टनर का ये सीजन जो है एज अ कप्तान तो अच्छा गया है एज अ कप्तान नो डाउट टीम अच्छा प्रदर्शन करी है मगर बल्लेबाजी में प्रदर्शन जो है थोड़ा सा ठंडा रहा है इस सीजन के अंदर दो अर्धशतक

बल्लेबाजी में उतना उतना अच्छी बल्लेबाजी हुई नहीं ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है इस सीजन के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले चार मुकाबलों के अंदर कुल मिला जो है सिर्फ 22 रन बनाए हैं मगर दो बार नाबाद भी गए हैं क्योंकि बल्लेबाजी करने नंबर 6 पे आते हैं और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फॉर्म में हो तो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज के ऊपर जो है प्रेशर ज्यादा रहता नहीं है और बल्लेबाजी करने का मौका मिलता नहीं है तो ये पूरा यह पूरा फर्स्ट कॉचर्स का प्लेइंग ग्राउंड ये हो सकता है आज की प्लेइंग ग्राउंड यहां पर खेल सकती है कैमन ब्रैक्रॉट स्टीफन एकेजी निक हॉप्सन जॉस इंग्लिश एरुन हार्डी एस्टन टर्नर एस्टन नगर मैथ्यू कैली एंड्रू टाइज जेसन बैंड्रॉफ पीटर हैड्सू अगर यहां पर जेल जर्सों को भी ऐड किया जाए तो किसको हटाया जाएगा तो पीटर हैड्सू या फिर एस्टन अगर में से कोई एक जो है खिलाड़ी नहीं खेलेगा खासकर कर पीटर हैड्सू पर यहाँ पर जो है घास गिर सकते हैं क्योंकि एस्टन अगर के पास ऑलराउंड क्षमता है

यहां पर अगर बात की जाए अब सिडनी थंडर के जी हां सीरिथ थंडर की टीम में एलेक्स सेल्स है मैथ्यू ग्लिक्स है ओपन करते हैं श्याम वाइटमैन इस टीम के अंदर है ऑलीवर डाइविस है एलेक्स एलेक्स रोज इस टीम के अंदर है बेन कटिंग है नैथन मैकेड्रू है डैनियल सैम है ब्रेंडन डॉगेट इस टीम के अंदर है क्रिस ग्रीन है उस्मान कादिर कादिर इस टीम के अंदर हो सकता है ये उस्मान कादिर जो है वो स्पिनर गेंदबाज है पाकिस्तान के ये भी आज खेलते नजर आ सकते हैं इस मुकाबले के अंदर अगर बात की जाए यहाँ पर गेंदबाजी की तो क्रिस ग्रीन जी हाँ क्रिस ग्रीन जो है वो अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर अब देखना होगा आज के इस मुकाबले में किस तरीके प्रदर्शन करते हैं क्रिस ग्रीन वैसे तो क्रिस थंडर की जान है भाई कहीं, कहीं इनकी गेंदबाजी जो है, वो काफी रहती है। और लेते हुए नजर आ रहे हैं बात करें यहां पर उस्मान कादिर की तो उस्मान कादिर जो है ज्यादा मुकाबले हैं, यहां पर खेल नहीं पाए हैं कम से कम बात की जाए दो यहां पर पांच मुकाबले खेले हैं पांच मुकाबलों के अंदर कम से कम पांच विकेट पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला मगर रनस भी काफ़ी कमी दिए थे बाईस रन दिए थे मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज है लेग स्पिनर गेंदबाज है कहीं ना कहीं रन रोकने में काम करते तो ये दो स्पिनर गेंदबाज असली थंडर के पास है जो कि ज़बरदस्त अच्छी गेंदबाजी करते हैं एक छोर से टेस्ट गेंद विकेट छटकाते हैं उस्मान खादिर जो है एक छोर से यहाँ पर रन रोकने का काम करते हैं मगर यहाँ पर अगर बात की जाए उस्मान खादिर की पांच मुकाबले में पांच विकेट छटका चुके थे मतलब एक आधा विकेट जो है आज के मुकाबले में मिलते हुए नजर आएगा तेज़ गेंदबाजी की जिम्मेदारी रहती है डैनल सैम ब्रेंडन डॉकेट और नथन मैकेड्रू के बाद डैनल सैम की अगर बात की जाए तो डैनल सैम एक बाएँ हाथ का तेज़ गेंदबाज़ है और शुरुआत में जो है काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे विकेट छटका रहे थे मगर कुछ सीजन में ऐसा आया कि गेंदबाजी कुछ खास रही नहीं अगर पिछले तीन मुकाबलों की बात की जाए तो सिर्फ दो ही यहाँ पर विकेट मिले हैं मगर पिछले दो मुकाबलों से विकेट मिलना जो है वो मुश्किल हो गया डेनल सैम के लिए तो थोड़ा डैनल सैम को भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी तभी जो है यहाँ पर सीनी थंडर की टीम जो है वो आगे बढ़ पाएगी अगर बात करी जाए जहां पर नथन मैकेड्रो और बेडन डॉगर्ट की दो सपोर्ट करना होगा जी हाँ सपोर्ट करना होगा यहाँ पर नथन मैकेड्रू और ब्रेंडन uh, डॉगेट को अगर नथन मैकेड्रू की बात की जाए तो पिछले uh, तीन मुकाबलों में चार विकेट छटका चुके हैं तो यहाँ पर uh, उम्मीद करते हैं आज भी एक दो विकेट छटकाते नजर आते हुए नजर आएंगे यहाँ पर अगर बात करें ब्रेंडन डॉगेट की तो ये भी एक गेंद तेज गेंदबाज है और राइट हाँ मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं पिछले अगर बात करें तीन मुकाबलों की तो छह विकेट हैं ब्रेंडन डॉगेट ने तो ब्रेंडन डॉगेट को फैंटेसी टीम में आप रख सकते हैं डेनियल सैम और वैन कटिंग को एज ऑलराउंडर रख सकते हैं गेंदबाजी में नथन मैकेड्री को भी आप जगह दे सकते हैं मगर इसमें तेज गेंदबाजी में ब्रेंडन डॉगेट जो है वो अच्छे खासे फॉर्म में नजर आ रहे हैं इनको आप टीम में रख सकते हैं यहां से अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी में एलेक्स हेल्स हैं मैथ्यू ग्लिक्स हैं एलेक्स हेल्स का प्रदर्शन जो है वो ताबड़तोड़ रहता है मगर अगर बात की जाए पिछले तीन मुकाबलों में तो कम से कम जो है सतहत्तर रन ही बनाए हैं और पिछले दो मुकाबलों से शून्य पे आउट हो रहे हैं जी हाँ पिछले दो मुकाबलों से शून्य पे आउट हो रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर बल्लेबाजी जो है डिपेंड करती है एलेक्स एलेक्स के ऊपर कि आते ही ताबड़तोड़ रन बनाए यहाँ पर मगर मैथ्यू ग्लिक्स जो है वो काफी अच्छा साथ दे रहे हैं यहाँ पर पिछले तीन मुकाबलों में मैथ्यू ग्लिक्स ने जो है कम से कम जो है अस्सी रन जोड़े हैं तो उम्मीद करेंगे आज मैथ्यू ग्लिक्स और एलेक्स हेल्स की जोड़ी जो है वो काफी अच्छे रन्स बनाते हुए नजर आए अगर बात करें तीन नंबर बल्लेबाजी पर तो यहाँ पर शैम

कहीं ना कहीं कही बल्लेबाजी जो है वो अच्छी करते नजर आया एलेक्स रोज ने भी पिछले तीन मुकाबलों में कम से कम जो है नब्बे प्लस रन बनाए हैं तो ये दोनों बल्लेबाज जो है मिडिल ऑर्डर के अंदर है और कहीं ना कहीं सिनी थंडर की बल्लेबाजी को आ, मजबूती प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में आपके पास बैन कटिंग और डैनियल सैम जैसे ऑलराउंडर तो ये बल्लेबाजी की जिम्मेदारी जो है वो एलेक्स हेल्स मैथ्यू ग्लिक्स सैम वाइटमैन ऑलिवर डेविस एलेक्स रोज और बैन कटिंग और डैनियल सैम के ऊपर रहेगी जिया ये नंबर जो है ये इन, इन बल्लेबाजों पर रहेगी तो आपके लिए कुछ बड़े बड़े शॉट खेलते हो और ग्रीन जो है बल्लेबाजी कर लेते हैं मगर जो मेन बल्लेबाजी है वो टॉप सात बल्लेबाजों पर टॉप पांच बल्लेबाजों पर होगी अगर मैं इन फॉर्म बल्लेबाज की बात करूँ थंडर की तरफ से तो ऑलीवर्ड डाइविस और एलेक्स -एले रोज जो है वो अच्छे खासे फॉर्म में है अब बैन कटिंग शुरुआती कुछ, कुछ मुकाबले जो है वो खेले नहीं थे उसके बाद जो है खेलने आए हैं बल्लेबाजी कुछ खास हुई नहीं है अब बैंड कटिंग से अगर बैन कटिंग की बल्लेबाजी की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में पंद्रह गेंदों छब्बीस रन बनाए थे नाबाद रहे थे एक मुकाबले में छः गेंदों पांच रन बनाए नाबाद रहे थे जो तीन मुकाबले खेले हैं, तीनों मुकाबले में अभी तक आउट नहीं हुए हैं, यहां ध्यान रखिए बहन कटिंग जो है वो आउट नहीं हुए हैं पिछले तीन मुकाबले में अगर पिछले तीन मुकाबले में बत्तीस रन ही बना पाए हैं गेंदबाजी में भी पिछले तीन मुकाबलों में सिर्फ दो ही विकेट छटका पाए दो पिछले दो मुकाबले से विकेट लेस गए हैं बेन कटिंग तो इनको रख सकते हैं एज ऑल राउंडर में जता एक आधा विकेट आज छटकाते नजर आएंगे यहाँ पर तो ये है पूरी यहाँ पर सिडनी थंडर की एक्सपेक्टेड प्लेयर एलेक्स हेल्स मैथ्यू ग्लिक्स सैम वाइटमैन हॉलीबल डेविस एलेक्स रोज बेन कटिंग नेथन मै कैंड्रू डेनियल सैम ब्रेंडन डॉगेट क्रिस ग्रीन उस्मान कादिर जो है इस टीम के अंदर रह सकते हैं चलिए चलते हैं ज़रा अब ये सेगमेंट जो है वो खत्म होता हुआ आप चलते हैं ज़रा और टॉस के बारे में जान लेते हैं भाई टॉस कौन जीता है और क्या प्ले ग्राउंड जो है उतारी गई है जो हमने प्ले ग्राउंड बनाई है वही उतारी गई है या फिर कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे उससे उससे पहले आप चलो स्ट्रीम को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ और डेल्टिन सेवन ऐप पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइसेंट में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिए खेलिए और जीतिए चलिए चलते हैं ज़रा आप टॉस की तरफ देखते हैं टॉस किसने जीता है इस मुकाबले में

की प्लेइंग एलेवन जो है वो क्या रहेगी यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर संजन थंडर की थंडर की टीम में आज एलेक्स सेल्स नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर डेविड वार्नर जो है ओपन करते नजर आएंगे मैथ्यू ग्लिक्स के साथ जी हाँ यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी ये रहेगी डेविड वार्नर मैथ्यू ग्लिक्स ओपन करेंगे सैम वाइटमैन जो है वो नंबर तीन पे होंगे नंबर चार पे होंगे हॉलीवर डेविस नंबर पाँच पे होंगे एलेक्स रोज नंबर छः पे होंगे बेन कटिंग और नंबर सात पे होंगे यहाँ पर डियल सैम नंबर आठ पे होंगे नैथन मैकेड्रू नंबर नौ पे होंगे क्रिस ग्रीन जी हाँ कप्तान है इस टीम के और नंबर दस पे होंगे ब्रिंडन डॉगेट और नंबर ग्यारह पे होंगे उस्मान कादिर तो तीन के तेज गेंदबाज जो उन्होंने बताया थे आपको वो खेल रहे हैं नैथन मैकेड्रू डेनियल सैम और ब्रिंडन uh, डॉगेट जो है वो इस टीम के अंदर हैं साथ में क्रिस ग्रीन और उस्मान कादिर दो स्पिनर गेंदबाज हैं ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगे बैन कटिंग तो यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ एक ही चेंज है एलेक्स सेल्स आज टीम में नहीं है जी एलेक्स हेल्स जो है वो टीम में नहीं है यहां पर डेविड वार्नर जो है वो आज खेलते नजर आएंगे तो ओपनिंग जोड़ी यहां पर थंडर की थंडर जो है क्योंकि जो वो पहले बल्लेबाजी कर रही है थंडर की टीम से एलेक्स हेल्स और मैथ्यू ग्लिक्स जो है वो ओपन करेंगे नंबर तीन पे होंगे शैम वाइट मैन नंबर चार पे होंगे ऑलिवर्ड डेविस नंबर पांच पे होंगे एलेक्स रोस नंबर छह पे होंगे यहां पर बैंड कटिंग नंबर सात पे डेनल सैम नंबर आठ पे मैथन मैकेट नंबर दस पे क्रिसक्रीन और नंबर ग्यारह पे उस्मान क्वादिर जो है वो खेलते नजर आएंगे तो ये है पूरी प्लेइंग इलेवन यहाँ पर जो है सिडनी थंडर की तो आप सब लोग जो है लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है तो प्लेइंग एवन आप सबको दिखा रहे हैं बता रहे हैं यहाँ पर आज सिडनी थंडर की टीम से एक मजबूत बल्लेबाज डेविड वार्नर को जगह मिली है अभी साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था उस वजह से जो है डेविड वार्नर वहां पर टेस्ट मैच खेल रहे थे बढ़िया प्रदर्शन रहा है टेस्ट मैच के अंदर मगर टी में भी टी में चाहे कोई भी लीग हो चाहे आई हो चाहे बिग बैश हो जबरदस्त प्रदर्शन रहता है डेविड वार्नर का एलेक्स सेल्स नहीं खेल रहे उनकी जगह डेविड वार्नर है आज टीम के अंदर तो यहां पर एक चेंजेस जो है वो सिर्फ किया है सिडनी थंडर की टीम ने डेविड वार्नर खेलते नजर आएंगे मैथ्यू ग्लिक्स के साथ ओपन करेंगे तो नंबर वन और नंबर

जैसन बैंड्रॉफ और पीटर हेड्स ग्लू आज खेल नहीं रहे जी हां जैसन बैंड्रॉफ और पीटर हेड्स ग्लू जो है वो टीम के अंदर नहीं है उनकी जगह डेविड पेन और लेंस मॉरिस को जगह मिली है तो ओपनिंग जोड़ी सेम ही रहेगी यहां पर कैमरन ब्रैंड्रॉफ्ट और स्टीफन ए जो है वो टीम के अंदर है वो ओपनिंग जोड़ी रहेगी और तीन नंबर पर खेलेंगे एरन हार्डी चार नंबर पे जॉश इंग्लिश नंबर पांच पे एस्टन टर्नर नंबर छ पे यहां पर निक हॉप्सन होंगे नंबर सात पे एस्टन एगर नंबर आठ पे मैथ्यू कैली नंबर नौ पे एंड्रू टाइम

डेविड पेन जो है वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज है तो जसन बेंड्रोफ की जगह डेविड पेन को मौका मिला है आज इस मुकाबले के अंदर तो देखना होगा जसन बेंड्रोफ की कमी जो है क्या पूरी कर पाएंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में डेसन बेंड्रोफ ने बढ़िया गेंदबाजी की थी लेंस मॉरिस जो है वो राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज है जी हां जैसा कि मैंने बताया था आज सिर्फ एक स्पिनर गेंदबाज के साथ उतर रही है यहां पर पर्सकोचर्स की टीम एस्टन एगर इस टीम के अंदर रहेंगे जो है वो तेज गेंदबाज रहे स्पिनर गेंदबाज रहेंगे एस्टन गेंद एगर मैथ्यू कैली uh, जो है वो राइट गेंदबाज है तो यहाँ पर uh, कम से कम जो है वो चार तेज गेंदबाज के साथ उतर रही है टीम, Kelly, Tye, uh, Payne, और, uh, साथ में तो तेज गेंदबाज और गेंद अंदर रहेंगे और बल्लेबाजी में आपके लिए कैमरन बैंक मैकेश इंग्लिश नंबर चार पे नंबर तीन पे एंड्रो हार्डी नंबर चार पे जॉस इंग्लिश नंबर पांच पे एस्टन टनर और नंबर छह पे निक हॉबसन है, वो खेलते नजर आएंगे तो यह रहेगी आज एक्सपेक्टेड तो बकरे यहाँ पर जो प्लेइंग इलेवन है वो इस प्रकार रहेगी तो लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को आ, यहाँ पर जो है पर्स कॉचर्स की टीम ने आज दो चेंजेस किए हैं गेंदबाजी के चलते जैसन बैंड्रॉफ और पीटर हेड्स ग्लू नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पे डेविड पेन और लेंस मॉरिस को जगह मिली है और अगर बात की जाए यहाँ पर थंडर की तो एलेक्स हेल्स नहीं खेल रहे उनकी जगह डेविड वॉर्नर को जगह मिली है तो आपको पूरी प्लेइंग इलेवन यहाँ पर बता दी गई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जो भाई अभी भी जुड़े हैं उनको बता दे कि भैया हमारी जो स्क्रीन सामने आप देख रहे हैं जैसन बैंड्रॉफ और पीटर हजगुलू नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह पे यहां पर लेंस मॉरिस और डेविड पेन को मौका मिला है डेविड पेन जो है वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और लेंस मॉरिस जो है वो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है तो वो आज खेलते नजर आए हैं थंडर ने सिर्फ बल्लेबाजी में चेंज किया है डेविड वार्नर को आज जगह मिली हुई है टीम के अंदर तो डेविड वार्नर जो है वो ओपन करते नजर आएंगे मैथ्यू ग्लीस के साथ तो यहाँ पर देखना होगा

मैथ्यू ग्लिस जो है ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर देखना होगा आज ओपनिंग जोड़ी जो है क्या कमाल कर पाएगी एलेक्स सेल्स के ना होने के बाद डेविड वार्नर आए हैं मतलब एक बड़े बल्लेबाज बाहर गया है मगर उसके बाद एक बड़ा बल्लेबाज जो है वो टीम के अंदर आए हैं शेम वाइटमैन है ओलिवर डेविस है एलेक्स रोज है मगर अगर बात की जाए बल्लेबाजी की सी थंडर की तो आप टीम के अंदर जो है डेविड वार्नर ऑलीवर डेविस और एलेक्स रोज प्रशर्शन एलेक्स रोज और ऑलिवर डेविस का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया रहा है और साथ में अगर फर्स्ट कॉशन की बात करते हैं जैसे बैंक्रॉफ्ट और यहाँ पर एनोन हार्डी और जॉर्श इंग्लिश का प्रदर्शन जो है

वाली चेस करने वाली टीम के लिए क्योंकि मुश्किल रहेगी क्योंकि पिच है ये सिडनी शो ग्राउंड है सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम का स्टेडियम है ये जहां पर सिडनी थंडर की टीम पंद्रह ऑल ऑलआउट हो गई थी और कहीं ना कहीं आज के इस मुकाबले में गेंदबाज़ों का बोल बाल रहेगा तो तेज गेंदबाज आप अपनी टीम के अंदर चार तेज गेंदबाज एक स्पिनर गेंदबाज रख सकते हैं यहाँ पर और बात करें अगर ऑलराउंडर के लिए तो ऑलराउंडर के लिए आप बैन कटिंग टेनल सैम दोनों को रख सकते हैं टीम के अंदर में या फिर तीन तेज गेंदबाज दो स्पिनर गेंदबाज एस्टर नगर और आ, क्रिस ग्रीन को टीम में रख सकते हैं क्योंकि क्रिस ग्रीन जो है वह विकेट चटकाते हुए नजर आ रहे हैं तो पिच कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए अनुकूल रहेगी बल्लेबाजी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस पिच के ऊपर क्योंकि इस पिच पे यहाँ पर पिच पर बाउंस भी अच्छा है और स्विंग जो है वो देखने को मिल जाता है मगर आप देखना होगा मौसम जो है बिल्कुल परफेक्ट है पूरे चालीस ओवर का खेल जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर तो एक सौ के बीच में स्कोर रह सकता है श्री थंडर का और वो श्री

गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और सीडी थंडर की टीम पहले कर रही है यहाँ पर जो है बल्लेबाजी अब देखना होगा बल्लेबाजी करते हुए कम से कम डेढ़ सौ के आंकड़े को क्रॉस करना होगा क्योंकि गेंदबाजों के लिए अच्छी पिच रहती है ये अगर बात करें यहाँ पर एवरेज स्कोर के एक सौ अड़तालीस है मगर हाइएस्ट टोटल जो है एक सौ पिचानवे का है यहाँ पर लोएस्ट टोटल पंद्रह रन का है जहाँ पर पंद्रह रन पर आउट हो गई थी सिनी थंडर की टीम अगर बात करें हाइएस्ट चेज की तो मेलबर्न रनी ने यहाँ पर जो है हाइएस्ट चेज़ किया है एक सौ छिहत्तर रन जो है वो चेज हुए हैं मगर लोएस्ट डिफेंड अगर बात की जाए तो छिहत्तर रन जी हाँ लोएस्ट डिफेंड भी छिहत्तर रन छिहत्तर रन का है तो देखिए ये पिच कहीं ना कहीं गेंदबाजों को आ, मदद करती है गेंद गेंदबाजों के लिए अनुकूल यह पिच रहती है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा गेंदबाजों पे आज फोकस करिए क्योंकि गेंदबाजी के लिए पिच अनुकूल रहेगी देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से बिग बैश मैच लगातार पांच दिन से कुछ खास मुकाबले हुए नहीं है मगर आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन कहीं ना कहीं बढ़िया मुकाबले होते हैं बिग बैश के अंदर तो मुझे लगता है कि आज के दिन भी हमें दोनों साइड जो है दोनों टीमें जो है फेवरेट आते हुए नजर आ सकती हैं तो लॉज बुक जरूर करिएगा ट्रेड करिएगा ट्रेड अगर आपको नहीं करना नहीं करना आता तो कहीं कही ना कहीं डलटिन समय आपको ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइस पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करिए यहां पर और लिंक को क्लिक करिए और आईडी क्रिएट करिएगा मिनिमम बैड सिर्फ दस रुपये है मिनिमम जो है सिर्फ सौ रुपये का है सौ रुपये डिपोजट करके आप यहां पर खेल सकते तो जाइए खेलिए और जीती है डल्टिंग सेवन एप पर आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है लिंक है डिस्क्रिप्शन में ले, ले, लिंक को क्लिक करिएगा रेफर कोड डालने जरूरत नहीं है यूजर ने बनाइए पासवर्ड बनाइए मोबाइल नंबर डालिए आपकी आई जो है क्रिएट हो जाएगी जादा सिंह जी जुड़ चुके हैं हेलो सर एलेक्स हेल्स है रहा है नहीं सर जी एलेक्स हेल्स की जगह डेविड वार्नर को जगह मिली हुई है और डेविड वार्नर को खिलाया गया है आज के इस मुकाबले में हमें तो यही न्यूज मिली है कि डेविड डेविडर डेविड वार्नर जो है वो खेल रहे हैं आज के इस मैदान में आप देखना होगा कि लास्ट टाइम कोई चेंज ना हो जाए क्योंकि कई बार हमने देखा है है कि लास्ट टाइम कुछ कुछ चेंजेस जो है, वो देखने को मिल जाते हैं उम्मीद यही है यहां पर न्यूज तो यही है कि कहीं कही ना कहीं अब सिडनी शिड्ण, की तरफ से एलेक्सल्स की जगह पर यहां पर जो है डेविड वार्नर को जी हाँ जेविड वार्नर को आज जगह मिली है बाकी ऑफिशियली न्यूज़ भी पता कर लेते हैं यहाँ पर जी हाँ डेविड वार्नर मैथ्यू ग्लिक्स जो है ओपन करेंगे सैम वाइट पॉइंट नंबर तीन पे होंगे नंबर चार पे होंगे ऑलीवर्ड डेविस नंबर पाँच पे होंगे एलेक्स रोज और नंबर छः पे होंगे डैनल सैम नंबर सात पे होंगे डेबेन कटिंग नंबर आठ पे होंगे नेतन मैकेू नंबर नौ पे होंगे क्रिस ग्रीन नंबर दस पे होंगे ब्रेंडन डॉगेट और नंबर ग्यारह पे होंगे उस्मान कादिर तो यहाँ पर यहाँ पर जो है डेविड वार्नर जो है वो एलेक्स हेल्स की जगह पे खेलते हुए नजर आए हैं पर्स कॉचल में आज जैसन बैंड्रॉफ और पीटर हैड्सग्लू जी हाँ है। पीटर हैड्सग्लू भी आज नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पे यहाँ पर डेविड पेन और लैंस मॉरिस को जगह दी गई है दोनों जो है वो तेज गेंदबाज हैं आज चार तेज गेंदबाज के साथ पर्स कॉचल्स की टीम उतरी है तो देखना होगा यहां पर किस तरीके से प्रदर्शन चलता है तो लाइक करिए आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को मुकाबला शुरू होने में उन्नीस मिनट बच्चे हैं तब तक आप सब लोगों के जो है मैसेजेस लिए जा रहे हैं मैसेजेस आप भेजते रहिएगा आप सबको जो है यहाँ पर मैसेजेस जो है वो पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर तो मैसेज भेजते रहिएगा हाइएस्ट रन कौन बनाएगा भाई भाई मेरे सबसे हाइएस्ट रन जो है वो डेविस या फिर बना सकते हैं आज आज के, के बल्लेबाजी कर सकते हैं पैसठ रन बन जाए तो एक अच्छा टोटल रहेगा अगर आपके पास गेंदबाजी अच्छी और गेंदबाजी काफी बढ़िया चल रही है तो डैनियल सैम फॉर्म में नहीं है डैनियल सैम जो है कंसर्न बने हुए हैं मगर कहीं ना कहीं डेनियल सैम अगर चल जाते हैं और बैन कटिंग की गेंदबाजी बल्लेबाजी चल जाती है तो कहीं ना कहीं ये टीम अच्छी हो जाएगी अगर फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो आप कप्तान जो है ओलिवर डेविस को रख सकते हैं और वाइस कैप्टन जो है एंड्रू टाई को रख सकते हैं आप सब लोग आ, बैटिंग के लिए हम यहाँ पर जॉश इंग्लिश विकेट कीपर के लिए जॉश इंग्लिश को रख लेंगे बैटर में हम एस्टन टर्नर और डेविड वार्नर ऑली डेविस को रखेंगे साथ में अरुण हार्डी भी हैं अगर एक बल्लेबाज और एलेक्स रोज को भी आप रख सकते हैं ऑलराउंडर की भूमिका में अरुण हार्डी एस्टन अगर और डैनियल सैम को रख सकते हैं में अगर गेंदबाजों में तो एंड्रू टाईन डॉगेट और क्रिस ग्रीन नेथन में सकते हैं एक है तो तो वाइस कैप्टन के लिए एंड्रू टाई को हम रख सकते हैं यहां पर तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को मुकाबला शुरू होने में सिर्फ आपसे अठारह मिनट बचे हुए हैं तो आप सबके सवाल ले रहे हैं थोड़े बहुत सवाल अपने अपने भेजते रहिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ मुकाबले में सचिन भाई जुड़ चुके हैं कौन विन होगा

खिलाड़ी सेम रहेंगे यहाँ पर चेतन भाई आपको आप कहाँ से हो भाई चेतन भाई बता दीजिए भाई कहाँ से हैं मैं तो दिल्ली से हूँ भाई चेतन भाई का चेतन भाई बता दीजिए कहाँ से हैं यहाँ पर जो है काफ़ी भाई हमारे से जुड़े हुए हैं लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इस मुकाबले में जो है काफ़ी ज़बरदस्त खेल जो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पर बाकी यही है कि हेड टू हेड जो प्रदर्शन रहा है इस सीज़न के अंदर एक मुकाबला दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं और वहां पर भी थंडर की टीम ने बाजी मारी थी तो मुझे लगता है कि आज के इस मुकाबले में भी थंडर जो है वो बाजी मार सकती है यहां से अभी भी टाइम है सत्रह मिनट है तो आपने सवाल भेजिएगा सवाल के देंगे जवाब मोहम्मद शरजार भाई कह रहे हैं यहाँ पर हाय ऑल भाई बिल्कुल भाई मिश्रा भाई कैसे हो बढ़िया हूँ सर जी आप बताइए किंग राज भाई का हाई स्टोर बता दिया भाई आपको मैंने हेल्स नहीं खेल रहा है वॉर्नर प्लेंग भाई बिल्कुल सही लिखा भाई अब मैंने बता दिया कि प्लेइंग इलेवन जो है वो वार्नर टीम के अंदर रहेंगे यहाँ पर उत्तराखंड भाई कह रहे हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन बताओ सर जी भाई बॉलिंग सेक्शन बता दो दिया आपको कि भाई पार्थ स्कॉचर्स टीम से आप एंड्रू टाई को रख सकते हैं यहाँ पर मैं यहां पर एंड्रू टाई को टीम के अंदर रख सकते हैं साथ में मैथ्यू कैली भी हैं एंड्रू टाई और मैथ्यू कैली की गेंदबाजी जो है वो काफी अच्छी चल रही है लेंस मॉरिस और डेविड पेन आज खेल रहे हैं तो लेंस मॉरिस की जगह वो गेंदबाजी में मैं अभी नए गेंदबाज हैं तो मैं लेना नहीं चाहूँगा उनको इसीलिए साथ में अगर बात करें बेनिन डॉगेट और लेथन मैकेड्रू यहाँ से रख सकते हैं दो ऑलराउंडर की क्रिस स्पिन के नाम से क्रिस ग्रीन और रख सकते हैं आप तीन ऑलराउंडर रख सकते हैं एस्टन नगर और बेन कटिंग और

यहाँ पर मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरतियाल बिग बैश लीग 2022-2023 का सिडनी थंडर वर्सेस परस कोचर्स का ये मुकाबला है उनतालीसवां मुकाबला है और धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल जो है वो सही क्लियर होती जा रही है परस कोचर पॉइंट टेबल में नंबर वन की टीम है मगर सिडनी थंडर भी नंबर चार पे अगर सिडनी थंडर आज का मुकाबला जीतती है तो नंबर तीन के पायदान पर आ जाएगी तो कोशिश सिडनी थंडर की यही है कि टॉप फोर में रहा जाए और गेम में बने रहा जाए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल ये मैच कहाँ पर हो रहा है भाई ये सिडनी थंडर के होम ग्राउंड पे हो रहा है सिडनी शो ग्राउंड के अंदर यह मुकाबला खेला जा रहा है जहां पर आपको याद होगा थंडर की टीम पंद्रह पे ऑल आउट हो गई थी तो गेंदबाजी के लिए सरफेस काफी बढ़िया रहेगा उम्मीद यही है कि गेंदबाज को ज्यादा विकेट मिले इसीलिए ऑलीवुड डेविस को रखा है शीवर डेविस जो है अच्छे खासे फॉर्म ऑलीवुडर डेविस और रोज दोनों जो है वो अच्छे फॉर्म में है बल्लेबाजी में थंडर की तरफ से यहाँ पर तो सिडनी के सिडनी शो ग्राउंड के अंदर यह खेला जा रहा है मुकाबला अब देखना होगा किस तरीके से खेल जो है वो आगे के तब बढ़ता है बैडिंगटॉन सिटी में

यहां से कुछ ना से चौदह मिनट बचे हैं मुकाबला शुरू होने में चौदह मिनट के बाद यहां या से मुकाबला जो है वो शुरू होगा ओपनिंग जोड़ी होगी आज डेविड वार्नर और मैथ्यू ग्लिक्स ग्लिस की और यहां पर ओपनिंग जोड़ी रहेगी आज आ, थंडर की तरफ से गेंदबाजी में हो सकता है शुरुआत आज जो है आ, वो शायद लेंस मॉन से डेविड पेन में से किसी गेंदबाज से डेविड पेन के साथ शुरुआत करें यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से गेम चलेगा आज चलो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है चाहेंगे कि एक जबरदस्त खेल जो है वो देखने को मिल जाए यहां पर पर्सकॉचर जी हाँ पर स्कॉचर्स की टीम जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो कर रही है यहां पर अब देखना होगा क्या आज इस मुकाबले में स्कॉचर्स की टीम बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आती है कि नहीं यहां पर आ बाकी अगर बात की जाए पर्थ की ओपनिंग तो कैमरन ब्रैंड्रॉफ्ट और स्टीफन मैकेजी स्टीफन एकेजी जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे आज पर्सकॉचर स्कॉचर्स तरफ से पर्थ की बल्लेबाजी के साथ बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मगर आज गेंदबाजी में जैसा ब्रैंड्रॉफ की कमी हो सकता है आज खलते हुए नजर आए क्योंकि जैसन बैंड्रॉफ शुरुआत में विकेट जो है वो काफी अच्छी चटकाते हैं देखना होगा आज किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा यहाँ पर अगर बात की जाए आज के इस मुकाबले की तो राउंड में राउंड में आ, यहाँ पर आ, आ, यहाँ पर बैनक्रॉफ्ट इस टीम के अंदर है स्टीफन एक्न्जी है अरोन हार्डी है जॉश इंग्लिश है एस्टन टर्नर है निक हॉपसन है एस्टन अगर है मैथ्यू कैली है आ, यहाँ पर आ, यहाँ पर मैथ्यू कैली है साथ में एंड्रू टाई है डेविड पेन और लेंस मॉरिस जी जसन बैंड्रोफ पीटर हैड्स ग्लू नहीं खेल रहे डेविड पेन और लेंस मॉरिस को आज जगह मिली है पर स्कॉचर्स की टीम के अंदर यहाँ पर देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में पर मोहम्मद शरियार हुसैन भाई यार रोहन भाई क्या मैं आपको मॉडिटर बनाता हूं और कहीं ना कहीं आप बदल जाते हैं चक्कर क्या आप नए नए नाम से आ रहे हैं क्या मोहम्मद शरियार हुसैन भाई आजकल यार रोहन भाई क्या कर रहे हैं आप मैं मॉडिटर बनाता हूं और आप बिल्कुल दूसरी आईडी से आते चलिए मॉनिटर बना दिया फिर से रोहन भाई को रोहन भाई कैसे अहमदुल्ला अच्छे हैं भाई बिल्कुल रोहन भाई बढ़िया रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ मुकाबले में क्या लगता है आज क्या लगता है क्या लगता है कि थंडर की टीम कुछ कमाल करेगी या फिर पर्थ की टीम आसानी से इस मुकाबले को जीतते हुए नजर आएगी ये देखना होगा आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा यहाँ पर डेविड वार्नर खेल रहा है भाई बिल्कुल क्रिकेट काउंसिल भाई डेविड वार्नर खेल रहा है एलेक्स हेल्स जो है वो नहीं खेल रहे हैं एलेक्स हेल्स को जगह नहीं मिली है उनकी जगह पे आज डेविड वार्नर डेविड वार्नर खिलाया गया है और डेविड वार्नर जो है वो अच्छे खासे फॉर्म में भी हैं टेस्ट मैच में देखा है अच्छा खासा फॉर्म में नजर आए हैं डेविड वार्नर तो मुझे लगता है कि बढ़िया रहेगा पिच के बारे में कुछ बताओ सर जी सर पिच के बारे में अगर कुछ जानना है विजय प्रताप सिंह भाई तो हमारे जो है हम मुकाबले से एक घंटा पहले जुड़ते हैं और पिच के बारे में डाटा निकाल के लाते हैं मगर वैसे अब आप मोटा मोटा बता दो कि पिच जो है वो तेज गेंदबाजों बाजों को मदद करती है बल्लेबाजी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मगर आज की पिच को देखना होगा किस तरीके से रहेगा यहाँ पर अब बाकी यही है कि पिच जो है वो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को मदद करती है तो हमें टीम के अंदर जो है वो तीन

उम्मीद करेंगे थंडर जो है वो थंडर बोल्ट दे। आज पर की टीम को यहां पर देखना होगा सिडनी शो ग्राउंड है, है और हमारी टीम, टीम रहेगी मुकाबले में इस सीजन के अंदर टीमें एक एक मुकाबला खेल चुकी है और वहां पर थंडर ने एक अच्छा खासा रन चेस किया था पिचानवे लाइक हो चुके हैं पांच भाई और लाइक कर दीजिएगा आंकड़ा हो जाएगा सौ लाइक प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को

चिकेश भाई ऐसा करिए आधा घंटा और रुक जाइएगा और कहीं ना कहीं अगले आधे जब पांच ओवर डल जाए तब पिच रिपोर्ट पूछेगा क्योंकि पिच रिपोर्ट आपको भी पता है चिकेश भाई मैं आधे घंटे टॉस से आधे घंटे पहले ही सारी इंफॉर्मेशन ले आता हूं तो आप लेट जुड़े हैं इसमें आपकी खामियाजा है एंट्री टाइम बता देना भाई बिल्कुल भाई विजय प्रताप भाई एंट्री टाइम बता देंगे एंट्री कब लेनी है आपको अगर मौका मिला तो एक अच्छी खासी एंट्री ढूंढ रहे हैं हर बार एक अच्छी खासी एंट्री ढूंढ रहे हैं और अच्छी खासी एंट्री जो है वो मिल नहीं रही उम्मीद करेंगे कि आज जो है एक अच्छी एंट्री मिल जाए और एक लॉसकट बुकशट वाला मैच जो है वो देखने को मिल जाए यहाँ पर आज जो है देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत बाकी प्रदर्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा दोनों टीमों का मिश्रा जी कैप्टन किसे बनाए भाई ऑलिवर डेविस को कैप्टन बना सकते हैं या फिर एलेक्स रोज को बना सकते हैं या फिर आप डेविड वार्नर के साथ जा सकते हैं पर्थ की तरफ से तो आप जॉश इंग्लिश एरोन हार्डी या बैंकॉट बना सकते हैं ये तीन बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर एलेक्स नहीं खेल रहा भाई बिल्कुल भाई एलेक्स से यहाँ पर एलेक्स हेल्स जो है वो नहीं खेल रहे हैं डेविड वार्नर को जगह मिली है इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेविड वार्नर आज के इस मैच में खेल रहे हैं एलेक्स हेल्स की जगह पे तो देखते हैं क्या होता है बस आठ मिनट बचे हैं मुकाबला शुरू होने में तो मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है तो जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को तो मुकाबला है यहाँ से बस कुछ ही देर में जो है वो शुरू होने वाला है तो कुछ ही देर में आपको यहाँ से मुकाबला शुरू होते हुए नजर आएगा तो जब जो भाई अभी भी जो जुड़े हैं वो जो है स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार मैं प्ले ग्राउंड आपको सबको फिर से बता दूँ दोनों टीमों की अगर आपको सबको नहीं पता है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सिडनी थंडर की तो सिडनी थंडर में आपको डेविड वार्नर और मैथ्यू ग्लिक्स जो है ओपन करते हुए नजर आएंगे तीन नंबर पे होंगे सैम वाइटमैन चार पे होंगे ऑलीवर डेविस पाँच पे होंगे एलेक्स रोज नंबर छः पे होंगे डैनियल सैम नंबर सात पे होंगे बेन कटिंग नंबर आठ पे होंगे नथन मैकेड नंबर नौ पे होंगे क्रिस ग्रीन नंबर दस पे ब्रैंडन डॉगेट और नंबर ग्यारह पे उस्मान गादिर होंगे ये है अब सनी थंडर की बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन पर्स कॉचर की टीम की प्लेइंग इस प्रकार है यहां पर कैमरन ब्रैंक्रॉट स्टीफन ए एरोन हार्डी और जॉश इंग्लिश मतलब कैमरन ब्रैंक्रॉट और आ, स्टीफन मैकेंजी जो है कैंजी जो है वो ओपन करेंगे नंबर तीन पे होंगे एरोन हार्डी नंबर चार पे होंगे जॉश इंग्लिश नंबर पांच पे एस्टन टर्नर होंगे नंबर छह पे निक हॉप्सन नंबर सात पे एस्टन अगर नंबर आठ पे मैथ्यू कैली नंबर नौ पे एंड्रू टाई नंबर दस पे डेविड पेन और नंबर ग्यारह पे लेंस मॉरिस जो है वो खेलते नजर आएंगे आज के

डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिएगा उसके बाद आईडी क्रिएट करिएगा आईडी क्रिएट करने के लिए रेफरल कोड कोड डालने की जरूरत नहीं है यूजर नेम बनाइए पासवर्ड बनाइए मोबाइल नंबर डालिए आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी ऐप पे चलते हैं यहाँ पर मुकाबले की तरफ और रुक करते हैं मुकाबले की तरफ क्योंकि अब से सिर्फ छः मिनट के बाद जी हाँ अब से सिर्फ छः मिनट के बाद मुकाबला जो है वो शुरू होगा चलते हैं जरा अपनी मेन स्क्रीन की तरफ जहाँ पर कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले की तो अपनी मेन स्क्रीन की तरफ आ, बढ़ना शुरू कर रहे हैं अब क्योंकि बस कुछ ही देर के अंदर प्लेयर जो है वो ग्राउंड के अंदर एंटर कर जाएंगे जी हाँ बस कुछ ही देर के अंदर प्लेयर जो है वो ग्राउंड के अंदर एंटर करते हुए नजर आएंगे तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले की यहाँ पर और काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है पर्स कॉचर ने टॉस को जीता है यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी करते नज़र आती है यहाँ पर पर्थ की टीम देखना होगा शुरुआती इस मुकाबले के अंदर किस तरीके से खेला होगा खेला किस तरीके से होगा वो देखना होगा अब लाइक करिएगा आप, आप सब लोग पर्स कॉचर ने आज टॉस जरूर जीता है क्या यहाँ से मैच को जीत पाएगी क्योंकि सिडनी अपने होम ग्राउंड के अंदर खेल रही है और सिडनी जो है वो छोड़ेगी नहीं क्योंकि सिडनी का यहाँ पर कहीं कही ना कहीं दुख जो है वो ख़त्म जो है वो होता नहीं है और जो कभी कभी खेलने इस ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो पंद्रह रन का जो आंकड़ा जो आ, हुआ था पंद्रह रन का जो खेल हुआ था उनके साथ वो कहीं ना कहीं भूल नहीं रहे मगर इसलिए आज पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और वो अच्छा है वो अच्छा है अगर थंडर की टीम एक तो रन का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर जाए तो एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है हमें इस ग्राउंड के अंदर तो आपसे सिर्फ पाँच मिनट बचे हैं जी हाँ अब से सिर्फ पाँच मिनट बचे हैं अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर मुकाबला जो है वो चलता हुआ नजर आएगा तो जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए एंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को तो मुकाबला बस कुछ इधर में शुरू होगा यहाँ पर और दोनों टीमें जो है वो बस ग्राउंड के अंदर जो है वो एंटर करना शुरू करेंगे तो यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले के लिए तो मुकाबला यहाँ से शुरू हो रहा है यहां से मुकाबला शुरू हो रहा है बस कुछ ही देर में ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स जो है वो एंटर करना शुरू करेंगे पर्थ के इस ग्राउंड के अंदर और सिडनी शो ग्राउंड के अंदर ये मुकाबला खेला जा रहा है तो आप सब लोग जुड़ रही है एक ओवर में कितने रन मार सकते हैं भाई भाई ये तो फिर मुश्किल बात है ये तो मेरे लिए भी मुश्किल बात है कि एक ओवर में कितने रन बन सकते हैं तो मेरे लिए मेरे लिए भी कहना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहेगा कि एक ओवर में कितने रन बनेंगे और शुरुआती ओवर में कितने रन बन सकते हैं बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से खेल जो है वो होता हुआ नजर आएगा यहाँ से और मुकाबला शुरू हो रहा है तो तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले की यहाँ से आ, मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है और उम्मीदें है यही हैं कि यहाँ से खेल जो है वो ज़बरदस्त तरीके स्चल, यहां से चलिए यहाँ से तैयारी करिएगा इस मुकाबले की और मुकाबला जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है आप सब लोग लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को एक लाइक हो चुके हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऐसा इसी तरीके की सपोर्ट करिएगा तीन मिनट बच्चे हैं प्लेयर जो है बस ग्राउंड के बाउंड्री पर खड़े हैं और यहाँ से अब मुकाबले की तरफ जी हाँ एंट्री अंदर की तरफ आना शुरू करेंगे इस मुकाबले के अंदर देखना होगा किस तरीके से खेला हो किस तरीके से खेल जो है वो चलता हुआ नजर आएगा तो यहाँ से आप सब लोग जुड़े हुए हैं जुड़ रहिएगा बस अब से कुछ ही मिनट के बाद मतलब एक से दो मिनट के अंदर जो है वो खेल जो है वो शुरू होने वाला है इस मुकाबले का इस मुकाबले में मज़ा जरूर आएगा क्योंकि बिग बैश लीग के पाँच पाँच दिन हो चुके हैं यार एक तरफा मुकाबले हो रहे हैं मुझे लगता है कि आज के इस मुकाबले के अंदर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहेगा और काफी बढ़िया मुकाबला जो है वो देखने को मिल जाएगा तो तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले की प्लेयर जो है बस ग्राउंड के अंदर एंटर करना शुरू कर रहे हैं आप देखते हैं कौन सी टीम किस पे भारी पड़ते हुए नजर आती है कौन टीम किस पर भारी पड़ते नजर आती है इस मुकाबले के अंदर वो देखना होगा यहाँ पर चलिए चलते हैं सर अब वॉनर फर्स्ट इनिंग में है भाई बिल्कुल पहले बल्लेबाजी कर रहे में करने की टीम कर्नल टीम में है डेविड मॉनर तो चलिए यहाँ से ग्राउंड के अंदर जो है वो एंटर करना शुरू कर रहे हैं प्लेयर तो हमने भी अपना जो है शटर ओपन कर दिया है कमेंट्री करने के लिए तो आप सब लोग जो भी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुड़ रहिएगा है बस अब यहाँ से प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ जी मूव कर रहे हैं ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू कर दिया है अब प्लेयर्स ने और प्लेयर जो है बिल्कुल तैयार है अब ग्राउंड की तरफ यहाँ पर एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं अब देखना होगा किस तरीके से गेम जो है वो आगे की तरफ चलता हुआ नजर आता है यहाँ से चलिए आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिएगा पर्थ ने आज टॉस जीता है पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया आप देखते हैं ये गेंदबाजी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होते हुए नज़र आएगी किस तरीके से गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता नज़र आएगा उसको देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ से तो सिडनी के खिलाड़ी अब ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मैथ्यू ग्लिक्स और डेविड वार्नर ग्राउंड के अंदर जो है वो एंटर करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर देखना होगा क्या रहेगा इस मैच uh, का सूरत जिया यहाँ से ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर और मैथ्यू ग्लिक्स वो रहेंगे जो ओपन करते नज़र आएंगे इस मुकाबले के अंदर आ, खेला शुरू हो रहा भाई बाबू भाई बिल्कुल खेला होबे या पहला होबे वो तो समय बताएगा मगर जो भी होवे वो भी अच्छा ही हो अगर अच्छा रहेगा मुकाबला तो मज़ा आएगा देखिए इन्जॉयमेंट के साथ रहते हैं हम चलिए डेविड वार्नर और मैथ्यू ग्लिक्स आ चुके हैं डेविड वार्नर और मैथ्यू ग्लिक्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुके हैं एंट्री मार ली है दोनों बल्लेबाजों ने जी हाँ आप देखते हैं यहाँ से किस तरीके से बल्लेबाजी रहेगी खासकर डेविड वॉर्नर पर निगाहें रहेंगी कि आते ही जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं उसी तरीके की बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आए आज के इस मुकाबले के अंदर और मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से खेला होवे खेला होवे कि पहला होवे वो तो समय बताएगा अब क्या होवे यहाँ से हम बाकी तो हमारे जो व्यूअर्स कहते हैं खेला होगा तो खेला हो जाए तो हम उसी में खुश रहेंगे कि अगर एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिल जाए तो प्लेयर ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुके हैं अब लाइव विजुअल जो, तो जो है वो आना शुरू करें डेविड पेन जी हाँ डेविड पेन के हाथ में गेंद थमाई गई है बाएँ हाथ के तेज गेंदबाज है उम्मीद तो यही थी कि डेविड पेन ही यहाँ से गेंदबाजी जो है वो गेंदबाजी जो है वो करते नज़र आएंगे इस मुकाबले के अंदर तो यहाँ से जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को यहाँ से गेम जो है वो शुरू होता नज़र आ रहा है चलिए यहाँ पर डेविड पेन के हाथ में गेंद है पहली गेंद खेलने के करने के लिए तैयार है मैथ्यू ग्लिक्स एंड स्ट्राइक पर पहली गेंद बढ़िया गेंद यहाँ पर कोई मौका नहीं रन बनाने का बढ़िया गेंद थी यहाँ पर और कहीं ना कहीं इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में और कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर अभी भी शून्य है यहाँ पर और मुकाबला ओपन हो चुका है मुकाबला शुरू हो चुका है यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से अब गेम चलता है यहाँ पर पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला है मैथ्यू ग्लिक्स को स्कोर अभी भी शून्य है यहाँ से मगर आज मज़बूत शुरुआत करनी होगी जी हाँ मजबूत शुरुआत होगी यहां पर आज दोनों बल्लेबाजों को इस बीच अगले डेविड पेन के इस बार इस बार आउट कर दिया यहां पर मैथ्यू ग्लिक्स को तो पहला झटका लगता हुआ सिडनी थंडर की टीम को मैथ्यू ग्लिक्स होते हुए आउट और यहाँ पर पहला पहला झटका विकेट चटका दिया है डेविड पेन ने आज मौका मिला था जेसन बैंड्रॉफ की जगह गेंदबाजी करने का और आते ही जी आते ही मैथ्यू ग्लिस को शून्य के स्कोर पे जी हाँ शून्य के स्कोर पे पवेलियन भेज दिया है मैथ्यू ग्लिस को आप देखना होगा यहाँ से किस तरीके से खेला हो गए थे तो शुरुआत में ही खेला हो चुका है पहला झटका दे दिया है आज डेविड पेन ने आते ही विकेट झटकाया है यहाँ पर मुकाबले में और मैथ्यू ग्लिक्स दो गेंदे खेलकर शून्य के स्कोर पर पवेलियन जाते हुए लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंट्री मिल चुकी है बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था यहाँ पर और कैच आउट हो गए विकेट कीपर ने पकड़ा है कैच कैच आउट हुए यहाँ पर कैच पकड़ा यहाँ पर जो है जॉश इंग्लिश ने जॉश इंग्लिश जो है विकेट कीपर है और मैथ्यू ग्लीग्स जो है वो शून्य के स्कोर पवेलियन जा चुके हैं जी हाँ शून्य के स्कोर पर पवेलियन जाते हुए मैथ्यू ग्लिग्स के यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ थंडर की टीम को शून्य के स्कोर पर गिर गया है विकेट सिडनी थंडर का तो सैम व्हाइटमैन आ चुके हैं व्हाइटमैन जो है बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अब देखना ना करिए यहाँ पर देखना होगा जी हाँ शेन वाइट मैन जो है बयालीस मुकाबले खेले हैं पाँच रन बनाए एवरेज बहुत कुछ खास रहता नहीं है और यहाँ पर अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं इस बीच डेविड पेन के ओवर की अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद यहाँ पर कोई मौका नहीं शैम वाइट मैन के पास रन बनाने का बढ़िया गेंद थी है डेविड पेन की बाई हाथ के तेज गेंदबाज है डेविड पेन और अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं अगर एक आधा विकेट यहाँ से चला गया तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी कहीं ना कहीं अब थंडर के लिए और थंडर को कोशिश करना है कि यहाँ से कम से कम डेढ़ सौ का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करें तभी जो है इस मुकाबले में फाइटबैक हो पाएगा तो क्या फाइडबैक हो पाएगा इस मुकाबले में देखना होगा इस बीच अगली गेंद यहाँ पर जो है डेविड पेन के इस ओवर की सैम वाइटमैन है स्ट्राइक पर क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलेंगे माई हाथ के बल्लेबाज सैम वाइटमैन है स्ट्राइक पर इस बार पर फिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली है अपील जरूर करी यहाँ पर डेविड पेन ने कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर मगर यहाँ पर बात करते हुए एस्टन टनर से कि रिव्यू लेना चाहिए मगर लगता नहीं है क्योंकि गेंद पढ़ने के बाद बाहर की तरफ जाति शायद हो सकता है स्टम्प के ऊपर से भी निकल जाए क्योंकि यहां पर गेंद पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत स्विंग कर रहा है और अच्छी स्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं डेविड पेन और पहला झटका दे दिया है श्री थंडर की टीम को और यहां से बल्लेबाजी करना इस पिछले आसान नहीं रहेगा आसान नहीं रहेगा क्योंकि पिछले हल्की हल्की घास है चलिए अगली गेंद फिर से पांचवी गेंद ऑस्टम की तरफ गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर मगर गेंद को फील्ड कर लिया यहां पर इस गेंद को फील्ड कर लिया यहां पर डेविड पेन ने कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी यहां पर एक रन बिना के नुकसान के चार गेंदों के बाद देखना होगा गेम किस तरीके से आगे बढ़ता है दबाव बना के रखा हुआ है डेविड पेन ने कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर रन बनाने का देखने वाली बात होगी किस तरीके से बल्लेबाजी चलेगी यहाँ पर डेविड पेन का ये ओवर जो है वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है और दबाव बना के रखा हुआ है यहाँ पर चलिए अगली गेंद इस बार डेविड पेन के इस ओवर के सामने है यहाँ पर शैम वाइटमन ऑस्ट्रियन के बाहर यह गेंद थी इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है गेंद जाएगी थर्ड मैन की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर और खाता खुलता हुआ यहाँ पर माखो एक नहीं माख दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर दो रन के साथ खाता खुलता हुआ सिडनी थंडर का दो रन बिना किसी नुकसान के एक दो रन एक विकेट नुकसान पे स्कोर हो चुका है यहाँ पर सिडनी थंडर का आप देखना होगा थंडर को थंडर क्या यहाँ पर थंडर बोल दे पाएगी हमारी टीम सिडनी थंडर रहेगी उम्मीद करेंगे सिडनी थंडर जो है इस मुकाबले को जीते एक एंट्री आप यहां से कर सकते हैं फोर्टी परसेंट लिमिट को यूज करके जो है यहां से एंट्री कर सकते हैं हमारी टीम सिनी थंडर है उम्मीद यही है कि सिनी थंडर की टीम जो है इस मुकाबले को जीते और मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहे यहाँ पर तो एक ओवर समाप्त हो चुका है शून्य के स्कोर पर मैथ्यू ग्लीस का विकेट गिरा है मगर अब स्ट्राइक पे होंगे डेविड वार्नर डेविड वार्नर के साथ गेंदबाजी करने सामने गेंदबाजी करने आए हैं लेंस मॉरिस पंद्रह मुकाबले खेले हैं पांच विकेट चटकाएँ इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा रहता है नौ नौ रन प्रति ओवर के हिसाब से रन देते हैं यहाँ से अब देखना होगा यहाँ से किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं डेविड वार्नर को यहाँ पर लेंस मॉरिस एक बार फिर से तैयार हैं यहाँ पर डेविड वार्नर देखना होगा किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर पहला मुकाबला खेल रहे हैं आज बिग बैश लीग का चलिए सामने मौजूद हैं यहाँ पर बल्लेबाज बयात के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर लेंसमॉन्स की गेंद लेट स्ट पर गेंद थी कलायू के साथ टहला दिया इस गेंद को स्क्वायर लैग की दिशा में यहाँ पर एक रन मिलेगा इस गेंद पर डेविड वार्नर को और डेविड वार्नर का खुलता हुआ खाता स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज यहाँ पर जो है सैम वाइटमैन जी हाँ सैम वाइटमैन आ चुके हैं स्ट्राइक पर दो रन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कोशिश यही है कोशिश यही है कि अच्छा खासा स्कोर जो है बनाया जाए और टीम का स्कोर जो है वो आके ले जाया जाए तो क्या ले जा पाएंगे अपनी टीम का स्कोर यहाँ से डेविड वार्नर और सैम वाइटमैन क्योंकि पार्टनरशिप की जरूरत रहेगी इस मुकाबले के अंदर चलिए सामने मौजूद हैं बल्लेबाज यहां पर सैम लेंस के ओवर की दूसरी गेंद हाथ के तेज गेंदबाज हैं हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पर फिर से पे गेंद बार पुल करने गए थे गेंद को बल्ले का बाहरी किराया लगाया गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर एक और झटका लगता हुआ सैम वाइटमैन भी पवेलियन जाते हुए दो विकेट

बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं सिलेंस मॉरिस और पांच गेंदों में दो रन बनाकर पवेलियन जाते हुए सैम वाइटमैन अब आएंगे बल्लेबाज ऑलीवर डेविस इन्हीं को ये इन फॉर्म बल्लेबाज ऑलीवर डेविस ऑलीवर डेविस और एलेक्स रोज मगर यहाँ से एक पार्टनरशिप चाहिए क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत परत ने करी है कहीं ना कहीं है ऐसा ना हो जाए कि सिनी थंडर जो है वो फर्श पर आ जाए ऑलीवर डेविस बल्लेबाजी करना है एक दशमलव दो गेंदे वह खेल हो चुका है समाप्त तीन रन दो विकेट नुकसान पर थंडर का स्कोर है ओलिवर डेविस तैयार हैं यहाँ पर अब अगली गेंद खेलने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ओलिवर डेविस यहाँ से देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं एक बार फिर से लेंस मॉरिस की ये गेंद सामने ओलिवर डेविस इस बार यॉर्कर गेंद थी इस बार कलायु के सारे ठहला दिया इस गेंद को मिड विकेट दिशा में दो रन मिलने चाहिए इस गेंद पर तो क्या दो रन ले पाएंगे देखना होगा जी हाँ दो रन मिल गए हैं ओलिवर डेविस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ स्कोर पहुँचता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ है श्री थंडर का यहां पर पाँच रन दो विकेट नुकसान पर तो जिन्होंने एंट्री नहीं ली है वो एंट्री जरूर ले लीजिएगा यहां पर थंडर की टीम आज थंडर बोल्ट दे सकती है आज के इस मुकाबले में तो यहाँ से आप एंट्री जो है जो है ज़रूर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा थंडर की टीम को चलिए चलते हैं सर अगली गेंद की तरफ तीन गेंदें हो गई हैं इस ओवर की और गेंदबाजी जो है वो काफ़ी बढ़िया चल रही है पर स्कॉचर्स की तरफ से एक बार फिर से अगली गेंद लेंस मॉरिस की दो स्लिप के साथ गेंदबाजी करें पटकी भी गेंद थी इस बार डिफेंस कर दिया इस गेंद को गई कवर की दिशा में मौजूद एक दशमलव चार गेंद खेल हो चुका है समा आप डेविस अभी भी बल्लेबाजी करने बल्लेबाज आउट हो चुके हैं पहले मैथ्यू ग्लिक्स जो है वो शून्य के स्कोर पर आउट हुए उसके बाद सैम वाइटमैन जो है वो आ, कैच आउट हुए यहाँ पर यहाँ पर और पवेलियन गए दो बल्लेबाज जा चुके हैं थंडर के मनाने वाले बल्लेबाज एलेक्स रोज बैन कटिंग और डैनियल सैम जैसे बल्लेबाज हैं देखना होगा यहाँ से किस तरीके से पार्टनरशिप होती है एक बार फिर सोलवर डेविस को पटकी हुई गेंद एक बार फिर से डिफेंस कर लिया इस गेंद को ओलिवर डेविस ने कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर तो एक दशमलव पाँच गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त पाँच रन दो विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और दो ओवर में जी हाँ पहले पहले ओवर में विकेट गया और दूसरे ओवर में भी विकेट गिराते हुए नज़र आए यहाँ पर पर्सकॉचर्स के गेंदबाज़ अब देखना होगा क्या यहाँ से किस तरीके से गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है इस बीच आखिरी गेंद इस ओवर की ओलिवर डेविस को देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं इस गेंद को अगली गेंद एक बार फिर से हलीवुड डेविस की हलीवुड डेविस को यहाँ पर एक बार फिर से पटकी हुई गेंद इस बार बाउंसर गेंद थी जाने दिया विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का स्कोर अभी भी दिया स्कोर अभी भी यहाँ पर पाँच रन दो विकेट नुकसान पर अगर यहां से गेम को आगे लेके जाना है रनस बनाने हैं तो डेविड वार्नर और ओलिवर डेविस को जो है एक बड़ी पार्टनरशिप करनी होगी क्या यहां से ओलिवर डेविस और आ, आ, यहां पर ओलिवर डेविस और डेविड वार्नर जो है एक बड़ी पार्टनरशिप कर पाएंगे वो देखना होगा लाइक करिए आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में बिग बैश लीग का ये उनतालीसवां मुकाबला है उम्मीदें यही हैं उम्मीदें यही हैं कि ज़बरदस्त खेल जो है वो देखने को मिल जाए यहाँ पर स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ रहिएगा हमारे इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा यहां पर अब डेविड वार्नर होंगे स्ट्राइक पर गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज को बुलाया गया यहां पर जो है जी नहीं माफ करिए पर डेविड पेन को जी हाँ डेविड पेन के हाथ में ही गेंद है बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर होंगे स्ट्राइक पर और बाएं हाथ के गेंदबाज यहाँ पर डेविड पेन ही जो है गेंदबाजी करना तो सामने डेविड है और वो गेंदबाजी भी डेविड कर रहे हैं तो बड़ा एक मज़ा आ रहा है देख कर अब देखते हैं डेविड वार्नर जो है डेविड पेन के खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे डेविड पेन के ओवर की पहली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया स्टेप आउट किया जरूर था मगर कलाइयों के सारे टहला दिया गेंद को मिड विकेट दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर डेविड वार्नर को स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज यहाँ पर जो है ओलिवर डेविस स्कोर हो चुका है छः रन दो विकेट नुकसान पर जी हाँ छः रन दो विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है सिडनी थंडर का देखना होगा किस तरीके से खेल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है यहाँ से और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया है मुकाबला काफ़ी बढ़िया होने की उम्मीद रहेगी इस सीज़न में और जिस सीज़न के अंदर देखिए अगर देखा जाए तो कुछ पिछले पाँच दिन से मुकाबले कुछ खास गए नहीं मुझे कि आज के इस मुकाबले में जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा आज के इस मुकाबले में तो लाइक करिए आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को डेविड पेन के ओवर के अगली गेंद सामने मौजूद ऑलीवर डेविस ऑस्टन के बाहर ये गेंद बाहर ड्राइव लगाया इस गेंद पर गेंद जारी है कवर की दिशा में बाउंड्री के करीब ये गेंद है और चौका मिल जाएगा जी हाँ फील्डर दौड़ रहे थे गेंद के पीछे मगर गेंद को रोक नहीं पाएंगे चौका मिलता हुआ ऑलीवर डेविस को स्कोर पहुँचता हुआ यहाँ पर सिडनी थंडर का दस रन दो विकेट नुकसान पर दो दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद इस बार देखा कि गेंद गेंद्रेन के बाहर है थोड़ा सा रूम बनाए रूम दिया था यहां पर डेविड पेन ने और उसका भरपूर फायदा उठाया ऑलिवर डेविस ने और चौका बटोरा इस गेंद पर स्कोर पहुंचता हुआ दस रन दो विकेट नुकसान पर दो दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद इस बीच अगली गेंद एक बार फिर से डेविड पेन के इस ओवर की ऑलीवर डेविस को थोड़ा सा पटकी भी गेंद गेंद अंदर आती थी इस गेंद को हल्का तो खेल दिया और गेंद गई पॉइंट की दिशा में फिल्डर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी दस रन दो विकेट

थोड़ी सी है, ये ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी और हल्का सा मौका मिला और कट किया गेंद को गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में चार रन चार रन के लिए तो चौदह दो चौके इस ओवर में आ चुके हैं स्कोर पहुंच चुका है सिडनी थंडर का चौदह रन दो विकेट नुकसान पर दो दशमलव चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस बीच अगली गेंद यहां पर डेविड पेन की एक ओवर की इस बार फुलंद की गेंद थी सीधे बल्ले से खेल दिया था गेंद को मगर गेंद गई सीधा मिड विकेट के फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर चौदह रन दो विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ से अगर ओलिवर डेविस और डेविड वार्नर एक बड़ी पार्टनरशिप करें तो शायद 160 तो के पार यहाँ पे पहुँच सकती है सीने थंडर की ये टीम चलिए देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरतयाल सामने मौजूद बल्लेबाज ओलिवर डेविस डेविड पेन के ओवर के आखिरी गेंद एक बार फिर से ऑस्टम की तरफ गेंद थी इस बार ड्राइव लगाया है मगर कवर के मिड ऑन मिड ऑफ के फिल्टर जो है दौड़ के पहुँच जाएंगे कवर की दिशा में एक रन मिलता हुआ ऑलीवर डेविस को और तीन ओवर की समाप्ति होती हुई तीन ओवर की समाप्ति के बाद पंद्रह रन दो विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है और स्ट्राइक पे होंगे ओलिवर डेविस देखना होगा गेंदबाजी जो है वह अब कौन करेगा यहाँ पर चौथे ओवर के पिछले ओवर में भी लेंस मॉरिस को सफलता मिली तो क्या लेंस मॉरिस ही चौथा ओवर करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर यह देखना होगा मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीदें चाहेंगे कि जबरदस्त मैच जो है वो देखने को मिल जाए आज के इस ग्राउंड के अंदर यहाँ पर सिडनी का होम ग्राउंड है सिडनी शो ग्राउंड में खेला जा रहा है यह मुकाबला सिडनी के इस ग्राउंड के अंदर प्रदर्शन सिडनी का थोड़ा सा खराब है मगर मुझे लगता है कि इस मुकाबले को जीत सकती है सिडनी की टीम एक बार फिर से लेंस मॉरिस गेंदबाजी कर रहे हैं बाहर ये गेंद बाहर कलाई को सारे पुल कर दिया इस गेंद को गेंद जारी है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए एक और चौका आता हुआ यहाँ पर ऑलीवर डेविस जो है अपनी फॉर्म को साबित करते हुए थोड़ी सी पटकी हुई गेंद देखी और पुल कर दिया इस गेंद को और गेंद गई सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए

एक और चौका आता हुआ ऑलिवर डेविस के बल्ले से स्कोर पहुंचता हुआ सिडनी थंडर का 19 रन दो विकेट नुकसान पर तीन दशमलव एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है जी हाँ खेलना कहीं और चाहते थे गेंद कहीं और कहीं खेल जाते थे कवर की दिशा में मगर इस बार गेंद के बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी मगर शॉट में ताकत इतनी थी कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है यहां पर और अब हमला शुरू हो चुका है सिडनी थंडर का चलिए अगली गेंद लेंस मॉरिस के पटकी हुई गेंद इस बार कलायु के सारे टहला दिया गेंद को स्क्वायर लाइ की दिशा में एक रन तो पूरा कर लिया दूसरा रन भी आसानी से यहाँ पर पूरा कर लेंगे दो गेंदों में छह रन आ चुके हैं इस ओवर में पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है इक्कीस रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर तीन हैं ग्यारह गेंदों का सामना किया है दूसरे छोर पर डेविड वार्नर खड़े हुए हैं दो गेंदों में दो रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑलीवर डेविस प्रेशर जो है वो हटा रहे हैं डेविड वार्नर के ऊपर और यह अच्छी सोच भी है कि अगर आपको काउंटर अटैक करना है तो आपको थोड़ा सा शॉट लगाने पड़ेंगे गेंदबाजों के ऊपर तभी गेंदबाज का मोराल जो है वो डाउन होगा यहां पर चलिए अगले गेंद एक बार फिर से यहां पर लेंस मॉरिस के इस ओवर की तीसरी गेंद सामने मौजूद ओलिवर डेविस पटकी हुई गेंद ड्राइव किया गेंद को गेंद जा रही है सीधा कवर की दिशा में फिल्टर मौजूद है एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ जाएंगे डेविड वार्नर स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ आगे की तरफ 22 रन दो विकेट नुकसान पर तीन दशमलव तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है पावर प्ले का यह आखिरी ओवर है आपको पता ही है कि चार ओवर का पावर प्ले होता है दो ओवर का पावर सच होता है जो कि दस ओवर के बाद बैटिंग टीम डिसाइड करती है कि कब लेना है यहां पर वन सिक्सटी हो चुके हैं इकतीस ओवर लाइक कर देंगे तो दोस्तों का आंकड़ा

यहां पर 22 रन दो विकेट नुकसान पर तीन दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं आज मुकाबला जो है वो एक बजे शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं दो विकेट जो है वो खो दिए पहले और दूसरे ओवर में उसके बाद ओलिवर डेविस की बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही है आज के इस मुकाबले में अगर यहाँ से ओलिवर डेविस जो है वो एक बड़ी पारी खेलें तो कहीं ना कहीं 150 सौ पचास एक का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर सकती है सिडनी थंडर की टीम चलिए अब ओवर की आखिर पाँचवीं गेंद है यहाँ पर चौथे ओवर की पाँचवीं गेंद सामने मौजूद डेविड वार्नर पटकी भी गेंद इस बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए डेविड वार्नर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर लेंस मॉरिस को, लेंस मॉरिस के ऊपर क्योंकि इस ओवर में काफी रन जो है वो लुटा दिए हैं लेंस मॉरिस ने और स्कोर पहुंचता हुआ छब्बीस रन दो विकेट नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद बढ़िया ये शॉट था बढ़िया ये बल्लेबाजी थी देखा कि गेंद थोड़ी सी छोटी है तैयार तो थे और बिल्कुल पूरी बॉडी जो है वो नाच गई और चौका बटोरा यहाँ पर जो है डेविड वार्नर ने आखिरी गेंद है इस ओवर की चौथा ओवर चल रहा है आखिरी गेंद है इस ओवर की सामने मौजूद बल्लेबाज यहां पर डेविड वार्नर लेंस मॉरिस की ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से थोड़ी सी पटकी हुई गेंद इस बार कलायु के सारे टहलाया था गेंद को मिड विकेट दिशा में मगर फिल्टर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर और यहां पर चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है छब्बीस रन दो विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर सिडनी थंडर की टीम का तो सिडनी थंडर जो है सिडनी थंडर को ही सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं सिडनी थंडर की टीम जो है वो आज इस मुकाबले को जीते देखना होगा किस तरीके से ये मुकाबला जो है वो चलते हुए नज़र आता है बाकी आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को और यहां पर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को स्ट्रीम को करते रहिए लाइक यहां पर मुकाबला काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है एक सौ तिरानवे लाइक हो चुके हैं सात भाई और लाइक कर दीजिएगा आंकड़ा दीजिएगाकड़ा जाएगा यहां पर जो है दो सौ लाइक तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में पावर प्ले जो है वो समाप्त हो चुका है चार ओवर का पावर प्ले जो है वो समाप्त हो चुका है यहां पर अब जो है फील्ड डिस्टेशन जो है वो खत्म हो चुकी है पांच फील्डर आप बाउंड्री पे रख सकते हैं तो देखना होगा एस्टन टर्नर की सोच क्या रहेगी यहाँ पर आने वाले बल्लेबाज एलेक्स रोस डेनियल सैम और बेन कटिंग जो हैं वो मौजूद हैं तो यहाँ पर इन बल्लेबाजों शुरुआती जो बल्लेबाज है डेविड वॉनर और ऑलीवर डेविस की जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा होगी यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अब फिर से गेंदबाज आ चुके हैं देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर गेंदबाजी अब मैथ्यू कैली जी हाँ मैथ्यू कैली को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए अपने अपने आज दिन का पहला ओवर कर रहे हैं यहाँ पर थू कैली दायहात हाथ का तेज गेंदबाज सामने हॉलीवुड डेविस पहली गेंद पर फिर से ऑस्टन के बाहर यह गेंद थी ड्राइव जरूर किया बल्ले का बाहरी रन लगा गेंद गई पॉइंट की दिशा में फिल्टर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर छब्बीस रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर चार दशमलव एक गेंद का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ से जो है मुकाबले में अगर बने रहना है तो ओलिवर डेविस और यहाँ पर डेविड वॉर्नर को एक बड़ी पारी खेलनी होगी पाँचवा ही ओवर है और पाँचवें ओवर में ही गेंदबाज जो है वो चेंज किया है मैथ्यू कैली को बुलाया गया यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद काफ़ी अच्छी थी अब देखते हैं दूसरी गेंद किस तरीके से करते हैं मैथ्यू कैली के ओवर की दूसरी गेंद सामने मौजूद बल्लेबाज़ यहाँ पर ओलीवर डेविस एक बार फिर से पटकी हुई गेंद ऑस्टन के बाहर इस बार ड्राइव किया बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं गेंद गई विकेटकीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर दो लगातार डॉट गेंद यहाँ पर मैथ्यू कैली के इस ओवर में स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज मगर यहाँ पर अन बाउंस जी हाँ उछाल गुड लेंथ की गेंद थी और गुड लेंथ की गेंद पर पड़ने के बाद ये गेंद उछाल लिया और पूरी तरीके से बीट हो गए इस गेंद पर ऑलीवर डेविस ऑलीवर डेविस जो है वो अट्ठारह रन बनाकर खेल रहे हैं चौदह गेंदों का सामना किया है तीसरी गेंद है इस ओवर की अब देखना होगा तीसरी गेंद किस तरीके से खेलते हैं तीसरी गेंद मैथ्यू कैली के इस ओवर की सामने ऑलीवर डेविस पटकी हुई गेंद इस बार पुल किया है गेंद को गेंद जारी है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फिल्टर फिल्टर वहां पर पहुंच जाएंगे और दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर ऑलिवर डेविस को और इस ओवर में दो रन आते हुए स्ट्राइक पे रखेंगे अपने पास ऑलि डेविस स्कोर पर पहुंचता हुआ सिडनी थंडर का 28 रन दो विकेट नुकसान पर चार दशमलव तीन गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त धीरे धीरे स्कोर को आगे लेके जाने की तैयारी

और गेंदबाजी जो है वो अच्छी कर रहे हैं मैथ्यू कैली थोड़ा सा अन ईवन बाउंस जो है उछाल जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है ओलिवर डेविस को और मुकाबले में जिस तरीके की गेंदबाज़ी हो रही है देखकर अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो गेंदबाजी वाली सरफेस भी है पिच जो है वो गेंदबाजों को काफ़ी हद तक मदद करती है और इसलिए गेंदबाज यहाँ पर जो है वो छाए रहते हैं इस ग्राउंड के अंदर अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करते हुए नज़र आएंगे ऑलीवर डेविस जो है इस उछाल को एक बार फिर से ओवर की पाँचवीं गेंद लेकर चले हैं मैथ्यू कैली स्ट्राइक पर हैं ऑलीवर डेविस एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया मिडॉन के सर के ऊपर से वन बाउंस बाउंड्री के बाहर रन के लिए यहां पर चौका बटोरते हुए इस बार देख लिया था कि उछाल ज्यादा मिल रही है मैथ्यू कैली को इस बार कदमों का इस्तेमाल करके सीधे बल्ले से बिल्कुल स्ट्रेट बल्ले से खेल दिया इस शॉट को मिडॉन के सर के ऊपर से चार रन के लिए बढ़िया ये शॉट एक और चौका आता हुआ यहां पर डेविस के बल्ले से और स्कोर पहुंचता हुआ जी हाँ स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर बत्तीस रन दो विकेट नुकसान पर आखिरी गेंद तैयार है यहां पर आखिरी गेंद खेलने के लिए हॉलीवुड डेविस मैथ्यू कैली की गेंद सामने है डेविस देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे फिर से ऑस्टम की तरफ ही

और अच्छी बल्लेबाजी ओलिवर डेविस की ज़्यादा जो है रिस्क लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं डेविड वार्नर को डेविड वार्नर अगर लंबी पारी खेलेंगे तो आखिरी के ओवर्स में जो है बड़े बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर तो डेविड वार्नर को यहाँ से एक लंबी पारी लंबी पारी खेलनी चाहिए और यहाँ से गेम को आगे बढ़ाना चाहिए तो देखते हैं किस तरीके से गेम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पर अगर बात की जाए तो एंट्री मैंने आपको दे दी है पचास चालीस पैंतालीस पे ही दे दी थी मैंने एंट्री पचास पैंतालीस पे दे दी है जिन्होंने

ऑलिवर ओलिवर डेविस को स्कोर अभी भी 33 रन दो विकेट नुकसान पर छठा ओवर चल रहा है एस्टनगर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना जान करते हैं ज़्यादातर अमूमान एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया मगर इस बार फिर से अंदरूनी हिस्सा लगाए बल्ले का गेंद जाके पैर से टकराए गएगी दूसरी गेंद भी डॉट गेंद है तो लगातार अच्छी गेंदे करते हुए यहाँ पर एस्टन नगर उछाल भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ एस्टन अगर को यहाँ पर इस पिच के ऊपर स्पिनर गेंदबाज़ है दो डॉट गेंदें आ चुकी हैं इस ओवर में एक बार फिर से अगली गेंद तीसरी गेंद उस बार ऑलीवर डेविस को कदमों का इस्तेमाल किया इस बार गेंद को टहलाया है डीप मिड विकेट दिशा में यहाँ पर फिल्टर मौजूद है एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर ऑलीवर डेविस को स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहाँ पर डेविड वार्नर स्कोर होता हुआ चौतीस रन दो विकेट नुकसान पर पांच दशमलव तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है डेविड वार्नर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। देखते हैं डेविड वार्नर यहां से किस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे चौंतीस रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर डेविड वार्नर पांच गेंदे खेल पाए खेल पाए हैं अभी तक इस साढ़े पाँच ओवर के खेल में अमूमन देखते नहीं है कि डेविड वार्नर सिर्फ पांच ही गेंद खेलें चलिए यहां पर एस्टनगर बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं साथ में अगर बात की जाए डेविड वार्नर बाएं हाथ के बल्लेबाज तो अब अब कॉम्पिटिशन देखने मजा आएगा एस्टन नगर के ओवर की अगली गेंद इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी कट कर दिया गेंद को गेंद गई है पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है वहां पर कोई भी रन नहीं मिलेगा डेविड वार्नर को स्कोर अभी भी यहां पर चौतीस रन दो विकेट नुकसान पर

यहाँ पर अगर मगर नहीं कर रहे अगर चलिए अगली पर फिर से ऑस्टम की तरफ गेंद थी इस बार इस बार बल्ले को सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन और मिलता हुआ यहाँ पर डेविड वार्नर को ओवर की होती हुई समाप्ति छह ओवर समाप्त हो चुके हैं पैंतीस रन दो विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है सिडनी थंडर का और अच्छी बात यह कि डेविड वार्नर डेविड वार्नर जो है वो मौजूद हैं क्रिस पर देखते हैं अगला ओवर लेके कौन आएगा छ ओवर की समाप्ति के बाद पैंतीस रन दो विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहां पर सिडनी थंडर का पर्सकॉचर ने आज टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और शुरुआत के पहले और दूसरे ओवर में दो बल्लेबाज को आउट किए सिडनी थंडर के पहले मैथ्यू गिल उसके बाद सैम वाइटमैन जो है वो आउट किए गए यहां पर उसके बाद ओलिवर डेविस की एक अच्छी पारी रही है और डिपेंडिंग पारी रही है डेविड वार्नर की एक छोर जो है संभाल के रखा हुआ है डेविड ने कहें कि बल्लेबाजी का चांस जो है वो बहुत कम दे रहे हैं डेविड है, वार्नर को यहाँ पर चलिए आप गेंदबाजी करने के लिए आप एक और गेंदबाज एंड्रू एंड को बुलाया गया एंड्रू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सातवें ओवर में सामने मौजूद है यहाँ पर एंड्रू टाई गेंदबाजी के लिए तैयार है पहली गेंद इस ओवर की हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर को ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं एक बार फिर से पटकी विकेंद इस बार फिर से पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद की तरफ गेंद को फील्ड करेंगे दो रन मिलने चाहिए डेविड वार्नर को दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच डेविड वार्नर और ऑलिवर डेविस के बीच में स्कोर पहुंचता हुआ सैंतीस रन दो विकेट नुकसान पर छः दशमलव एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहां पर ऑलीवर डेविस कोशिश ये कर रहे हैं कि यहां से रनों को और यहां पर जो है स्ट्राइक जो है ज्यादा से ज्यादा वार्नर को दिया जाए क्योंकि वार्नर अब सैड बल्लेबाज है टेस्ट मैच में एक अच्छा प्रदर्शन रहा है और डेविड वार्नर का उम्मीद करेंगे आज टी मुकाबले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आए चलिए अगली गेंद बार फिर से यहां पर एंड्रू एंड्रोटाइक के ओवर की थोड़ी सी फिर से ऑस्ट्रम की तरफ गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर कवर की दिशा में फिल्टर मौजूद है वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी यहाँ पर सैंतीस रन दो विकेट नुकसान पर आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है चाहेंगे कि बेहतर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल जाए यहाँ पर स्कोर अभी भी सैंतीस रन दो विकेट नुकसान पर यहाँ पर हो चुका है छः दशमलव दो गेंदें हो चुकी हैं एक बार फिर से एंड्रू टाई के इस ओवर की डेविड वार्नर को पटकी भी गेंद इस बार पैड से टकराई अपील जरूर करी यहाँ पर अंपायर ने नकार दिया इस अपील को क्योंकि थोड़ा सा उछाल जरूर मिला यहाँ पर उछाल से बीट किया यहाँ पर डेविड वार्नर को गेंद जाकर फ्लाई पैड पर टकराई और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में गई अपील जरूर की जॉश इंग्लिश ने मगर अंपायर ने सरसर नकार दिया क्योंकि बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ ही नहीं था यहाँ पर तो यहाँ पर एक और डॉट गेंद आती हुई इस ओवर के अंदर स्कोर अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सैंतीस

इस ओवर में अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी करी है एंड्रू टाई ने बांध कर रख बांध के रखा है डेविड वार्नर को एक बार फिर से डेविड वार्नर जो है वो मुखर ओलिवर डेविस जो है वो तैयार है अगली गेंद खेलने के लिए पांचवी गेंद एडूटाई के इस के पटकी भी गेंद इस बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद वहां पर एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे डेविड वार्नर इस ओवर में आ चुके हैं टोटल चार रन बढ़िया गेंदबाजी बढ़िया बैक टू बैक अच्छे ओवर जाते हुए यहाँ पर जो है पर स्कॉचर्स की तरफ से ओलिवर डेविस बाईस गेंदों में सत्ताईस रन बनाकर खेल रहे हैं डेविड वार्नर बारह गेंदों में दस रन बनाकर खेल रहे हैं देखना होगा ये पार्टनरशिप जो है वो कितनी लंबी जाती है एंड्रू टाइ तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए अगली गेंद एंड्रू एंड की क्या एक और बड़ा प्रहार हो सकता है इस ओवर में आ, यहां पर तैयार है और यहां पर डेविड वार्नर फिर से और लिमे स्टम्प से खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से वन बाउंस बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए यहां पर बल्ले को रोका नहीं डेविड वार्नर ने देखा कि गेंद थोड़ी सी आगे की तरफ है और फुल की गेंद है सीधे बल्ले से से खेल दिया गेंदबाज के के सर ऊपर चार रन के लिए और वन बाउंस बाउंड्री के बाहर चार रन मिलते हुए डेविड वार्नर को अच्छी बॉल थी मगर उससे बढ़िया यह शॉट था बिल्कुल तीर के समान सीधा शॉट खेला हुआ यहां पर डेविड वार्नर के बल्ले से स्कोर पहुंचता हुआ तिरतालीस रन दो विकेट नुकसान पर सात ओवर

थंडर का स्कोर है सात दशमलव एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहां पर ओलिवर डेविस एक बल्लेबाजी कर होगा तभी यहां से गेम में आगे बढ़ पाएंगे डेविड वार्नर तैयार है सीधा डीप पॉइंट की दिशा में फिल्टर मौजूद एक रन और मिलता हुआ इस गेंद स्कोर पहुंचता हुआ यहाँ पर 45 रन दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यहाँ पर सामने मौजूद बल्लेबाज जो है ऑलिवर डेविस है दो सिंगल इस ओवर में आ चुके हैं दो गेंदों में दो रन आ चुके हैं अब देखना होगा किस तरीके से खेल होता है अस्ट के ओवर की अगली गेंद फिर से सामने मौजूद ऑलिवर डेविस इस बार कदमों का इस्तेमाल किया गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट दिशा में छः रन के लिए यहां पर जो है बड़ा शॉट खेला हॉलीवुड डेविस ने देखा कि गेंद थोड़ी सी आगे की तरफ है इस बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट दिशा में बढ़िया ये शॉट आक्रामक ये शॉट और छह रन मिलते हुए इस गेंद पर पहला छक्का इस पारी का आता हुआ हॉलीवुड डेविस के बल्ले से और यहां पर एस्टर नगर को सोच में डाल दिया कि भैया गेंदबाजी अब कहां करें क्योंकि हॉलीवुड डेविस जो है वो खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम का स्कोर जो है वो आगे की तरफ लेके जा रहे हैं स्कोर हो चुका है इक्यावन रन दो विकेट नुकसान पर एक बार फिर से हॉलीवुड डेविस कदमों का फिर से इस्तेमाल किया मगर इस बार गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक रन मिलता हुआ जी हाँ एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस गेंद पर ऑलिवर डेविस को स्ट्राइक पे आते हुए डेविड वॉर्नर स्कोर पहुंचता हुआ बावन रन दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव चार गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त मुकाबला काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है यहां पर कोशिश दोनों बल्लेबाजों की है कि रन बटोरे जाए यहां पर एश्ठान की ओवर की अगली गेंद है पर फिर से डेविड वार्नर को इस बार स्वीप कर दिया गेंद को मगर इस बार गेंद गई है मिड विकेट दिशा में फिल्डर मौजूद है यहां पर एक रन मिलना चाहिए और एक ही रन मिलेगा डेविड वार्नर को तो डेविड वार्नर भी अब आक्रामक शॉट जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुश्किल फेज जो है निकाल लिया है सिडनी थंडर की टीम ने सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है तिरपन रन दो विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है आखिरी गेंद बची है

कप्तान बनाएंगे और बोला भी था कप्तान बना लीजिएगा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और आज देखिए यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते चल रहे हैं नज़र न लग जाए बस नजर न लग जाए एक बड़ी पारी खेल जाए अस्सी नब्बे रन की तो मज़ा आ जाएगा चलिए चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ देखते हैं क्या होता है डेविड वार्नर मौजूद हैं यहाँ पर स्ट्राइक पे अगली गेंद इस बार एंड्रू टाइक गेंदबाजी करने आए ऑस्टन के बाहर पटकी हुई गेंद थी थोड़ी सी आगे रखने की तैयारी थी मगर ज्यादा बाहर कर दिए गेंद ऑस्टन के बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद पर एक आध आत... नहीं मकर गाइड नहीं दिया अंपायर ने इस गेंद को और यहाँ पर गेंद करार दिया ऐसा क्यों भाई वाइड के बाहर थी गेंद मगर चलिए अंपायर का डिसीजन जो है आखिरी डिसीजन होता है यहाँ पर अंपायर ने इस गेंद को लीगल डिलीवरी घोषित कर दिया है तो डॉट गेंद आती हुई पहली गेंद पर चलिए दूसरी गेंद है दूसरी गेंद है यहाँ पर सामने मौजूद है डेविड वार्नर क्या कमाल की बल्लेबाजी करेंगे क्या देखना होगा चलिए अगली गेंद एंडूटाई के इस ओवर की दूसरी गेंद पटकी हुई गेंद थी थोड़ा सा लक्स्टम की तरफ कलाई को सारा टहला दिया गेंद को स्क्वाइल की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्कोर पहुँचता हुआ सिडनी थंडर का साठ रन जी हाँ साठ रन दो विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है देखना होगा थंडर की टीम क्या थंडर बॉल्ट दे पाएगी यहाँ पर मुकाबले में जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है मजा आ रहा है देख और यहां से गेम को आगे लेके जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक पे हैं खतरनाक बल्लेबाज ओलिवर डेविस ओलिवर डेविस जो है वो नौ रन दूर हैं अपने अर्धशतक से एक बार फिर से एंड टाई की इस ओवर की अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद फुल की गेंद इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और छक्का आता हुआ लीजिए ओलिवर डेविस रोके नहीं रुक रहे एक और छक्का चढ़ दिया देखा देखा कि गेंद गोल्डन पे पिच की है यहाँ पर रेंडू टाई ने और सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में छ रन के लिए एक और छक्का आता हुआ तीसरा छक्का है ये यहाँ पर ओलिवर डेविस का इस पारी के अंदर स्कोर हो चुका है सिक्सटी सिक्स रन लॉस ऑफ टू विकेट ओलिवर डेविस जो है सैंतालीस रन बनाकर खेल रहे हैं सत्ताईस गेंदों का सामना किया है अच्छी बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर ओलिवर डेविस के द्वारा यहां से लग रहा है कि ओलिवर डेविस को रोकना जो है वो मुश्किल ही नामुमकिन सा हो रहा है यहाँ पर चलिए अगली गेंद एक बार फिर से चौथी गेंद तो ट्राई की इस ओवर की नवा ये ओवर है सामने ओलिवर डेविस मौजूद है एक बार फिर से पटकी भी गेंद पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है मिड विकेट दिशा में फील्डर मौजूद वहाँ पर एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए जी हाँ स्ट्राइक पे आते हुए यहां पर बल्लेबाज डेविड वार्नर डेविड वार्नर आ, किस तरीके से यहाँ पर खेलते नजर आएंगे वो देखना होगा अभी तक तो सपोर्टिंग रोल सपोर्टिंग रोल जो है वो निभाते हुए नजर आए हैं यहाँ पर डेविड वार्नर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल अपना रहे हैं तो ऑलीवर डेविस का जो जलवा चला हुआ है जी ऑलीवर डेविस जिस तरीके से खेल रहे हैं आ, देख बड़ा मज़ा आ रहा है और देख ऐसा लग रहा है कि ऑलिवर डेविस इकलौते बल्लेबाज जो है जो इस पिच को सपोर्ट जानते हैं पहचानते हैं एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर यह गेंद थी सीधे बल्ले से खेलने गई गेंद गई कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा डेविड वार्नर को तो 6.8.5 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त 67 रंस बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर सुनी थंडर का स्कोर है यहां से आखिरी गेंद देखते हैं किस तरीके से करेंगे यहां पर एंड्रू टाइ और ओलिवर डेविस जो है वो दो रन दूर हैं अपने अर्धशतक से देखते हैं क्या आप अगले ओवर में अर्धशतक पूरा करते हैं यहाँ पर चलिए अगली गेंद एक बार फिर से सैन रुटाई के इस ओवर की सामने है डेविड वार्नर ऑप्शन के बाहर यह गेंद इस बार, बार कट कर दिया गेंद को गेंद जा रही है सीधा डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है फील्डर की बाई तरफ ये गेंद थी और दो रन दौड़ लिए इस गेंद पर जब तक ये गेंद को फील्ड करते हैं यहाँ पर फील्डर अच्छी रनिंग बिटवीन डेविड वार्नर और यहाँ पर ऑलीवर्ड डेविस के बीच में नौ ओवर समाप्त हो चुके हैं सिक्सटी नाइन रन लॉस ऑफ टू विकेट स्कोर हो चुका है सीनिथ थंडर का और स्ट्राइक पे होंगे ऑलीवर्ड डेविस ऑलीवर डेविस को चाहिए दो रन जी हाँ दो रन चाहिए जीतने के

ओलिवर डाइविस तैयार है देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए कौन आया है यहाँ पर दसवें ओवर में आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर ओलिवर ऑलीवर डाइविस तैयार है यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है जी किसे बुलाया गया है यहाँ पर जो है अब मैथ्यू कैली जी हाँ मैथ्यू कैली को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए मैथ्यू कैली आएंगे दाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज मैथ्यू कैली को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए ऑलीवर डाइविस अड़तालीस रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी हद तक अट्ठाइस गेंदों का सामना किया है चलिए अगली गेंद एक बार फिर से मैथ्यू कैली के ओवर की पहली गेंद सामने मौजूद ऑली डेविस है क्या बड़ा प्रहार करेंगे एक बार फिर से फिल्म की स्लो रन गेंद थी इस बार सीधे बल्ले से खेला है गेंद जाएगी लॉन्ग रन की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज डेविड वार्नर स्कोर हो चुका है सत्तर रन दो विकेट नुकसान पर नौ ओवर की समाप्ति हो चुकी है शुरुआत में दो रन पर ही दो विकेट एक रन दो रन पर ही दो विकेट खो दिए थे कहीं ना कहीं यहाँ पर थंडर की टीम टीम ने मगर उसके बाद एक अच्छी खासी पार्टनरशिप डेविड वार्नर और ओलिवर डेविस के बीच में हुई है ओलिवर डेविस के बाद अब डेविड वार्नर जो है वो तैयार हैं यहाँ पर दूसरी गेंद खेलने के लिए उन्नीस रन पर निजी स्कोर पर खेल रहे हैं डेविड वार्नर क्या डेविड वार्नर की एक ये पारी जो है वो काफ़ी बड़ी होगी जी क्या जी हाँ डेविड वार्नर अगर अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो काफ़ी एक अच्छा खासा स्कोर जो है बना सकेंगे यहाँ पर सामने मौजूद बल्लेबाज हैं यहाँ पर डेविड वार्नर थोड़ी सी फील्ड फिल, में तब्दीली करी है यहाँ पर एस्टन टर्नर ने मैथ्यू कैली के ओवर की अगली गेंद इस बार दूसरी राउंड गेंद राउंड द दस्टम गए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरी गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी इस बार ऑस्टम की तरफ इस बार स्कूप करने गए थे और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और कैच आउट हो गए यहाँ पर डेविड वार्नर का विकेट गिरता हुआ थोड़ा सा यहाँ पर चलाकी भरा शॉट खेलने गए थे ऑस्टम पर ये गेंद थी उसको स्कूप करने गए थे बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और विकेट कीपर जॉर्श इंग्लिश ने कोई गलती नहीं करी यहाँ पर कैच पकड़ा डेविड वार्नर का

यहाँ पर गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है मगर अभी भी बल्लेबाजी बाकी है एलेक्स रोज बचे हुए हैं और बैन कटिंग है डेनियल सैम है तो मगर यहाँ से अब जिम्मेदारी जो है वो वह ऑलीवुड डाविस बढ़ेगी क्योंकि ऑलीवुड डाविस जो है सेट बल्लेबाज हैं वो जो है एक बड़ी पारी जो है वो खेलते हुए नजर आए तो क्या ऑलीवुड डाइविस यहाँ से एक बड़ी पारी एक अंत तक बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आ सकते हैं तो आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर <coughs> बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स रोज जी हाँ एलेक्स रोज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए अब देखते हैं एलेक्स रोज जो है यहाँ से किस तरीके से खेलेंगे ये भी इनफॉर्म बल्लेबाज हैं सिडनी थंडर की तरफ से काफी अच्छे खासे रन जो है बना रखे हैं यहाँ पर और जैसे मैंने प्रश्न में बताया था कि ये बल्लेबाजी जो है अच्छी कर रहे हैं चलिए अगली गेंद मैथ्यू कैली के इस ओवर की तीसरी गेंद सामने है एलेक्स रोज इस बार बै यहाँ पर हल्का तो उसे पॉइंट की दिशा में खेल कर एक रन बटोर लिया यहां पर एलेक्स रोज ने और खोला अपना खाता स्कोर पहुंचता हुआ इकहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर नौ ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहां से ऑलिवर डैव इस कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अब देखना होगा किस तरीके से गेम को यहां से आगे लेके जाएंगे लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है चाहेंगे कि जबरदस्त खेल जो है वो देखने को मिल जाए एक बार फिर से आ, सामने मौजूद है ऑलीवर डेविस शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जारी है सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में इस एक रन के साथ पचास रन पूरे होते हुए यहाँ पर ओलिवर डेविस के तो यहाँ पर 30 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए ओलिवर डेविस ने 9.4 दशमलव चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर हो चुका है बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है मगर थंडर को अगर आगे जाना है तो ओलिवर डेविस को अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिएगा यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ क्योंकि काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रीम को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और यहां से ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से एलेक्स रोज को पॉइंट की दिशा में खेला जरूर मगर यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा एलेक्स रोज को स्कोर अभी भी यहाँ पर सेवेंटी टू जी हाँ बहत्तर रन बने हुए हैं तीन विकेट के नुकसान पर और नौ दशमलव पाँच ओवर की समाप्ति हो चुकी है आखिरी गेंद जी हाँ आखिरी गेंद यहाँ पर खेलेंगे दसवें ओवर की यहाँ पर एलेक्स रोज दो गेंदों में एक दो गेंदों में एक रन बनाकर खेल रहे हैं देखना होगा किस तरीके से गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है इस बीच अगली गेंद यहाँ पर मैथ्यू कैली के इस ओवर के सामने एलेक्स रोज ऑफन के बाहर ये गेंद इस बार बल्ले से काफ़ी दूर ये गेंद थी ड्राइव करने गए पूरी तरीके से बीच हो गए इस गेंद पर एलेक्स रोज आखिरी गेंद जो है वो डॉट गेंद है आ, दस ओवर समाप्त हो चुके हैं बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर आ, जो है सिडनी थंडर का और ओलिवर डेविस जो है वो तीस गेंदों में पचास रन बनाकर खेल रहे हैं और तीन गेंदों में एक रन बनाकर एलेक्स रोज जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं बचे हैं सिर्फ दस ओवर जी हाँ अब बचे हैं सिर्फ दस ओवर साठ गेंदें बची हैं इस पारी की और साठ गेंदों में से बारह गेंदें जो है वो पावर सर्च की तो दो ओवर का पावर सर्च अब ले सकेंगे यहाँ पर थंडर के बल्लेबाज ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है इस ड्रिंक्स ब्रेक में आप सब लोग जो है स्ट्रीम को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में और कहीं ना कहीं आप सब लोग जो है डलटिन सेवन ऐप के साथ जुड़ जाइएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लैचर पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिए मिनिमम बेट सिर्फ दस है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का सौ रुपए डिपोजिट करके आप यहां पर खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए और जीतिए डलटिन सेवन ऐप के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लैचन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा क्रिएट करना बहुत ही आसान है और लिंक को क्लिक करिएगा रेफर कोड डालने जरूरत नहीं है यूज़र ने बनाइए पासवर्ड बनाइए मोबाइल नंबर डालिए आपकी आई क्रिएट हो जाएगी पंद्रह मिनट के अंदर विड्रॉल जो है बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है और डिपोजिट करना बहुत ही आसान है गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप यहाँ पर डिपोजिट कर सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए है और जीतिए डेल्टिन सेवन ऐप के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिएगा अब क्या प्लान रहेगा जी हाँ थंडर का ये प्लान रहेगा कि अगले पाँच ओवर पाँच ओवर में एलिस रोज और ऑलीवुड डाइविस एक पार्टनरशिप बिल्ड करें अगर 40 रन भी जोड़ते हैं तो आखिरी पाँच ओवर देखिए बड़े बड़े हिटर लगाने के लिए आपको डैनियल सैम और बैन कटिंग अंदर मौजूद है तो ऑलीवुड डेविस और एलेस रोज अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं यहाँ से बची हुई साठ गेंदों में अगर नब्बे रन और जोड़ते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर जो है बन सकता है एक का आंकड़ा जो है क्रॉस हो सकता है आज देखना होगा कि बल्लेबाजी जो है किस तरीके से क्योंकि डैनियल सैम और बैन कटिंग दोनों का फॉर्म जो है इस सीजन में कुछ खास चला नहीं है तो इसलिए जिम्मेदारी जो है वो ओलिवर डेविस और एलेक्स रोज के ऊपर रहेगी कि वो गेम को आगे लेके जाएं आप देखते हैं किस तरीके से गेम को आगे लेके जाएंगे डेविस और एलेक्स रोज यहां से बस अब ड्रिंक्स ब्रेक जो है वो खत्म होने वाला है यहाँ से बची हैं साठ गेंदे देखते हैं इन साठ गेंदों में कितने रन और बनते हुए नज़र आएंगे चलिए यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले में गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया गया है यहाँ पर गेंदबाज़ को तेज गेंदबाज आए हैं लेंस मॉरिस गेंदबाजी गेंद करने के लिए आए हैं पहली गेंद ग्यारह ओवर की स्ट्राइक मौजूद आ रही वर्ड इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी इस बार कट करने गए इस गेंद को ही बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा गेंद जो है जाके पैड से टकराई और कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर अभी भी बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर दस दशमलव एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है उनसठ गेंदें बची हैं इस पारी की देखना होगा उनसठ गेंदों में कितने रन और बनते नज़र आते हैं जी हाँ आप लोग लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला काफ़ी बढ़िया रह सकता है यहाँ पर चलिए अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लॉयस मॉरिस्क के इस ओवर की थोड़ी सी अल स्टम्पे गेंद थी कलायु के सारे टहलाया गेंद को मिड विकेट दिशा में मगर फिल्डर मौजूद है और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर यहाँ पर स्कोर हो चुका है जो है अब सिडनी थंडर का दो लगातार डॉट गेंदे कर चुके हैं जी हाँ दो लगातार डॉट गेंदे इस ओवर में हो चुकी हैं दस दशमलव दो गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त स्कोर अभी भी यहाँ पर बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर इस बीच अगली गेंद यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर ओलिवर डेविस को दो गेंदे हो चुकी हैं अट्ठावन गेंदे बची हैं इस पारी की देखना होगा अट्ठावन गेंदों में कितने रन बनते हुए नज़र आते हैं यहाँ से अगली गेंद एक बार फिर से सामने मौजूद हैं बल्लेबाज ओलिवर डेविस पचास रन बनाकर खेल रहे हैं अगली गेंद में यहाँ पर लेंस मॉरिस के इस ओवर की एक बार फिर से पटकी हुई गेंद बार फिर से गेंद को खेल दिया था मिडॉन की तरफ मगर फिल्टर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा स्क्रीन पर स्कोर अभी भी यहाँ पर बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर दस दशमलव तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है तीन लगातार डॉट गेंदे इस ओवर में आ चुकी है इस डॉट गेंदों से प्रेशर जो है ओलिवर डेविस को लेना नहीं चाहिए यहाँ से ओलिवर डेविस अगर लंबी पारी खेलेंगे तभी एक के आंकड़े को क्रॉस कर पाएगी यहाँ पर सिडनी थंडर की टीम तो उम्मीदें यही हैं कि यहाँ पर यहाँ पर ऑलीवर डेविस जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करें इस बीच दो सौ सतासी लाइक हो चुके हैं तेरह भाई और लाइक कर दिए तीन सौ लाइक्स पूरे हो जाएंगे एक बार फिर से अगले गेंद नाइन पॉइंट्स के इस ओवर की ऑस्टन के, के बाहर कट किया इस गेंद को गेंद गई है पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर ऑलीवर डेविस को स्ट्राइक पर आ जाएंगे एलेक्स रोज़ स्कोर हो चुका है अब तिहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर दस गेंदवा खेल हो चुका है समाप्त यहाँ से अगर बात की जाए तो छप्पन गेंदे बची हैं इस पारी की छप्पन गेंदों में आप कोशिश ये करेंगे कम से कम जो है यहाँ से नब्बे रन तो जोड़ें और अपनी टीम का स्कोर एक के पार लेके जाए एक रन जो है वो एक अच्छा खासा डिफेंडिंग स्कोर हो सकता है इस ग्राउंड के अंदर अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आएंगे दोनों बल्लेबाज खासकर ओलीवर डेविस और जो है एलेक्स रोज चलिए आई चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ़ देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में अगली गेंद इस बार ओलिवर डेविस को यहाँ या, पर एलेक्स रोस को एक बार फिर से पटकी हुई गेंद गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई है ग्लव्स पलक की गेंद गई है पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद वहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा अच्छी गेंदबाजी अच्छा उछाल जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है लेंस मॉरिस को इस पिच के ऊपर से और अन बाउंस जैसे मैंने कहा कि गेंद पढ़ने के बाद उछाल काफ़ी अच्छा ले रही है कभी गेंद ज़्यादा तेज उछल रही है कभी गेंद नीची रह रही है तो थोड़ा सा अनिवन बाउंस जो है वो देखने को मिल रहा है इस पिच के ऊपर से स्कोर हो चुका है अभी भी तिहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर दस दशमलव गेंदों का खेल हो चुका है इस समय आप सामने मौजूद एलेक्स रोज हैं और आखिरी गेंद है ग्यारहवें ओवर की देखना होगा आखिरी गेंद को किस तरीके से यहाँ पर खेलते हुए नजर आते हैं इस गेंद को इस बार ऑलवर्ड एलेक्स रोज को ऑफ्टन के बाहर यह गेंद थी इस बार कट कर दिया गेंद को गेंद जारी है डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर दौड़ कर गेंद को फील्ड करेंगे दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर एलेक्स रोज को तो इस ओवर में आए मात्र तीन रन ग्यारह ओवर की समाप्ति के, के बाद पिचत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर सिडनी थंडर का तो चौवन गेंदें बची हैं इस पारी की देखना होगा चौवन गेंदों में कितने रन और जोड़ होते हैं। हैं गेंदों में कितने रन और जोड़ते हुए नजर आते हैं यहां पर थंडर के बल्ले बल्ले के बल्लेबाज क्योंकि बल्लेबाजी करने सेट कर देंगे थंडर के लिए थोड़ा सा यहां से अगले चार पांच चार ओवर जो है पार्टनरशिप बिल्ड करें यहां पर दोनों बल्लेबाज वॉलीवर डेविस ने तैयार अगली गेंद खेलने के लिए गेंदबाजी करने के लिए मैथ्यू कैली आए हैं मैथ्यू कैली की पटकी भी गेंद ऑस्टन के बाहर इस बार ड्राइव किया इस गेंद को एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर ओलिवर डेविस को स्ट्राइक पर आते हुए एलेक्स रोज स्कोर पहुंचता हुआ छिहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर ग्यारह दशमलव एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ से बल्लेबाजी में बचे हुए हैं बल्लेबाज मगर ध्यान रखिएगा पावर सर्च जी हाँ पावर सर्च भी अभी अभी बचा हुआ है पावर सर्च भी बचा हुआ है तो यहाँ पर पावर सर्च कब लिया जाएगा पावर सर्च का भरपूर फ़ायदा जब अब उठाया जाएगा ये भी सोच रहेगी दोनों बल्लेबाजों की अगली गेंद एलेक्स रोज को यहाँ पर मैथ्यू कैली के सोवर की इस बार लेक्सटम पर यह गेंद थी गेंद जाकर सीधा पैड से टकराई है कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर कोशिश जरूर की थी मगर वहाँ पर गेंदबाज जो है चतराई भरी गेंदबाजी करते नज़र आ रहे हैं और कोई मौका नहीं दे रहे हैं एलेक्स रोज को रन बनाने का और एलेक्स रोज को फंसा के रखा हुआ है जी हाँ फंसा के रखा हुआ है एलेक्स रोज़ को अब देखते हैं एलेक्स रोज किस तरीके से गेम को आगे लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ से एलेक्स रोज जो है वो छः गेंदे खेल चुके हैं मात्र तो सिर्फ तीन रन बनाए हैं कब हो? बड़े शॉट लगाते हुए नज़र आएंगे एलेक्स रोज वो देखना होगा एक बार फिर से अगली गेंद एक बार फिर से एलेक्स रोज को यहाँ पर मैथ्यू कैली की के इस ओवर की तीसरी गेंद है इस ओवर की बारहवीं ओवर की आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में एक बार फिर से ऑस्टम की तरफ गेंद थी ड्राइव किया और यहाँ पर एक रनआउट का, का चांस छूटता हुआ जी हाँ रनआउट का चांस छूटता हुआ दो फिल्टरों से गेंद छूट गई है ड्राइव किया कवर दिशा में गेंद गई थी एलेक्स रोज दौड़ गए थे रन लेने के लिए मगर वहाँ पर फिल्डर के हाथ में गेंद आई नहीं और कहीं ना कहीं गेंद छटक गई और और एलेक्स रोज जो है दोबारा स्ट्राइकर एंड पे जो है वो आ गए थे क्योंकि हाफ किस तक पहुंच चुके थे और अगर शायद गेंद को थ्रो करते तो शायद बाहर रह जाते यहाँ पर एक मिसफील्ड होती हुई और एक रनआउट का चांस मिस होता हुआ एलेक्स रोज जैसे बल्लेबाज का चलिए यहाँ पर मैथ्यू कहली की अगली गेंद इस ओवर की ओवर की किए चौथी गेंद है स्ट्राइक पर एलेक्स रोज ऑस्ट्रन के बाहर ये गेंद कट कर दिया गेंद को गेंद जा रही है सीधा थर्ड मैन के हाथ में एक और विकेट जी जिया यहाँ पर मैथ्यू कैली ने एक और विकेट छिटका दिए और ऑली एलेक्स रोज जो है वो कहीं ना कहीं इस पिच पर अनकम्फर्टेबल लग रहे थे बल्लेबाजी करने करते हुए ऑफ्टन के बाहर रखी थी गेंद को कट किया बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद गई सीधा थर्ड मैन की दिशा में और फील्डर ने वहाँ पर कोई गलती नहीं करी और कैच पकड़ा यहाँ पर तो एलेक्स रोज जो है वो कैच आउट होते हुए जी जिया एक और विकेट गिरता हुआ पिछले पिछली गेंद पर जो है रनआउट बचा था मगर इस गेंद पर कैचआउट जो है वो बच नहीं पाया आठ गेंदों में तीन रन बनाकर एलेक्स रोज पवेलियन जाते हुए छिहत्तर रन चार विकेट नुकसान पर ग्यारह दशमलव चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है आठ गेंदों में बनाए हैं तीन रन एलेक्स रोज ने छः दशमलव पाँच एक जी हाँ छः दशमलव पाँच एक रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बन रहे हैं अब देखना होगा क्या करते हैं बल्लेबाज क्योंकि अगर देखा जाए तो पचास गेंदें बची हैं इस पारी की अब डैनियल सैम बल्लेबाजी करने आए हैं इस सीज़न में बल्लेबाजी उस तरीके की रही नहीं है डैनियल सैम के कुछ छिहत्तर रन बन चुके हैं सिडनी थंडर के चार विकेट नुकसान पर अब हॉलीवुड डेविस और डैनियल सैम को यहाँ से अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी और अपनी टीम का स्कोर एक के पार ले जाना होगा क्योंकि एक का स्कोर जो है वो डिफेंड करने लायक रहेगा यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर चलिए अगली गेंद फिर से डैनियल सैम को मैथ्यू कैली की कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर डेनियल सैम को बढ़िया गेंद थी इस बार मैथ्यू कैली के इस ओवर की और कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर जिया मिला यहाँ पर ऑस्टम पे गेंद थी डिफेंस कर लिया उस गेंद को डेनियल सैम ने छिहत्तर रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर देखना होगा किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से हावी है गेंदबाजी यहाँ पर जो है पर स्पार्स कोचर्स की मगर सिडनी थंडर को भी आ, सोचना होगा यहाँ से कुछ रास्ता निकालना होगा रन्स बनाने के लिए चलिए अगली गेंद एक बार फिर से सामने मौजूद बल्लेबाज हैं यहाँ पर जो है अब डैनियल सैम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं हार्डिंग बल्लेबाजी करने जानते हैं चलिए अगले के मैथ्यू के लिए के सोवर के ऑस्टम पे एक गेंद थी कलायू के सारे खेला ज़रूर पॉइंट की दिशा में फिल्डर मौजूद ही वहाँ पर कर क्या रहे हैं दोनों बल्लेबाज डैनियल सैम निकल गए थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रनआउट का चांस बनता हुआ डैनियल सैम के लिए और लग रहा है एक और विकेट जाएगा भाई लग रहा है एक और विकेट जाएगा क्योंकि ऑलिवर डेविस को बोला रन लेने के लिए डेनियल सैम निकल गए तो उसके बाद शॉर्ट पॉइंट की दिशा से डायरेक्ट हिट जो है वो वहाँ पर हुई है अब देखना होगा यहाँ पर आउट होंगे कि नहीं ऐसा लग तो रहा है भाव हाव भाव लग तो रहे हैं डेनियल सैम के कि आउट होंगे जी हाँ यहाँ पर बॉल को पकड़ा और तुरंत जी हाँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे जी हाँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे ऑलिवर डेविस आउट होंगे क्या देखना होगा जी हाँ यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड पे बच गए बच गए ओलिवर डेविस क्योंकि बल्ला जो है वो आ गया था क्योंकि यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच रनिंग बिटवीन जो है इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोनों बल्लेबाज शायद घबरा गए इनको बताइए भाई घबराना नहीं है अभी भी कम से कम अड़तालीस गेंदे बची हैं बारह ओवर समाप्त हो चुके हैं छिहत्तर रन चार विकेट नुकसान पर सनी थंडर का स्कोर है पैंतीस गेंदों में बावन रन बनाकर खेल रहे हैं ओलिवर डेविस डैनियल सैम दो गेंदे खेली अभी तक कोई रन नहीं बनाया है तो यहाँ से ऑलीवर डेविस पे जिम्मेदारी होगी अड़तालीस गेंदे बची हैं रन ले रहे हैं ले रहे हैं मना कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि रनिंग बिटवीन आपस में जो है खुद एक दूसरे को आउट करने की होल्ड लगी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच ऐसा लग रहा है कि शायद डेनल सैम ऑलीवर डेविस को आउट करना चाहते हैं और ऑलीवर डेविस जो है वो डेनल सैम को आउट करना चाहते हैं इसलिए रनिंग बिटवीन जो है बहुत ही खराब देखने को मिल रही है और दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर डस्मिट भाई करें बच गया भाई बिल्कुल बच गया डस्पिट भाई बच गए बच गए भाई बच गए बिल्कुल बच गए भैया ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम दोनों बल्लेबाजों में होल्ड लगी है कि कौन किसको रन आउट कराएगा यहाँ पर 309 लाइक हो चुके हैं यार एक हज़ार लोग हमें देख रहे हैं लाइक बहुत कम है 700 लोगों ने अभी भी, भी लाइक नहीं किया है ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जो है एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में यार थोड़ा सा जो है सपोर्ट करिए क्रिकेट लाइव हिंदी को और कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट कॉमेंट्री जो है आपको सुनाएं यहाँ पर अपने स्ट्रीम के अंदर तो एक बार स्ट्रीम को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्ट्रीम को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ और ईमानदारी से जो है वो लाइक कर दीजिए तो इस टीम को और जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में तो ये एस्टन गेंदबाजी करने आए इस बार ओलिवर डेविस को ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी कदमों का इस्तेमाल किया स्टंप आउट हो गए यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जो है सिडनी थंडर का और ओलिवर डेविस पिछली गेंद पर बचे थे रनआउट बचे थे मगर इस बार ओलिवर डेविस स्टंप आउट होते हुए छत्तीस गेंदों में बावन रन की पारी जो है वो समाप्त होती हुई एस्टन एगर को उनकी पहली सफलता मिलती हुई स्टंप आउट हुए जॉश इंग्लिश ने स्टंप आउट किया ओलिवर डेविस को और पांचवा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है सिडनी थंडर की टीम को छिहत्तर रन पांच विकेट नुकसान पर आ, सिनी थंडर का स्कोर है बारह दशमलव एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है करंट रन रेट छः दशमलव दो पाँच की यहाँ पर हो चुकी है ओलिवर डेविस छत्तीस गेंदों में बावन रन बनाकर खेल रहे हैं और खेल रहे थे और यहाँ पर जो है ऐसा लग ही रहा था कि लक्षण लग रहे हैं लक्षण लग रहे थे यहाँ पर सिडनी थंडर के विकेट जाने के लिए मगर अब बैन कटिंग आ चुके हैं बैन कटिंग आ चुके हैं यहाँ पर पावर सर्च लेना बहुत जरूरी है अभी भी देखकर बात की जाए तो कम से कम जो है सैंतालीस गेंदें बची हैं इस पारी की मगर अब जिम्मेदारी जो है वो डैनियल सैम और बैन कटिंग के हाथ में रहेगी और अब अगर इनमें से कोई चला गया तो फिर भैया इनके इनके 120 130 वाले कहानी जो है वो हो जाएगी 120 130 सौ तीस मनाने वाली तो यहाँ पर बैन कटिंग को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए एस्टन नगर कर रहे हैं गेंदबाजी एस्टनगर के ओवर की अगली गेंद बैन कटिंग को इस बार मिडल पे गेंद थी सीधे बल्ले से खेल खेल दिया था इस गेंद को बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा गेंद गई मिड विकेट दिशा में फील्डर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर बारह दशमलव दो गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ पर स्कोर हो चुका है छिहत्तर रन पाँच विकेट नुकसान पर अमूमन बैनकटिंग जो है वो हार्ड हिटर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं पर फिर से श्रीनगर की एक गेंद ऑस्टम पर एक गेंद थी इसको डिफेंस कर लिया कोई रन नहीं मिलेगा इस अच्छा डिफेंस करके एक रन जो है वो दौड़ लिया अच्छा चलाकी भरी रनिंग बिटवीन एक बार हल्का तो खेल कर और तेजी से एक रन बटोर लिया यहाँ पर बैंड कटिंग ने और बैनकटिंग जो है अपना खाता खोलते हुए स्कोर पहुँचता हुआ सतहत्तर रन पाँच विकेट नुकसान पर बारह गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ से देखना होगा किस तरीके से गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता नजर आएगा बारह दशलव तीन गेंदें हो चुकी हैं यहाँ से कोशिश करनी होगी और किस तरीके से गेम जो है वो आगे चलेगा चलिए चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ देखती हैं क्या होता है एस्टन अगर बढ़िया गेंदबाजी करते हैं उनके सामने होंगे डैनियल सैम अगर इस पारी की बात की जाए तो 45 गेंदें बची हैं इस पारी की कोशिश यही है कि डेढ़ के पार पहुंचा जाए क्या पहुंच पाएंगे एक बार फिर से डैनियल सैम को लक्सटम पे एक गेंद सीधे बल्ले से खेला ज़रूर गेंद जारी है डीप मिड विकेट दिशा में फील्डर मौजूद वहाँ पर एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर डैनियल सैम को स्ट्राइक पे यहां पर पहुँचते हुए यहाँ पर बैन कटिंग सिंगल सिंगल के सहारे गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज सिंगल सिंगल के सहारे गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ से देखना होगा किस तरीके से गेम को बढ़ाएंगे आगे क्या अपनी टीम का स्कोर डेढ़ सौ के पार ले जा पाएंगे वो देखना होगा चलिए अगली गेंद एक बार फिर से बेन ठिंग को मिड विकेट दिशा में खेला ज़रूर है एक रन लेने की चेष्टा थी मना कर दिया वहाँ पर मना कर दिया डेनल सैम ने कि भैया सिंगल विंगल तो हम लेंगे नहीं तो कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर हो चुका है अब रन पाँच विकेट नुकसान पर बैन कटिंग है स्ट्राइक पर तीन गेंदे खेली एक बार फिर से आखिरी गेंद इस सोवर किया बार कदमों का इस्तेमाल किया सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में चार रन के लिए जी हाँ इस बार देखा कि गेंद लॉन्ग ऑन का फिल्टर जो हो मिड ऑन की तरफ है कदमों का इस्तेमाल किया गेंदबाज की दिशा में खेल दिया और चौका बटोड़ लिया बैन कटिंग ने तो बैन कटिंग के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका स्कोर पहुँचता हुआ जी हाँ स्कोर पहुँचता हुआ बयासी रन पाँच विकेट नुकसान पर अगर बैन कटिंग ऐसी बल्लेबाजी कर जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा इस खेल के अंदर और शुरुआत थोड़ी सी खराब थी मगर उसके बाद ऑलीवर डेविस और डेविड वॉर्नर के बीच पार्टनरशिप हुई उसके बाद विकटे जो हैं वो गिरने शुरू हो चुकी हैं तो यहाँ से अब बयालीस गेंदें बची हैं अब देखते हैं बयालीस गेंदों में कितने रन और जोड़ते हुए नज़र आते हैं दोनों बल्लेबाज और ये ध्यान रखिएगा डैनियल सैम और डेविड बैंड कटिंग जो है दोनों जो हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, हम देखते हैं यहाँ से किस तरीके से बल्लेबाजी होगी आप सब लोग आप सब लोग जो है स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो अभी भी सात ओवर जी हाँ बयालीस गेंदे बची हैं इस पारी की अब देखते हैं इन बयालीस गेंदों में कितने रन बनते नजर आएंगे स्कोर हो चुका है बयासी रन पाँच विकेट नुकसान पर तेरह ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ से अब देखना होगा पावर सर्च जी हाँ पावर सर्च कब लिया जाएगा उसका भी इंतजार रहेगा हमें यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है लेंस मॉरिस को लेंस मॉरिस के ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पे है सैम एल पे गेंद थी पैड से टकराई यह गेंद गई है फाइनल की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर यहाँ पर जो है लेग बाइ का शायद सिंगल देंगे अंपायर और स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर तिरासी रन पाँच विकेट नुकसान पर देखना होगा किस तरीके से गेम चलेगा यहाँ से बेन कटिंग और डैनियल सैम को एक बड़ी पारी एक बड़ा स्कोर जो है अगर लगाना है बोर्ड पे तो इन दोनों को अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी तो क्या अंत तक बल्लेबाजी कर पाएंगे दोनों बल्लेबाज देखना होगा यहाँ से जुड़ रही है जुड़े रहिए हमारे पास और मुकाबले को एंजॉय करते रहिए तीन सौ चवालीस लाइक हो चुके हैं छः भाई और लाइक कर दीजिएगा आंकड़ा पर हो जाएगा साढ़े तीन सौ का यूँ कहे कि एक हज़ार लोग हमें देख रहे हैं लाइक सिर्फ साढ़े तीन सौ है बहुत नासाफी है हमारे साथ चलिए अगली गेंद है बार फिर से लेंस इस ओवर के, के सामने है बैन कटिंग पटकी भी गेंद इस बार पुल कर दिया है गेंद को मिड विकेट दिशा में गेंद जाती हुई बाउंड्री बाउंड्री की तरफ क्या पहुंच पाएगी जी हा पहुंच जाएगी चौका मिल जाएगा इस गेंद पर बैन कटिंग को तो बैन कटिंग के बल्ले से दो बैक टू बैक चौके एक पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया था और यहां पर दूसरी गेंद पर चौका बटोरा है बैन कटिंग ने स्कोर पहुंचता हुआ सतासी रन पांच विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव दो गेंद हो चुकी है जिसकी एंट्री नहीं हुई है वो एंट्री ले लीजिएगा आज थंडर के साथ रहिएगा थंडर जो वो देगी आज यहां पर दो चौके लगा चुके हैं अगली गेंद गेंद तीसरी इस, के इस बार। फिर से के फिर के सारे खेलने की कोशिश से खेला जरूर मगर वहां पर फिल्टर मौजूद है कवर की दिशा में कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर तीसरी गेंद जो है वो डॉट गेंद स्कोर अभी भी सतासी रन पांच विकेट नुकसान पर तीन सौ सत्तर लाइक हो चुके हैं तीस भाई और लाइक करिएगा आंकड़ा हो जाएगा यहाँ पर चार सोलाइस का लाइक करिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को स्कोर हो चुका है यहाँ पर सतासी रन पाँच विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव तीन गेंदें हो चुकी हैं पावर सर्च के ओवर बचे हुए हैं अभी भी यहाँ पर चलिए अगली गेंद लेंस मॉरिस के इस ओवर की चौथी गेंद सामने मौजूद बैन कटिंग ऑस्टन के बाहर ये गेंद तीस बार बड़ा शॉट खेलने गए थे कट करने गए थे इस गेंद पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा गेंद गई विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी सतासी रन पाँच विकेट नुकसान पर तेरह गेंदों के बाद देखते हैं यहाँ से किस तरीके से अब बैन कटिंग अपनी टीम का स्कोर डेढ़ सौ के पार ले जा पाएंगे क्योंकि अगर बैन कटिंग खड़े रहे तो बैन कटिंग और डैनियल सैम दोनों खड़े रहे तो डेढ़ सौ के एक सौ साठ का आंकड़ा भी पार हो सकता है मगर अब देखना होगा किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को अगली गेंद पांचवी गेंद है इस चौदहवें ओवर की सामने मौजूद बैन कटिंग है नॉर्म बन खेल रहे हैं सात गेंदों का सामना किया है इस बार फिर से पटकी हुई गेंद इस बार पुल किया है मगर यहाँ पर यहाँ पर मिड विकेट फील्डर पर फील्डर मौजूद कैच आउट हो जाएंगे लीजिए एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर श्री थंडर का सतासी रन छः विकेट नुकसान पर और की तरफ फल करके आए थे पुल करने गए थे इस गेंद को बल्ले का निचला हिस्सा लगा और वहां पर मिड विकेट फिल्डर मौजूद कैच पकड़ा जरूर है मगर अंपायर चेक करेंगे थर्ड अंपायर जो है वो कैच को चेक करेंगे सॉफ्ट सिग्नल जो है वो आउट दिया अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल जो है पार ने आउट दिया है यहाँ पर क्या क्या कैच पकड़ा गया था एक बार नो बॉल जरूर चेक करेंगे नो बॉल तो नहीं है पैर तो क्रीज के अंदर था लेंस मॉर इसका थोड़ी सी आज प्रवाइ शॉट खेलने गए थे पटकी भी गेंद पर पुल किया बल्ले का निचले हिस्से से गेंद लगी और यहाँ पर देखना होगा देखना होगा जी ऐसा लग रहा है कि बढ़िया कैच पकड़ा है यहाँ पर एक बढ़िया एक बड़ा विकेट था ये और इसके लिए ऐसी कैच अगर पकड़ी है तो इसमें बल्लेबाज की गलती नहीं ये तो फील्डर फील्डर की जो है वो खूबी है कि ऐसी कैच जो है पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बैन कटिंग को पवेलियन जाना होगा जी हाँ बैन कटिंग जो है पवेलियन जाते हुए नज़र आएंगे छठा विकेट गिरता हुआ नजर आएगा यहाँ पर श्री थंडर का सतासी रन छः विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव पाँच गेंदे हो चुके हैं बैन कटिंग अच्छे लग रहे थे बल्लेबाजी करते हुए मगर आज आठ गेंदों में नॉर्न बनाकर जाते हुए मगर कैच बहुत बढ़िया था जी हाँ कैच बहुत बढ़िया था यहाँ पर देखना होगा अब क्या होगा इस मैच का सूरतियाल क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो 37 गेंदे बची हैं इस पारी की और पावर सर्च कब लेंगे वो पता नहीं क्योंकि छः बल्लेबाज आउट हो चुके हैं तो क्या है यहाँ पर पावर सर्च के ओवर व्यर्थ चले जाएंगे वेस्ट चले जाएंगे सनी थंडर के लिए वो देखना होगा तीन सौ तिरासी लाइक हो चुके हैं सत्रह भाई ईमानदारी से लाइक करिएगा दिल पे हाथ रख के लाइक करिएगा इधर उधर मत देखिए आप ही से कह रहा हूँ भाई लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफ़ी बढ़िया होने की उम्मीद रहेगी टेंशन नहीं लेने का आपने सबसे पहले घबराना नहीं है आप सब घबराइए नहीं मुकाबला एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी तो जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को मुकाबला बढ़िया होगा आसान नहीं होगा इस पे पर्थ के लिए भी बल्लेबाजी करना था यहाँ पर मैकेंड्रू जो हैं वो आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए नथन मैकेंड्रू बल्लेबाजी के लिए जान जाते हैं ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं सोलह का एवरेज है मगर स्ट्राइक रेट जो है एक सौ तिरपन का है जी हाँ एक सौ तिरपन रन का एक सौ तिरपन का स्ट्राइक रेट है यहाँ पर नेथन मैकेड्रू का देखते हैं नेथन मकेंड्रू जो है किस तरीके से खेलेंगे लेंस मॉरिस की पटकी भी विकेंद ऑस्टन के बाहर चाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के पास चौदह ओवर की समाप्ति के बाद सतासी रन छः विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है और यहाँ से अगर बात की जाए तो आप बची हैं सिर्फ छत्तीस गेंदें छत्तीस गेंदों में बारह गेंदें जो हैं पावर सर्च की हैं तो पावर सर्च की गेंदों में कब यूज़ करेंगे कब उनका खून खोलेगा और कब पावर सर्च जो है वो लेंगे क्योंकि पावर सर्च से पहले पावर हिटर बल्लेबाज जब लगता है पवेलियन बहुत जाएंगे तभी जो है पावर सर्च लेंगे कि गेंदबाज आखिर रन बनाए यहाँ तो देखते हैं क्या होगा इस मैच का सूरत हाल आप लोग स्ट्रीम को लाइक करिए गए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आखिरी के छः ओवर आखिरी के छत्तीस गेंद क्या इन छत्तीस गेंदों में अपनी टीम का स्कोर जो है एक 140 के पार ले जा पाएंगे क्योंकि एक की उम्मीद थी मगर यहाँ पर नैया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है थंडर की मगर यहाँ पर डैनियल सैम डैनियल सैम बचे हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अब यहाँ पर छोटे जॉनी सेंस आ चुके हैं एस्टन अगर गेंदबाजी करने के लिए अगली गेंद यहाँ पर एस्टन अगर की ओवर की ऑस्टन के बाहर पट की भी गेंद थी कट करने गए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा इन साइड लगा और गेंद गई पॉइंट की दिशा में फिल्डर मौजूद वहां पर एक रन मिलेगा इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए नैथन मैकेड्रू चौदह दशमलव एक गेंद हो चुकी है अट्ठासी रन छः विकेट नुकसान पर यहाँ पर देखना होगा देखना होगा यहाँ पर किस तरीके से खेलेंगे अब नैथन मैकेड्रू जो है अगर की गेंदबाजी को स्कोर जो है वो, वो काफ़ी कम है और छः बल्लेबाज आपने खो दिए हैं चलिए यहाँ से अगली गेंद एक बार फिर से एस्टन अगर की ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंद लेथन मैगंड्रू को ऑस्टन के बाहर कट करने गए पूरी तरीके से बीच हो गए इस गेंद पर जी हाँ कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर ये छोटे जॉनी सेंस भी जो है वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं एक बड़े बड़े जॉनी सेंस तो कहीं ना कहीं ब्रिजबल ही करिए एडलिस्ट स्ट्राइकर में है छोटे हमारे एस्टम नगर पर स्कॉचर में है, अगली गेंद और फिर से ऑस्टम की तरफ गेंद थी ड्राइव किया इस गेंद को कवर की दिशा में गेंद गई है एक रन तो मिल जाएगा क्या दूसरा रन लेने की कोशिश आएगी जी हाँ दूसरा रन भी पूरा कर लिया है यहाँ पर डैनियल सैम ने दो रन मिलते हुए नेथन मैकेड्रू को मैकेण का जो है वो खाता खुलता हुआ चौदह दशमलव तीन गेंदें हो चुकी हैं नब्बे रन छः विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है जी हाँ स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है नब्बे रन तो कैसे खेल रहे हैं भैया है? कैसन खेल रहे हैं ऐसे खेलेंगे तो काम नहीं चलेगा इनको बोलो मारो काम मारेंगे कुछ पता नहीं लग रहा यार काफ़ी व्यूअर जो है जॉनी सिंस के नाम से सुनता है मज़ा आता है यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ और यहाँ से खेल जो है वो आगे चल रहा है देखना होगा नब्बे रन बन चुके हैं पाँच छः विकेट नुकसान पर चौदह दशमलव चार गेंदे हो चुकी है लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़े रही है हमारे साथ इस मुकाबले में तो मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है तीन so, सौ निन्यानवे लाइक हो चुके हैं एक भाई और लाइक करिएगा आंकड़ा पूरा हो जाएगा चार सौ लाइक इसका एस्टनगर की गेंद इस बार कट किया गेंद को गेंद जा रही है डीप पॉइंट की दिशा में बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है मगर डीप पॉइंट फील्डर मौजूद है एक नहीं दो रन मिलने चाहिए जी हाँ रन मिल गए हैं नैथन मैकेड्रू को रन और जुड़ते हुए खाते में बानवे रन बन चुके हैं छः विकेट नुकसान पर चौदह तो छोड़ लो गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर एस्टन नगर की गेंदबाजी जो है वो काफ़ी किफ़ायती नज़र आ रही है देखते हैं किस तरीके से गेम को आगे लेके जाएंगे आ, लाइक करिएगा आप सब लोग एक बार फिर से लक्ष्म पे गेंद इस बार कलायू के सर टहला दिया स्क्वायर लेके दिशा में एक रन तो मिल गया है क्या फिर से दूसरा रन लेने की कोशिश रहेगी जी दूसरा रन पूरा कर लिया है दो रन और जुड़ते हुए यहाँ पर खाते में और जॉनी सिंस छोटे जॉनी सिंस जो है वो नाखुश होते हुए बिल्कुल सर घुमाते हुए अपना मना करते हुए फील्डर को भाई कैसी फील्डिंग कर रहे हैं आप किसने लगाया आपको वहाँ पर पंद्रह ओवर समाप्त हो चुके हैं चौरानवे रन बन चुके हैं यहाँ पर छे विकेट नुकसान पर और अब बचे हैं तीस गेंदें जी हाँ तीस गेंदें बची हुई है हैं इस पारी की अब देखना होगा इन बची हुई तीस गेंदों में कितने रन और जोड़ते हुए नजर आते हैं मगर हमारे छोटे छोटे जॉनी सिंस जो है वो नाखुश नजर आए फील्डिंग की फील्डिंग की बदौलत देखना होगा किस तरीके से गेम चलता हुआ नजर आएगा लाइक करिए आप चलो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में और यहाँ से यहाँ से पर्थ की टीम जो है लगता है थंडर की टीम को फर्श बिठा के मानेगी आ, थंडर के जो थंडर बोल्ट जो है वो कहीं ना कहीं कस दिए यहाँ पर जो बोल नट बोल्ट जो है वो ढीले थे थंडर बोल्ट के मगर अभी भी देखिए अंत भला तो सब भला पाँच ओवर जी हाँ तीन गेंदें बची हैं तीस गेंदों में पचास रन बन जाए तो एक सौ चवालीस के आंकड़े पहुंच सकते हैं और फाइट देखने को मिल सकती है इस मुकाबले के अंदर देखना होगा यहां पर और चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ डैनियल जी डेनियल तैयार हैं यहां पर और पेन आ चुके हैं पेन की अराउंड द विकेट गेंदबाजी पटकी गेंद पुल करने गए गेंद हाँ में है यहाँ पर डेनियल सैम भी कैच आउट होते हुए यहाँ तो डेनियल सैम को एक कुछ मंत्र पढ़वाने पड़ेंगे क्योंकि बल्लेबाजी जो है इस सीज़न के अंदर डेनियल सैम की और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी ऐसा लगता कि है कि भूल ही गए हैं बल्लेबाजी करना पटकी हुई गेंद थी पुल करने गए और सीधा फाइनल की दिशा में ये गेंद गई और फील्डर ने बिल्कुल जमीन से जस्ट कुछ इंचिस में गेंद को पकड़ लिया और कैच आउट हो गए डेनियल सैम डेनियल सैम को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाया यहाँ पर डेविड पेन ने और एक और झटका सिडनी का दुख जो है वो खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पर एक और झटका मिलता हुआ सिडनी थंडर की टीम को चौरानवे रन बन चुके हैं सात विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव एक गेंद हो चुकी है कहीं एडिलेड की तरह ही आज बल्लेबाजी जो है वो कर रहे हैं थंडर की टीम ऐसा लग रहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर का रिकैप देख रहा हूँ मैं और यहाँ तो <laughs> ऐसा लग रहा है कि पर्थ की टीम ने सिडनी सिडनी थंडर को फर्स्ट पर बिठा दिया है यहाँ पर मगर अभी भी देखना हो क्या होता है उनतीस गेंदे बची हैं तीन विकेट हाथ में है पावर सर्च ऐसा लग रहा है कि कल लेंगे कल अगले मुकाबले में पावर सर्च सिर्फ बचा के रखेंगे शायद अगले मुकाबले में चार ओवर का पावर सर्च मिलेगा थंडर की टीम को क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर बड़े शॉट खेल लें तो पावर सर्च लेकर बड़े शॉट खेलिए ना आप जो है यहाँ पर बिना पावर सर्च लेकर जो है अगर बड़े शॉट खेलेंगे तो फील्डर बाउंड्री के तरफ जो है वो खड़ा ही हुआ है चलिए यहाँ पर अब क्रिस ग्रीन आ चुके हैं क्रिस ग्रीन जो है वो मार मार के अब लाल कर पाएंगे क्या गेंदबाजों को वो देखना होगा। मगर ऑरेंज ड्रेस में जो है पर स्कॉचर्स की टीम है अब देखना हो क्या होता है इस मुकाबले में चलिए सामने मौजूद है क्रिस ग्रीन डेविड पेन करने आए गेंदबाज इस ओवर की दूसरी गेंद क्रिस ग्रीन को ऑफ्टम की तरफ ड्राइव किया ज़रूर गेंद का ये कवर की दिशा में फिल्टर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर हो चुका है चौरानवे रन सात विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव दो गेंद हो चुकी हैं ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो रही है थंडर के साथ थंडर जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी है जिस तरीके से आज गेंदबाजी हुई है ऐसा लग रहा था कि एक अच्छे खास स्कूल की तरफ बढ़ेंगे एक बार फिर से पटकी भी गेंद कट करने गए बिल्कुल गेंद जाएगी कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है जी कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर दुख जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा जी हाँ दुख जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, कहीं सिडनी थंडर का कैसे खेल रहे हैं इनको खेलना आता ही नहीं है इनसे होता ही नहीं है ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं सर ऐसा ही लग रहा है कि इनको आता ही नहीं है चलिए तो अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर क्रिस ग्रीन को की तरफ गेंद थी डिफेंस कर लिया इस गेंद को कैसी बल्लेबाजी चल रही है देख दुख लग रहा है यहाँ पर बल्लेबाजी देख कर यहाँ पर सिर्फ थंडर का दिल से बुरा लगता है भाई यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है स्कोर अभी भी चौरानवे रन सात विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव चार गेंदें हो चुकी हैं नैथन मैकेंड्रू नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हुए हैं और क्रिस ग्रीन जो है स्ट्राइक लेकर खड़े हुए हैं पांचवी गेंद इस बार डेविड पेन के इस ओवर की राउंड द टम गेंदबाजी कर रहे हैं पटकी भी गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर है डीप पॉइंट की दिशा में गेंद गई है एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज नैथन मैकेंड्रू स्कोर होता हुआ पिचानवे रन सात विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव पाँच गेंदें हो चुकी हैं यहाँ से नेथन मैकेंड्रू और क्रिस ग्रीन दोनों पर जिम्मेदारी है कि पावर सर्च ले लीजिए भैया कब लेंगे कब लोगे कब खून खोलेगा सीनी थंडर वालों का जो पावर सर्च लेने का मन बने इनका और ऐसे ही अगर बल्लेबाजी होती रही तो मज़ा नहीं आएगा चलिए अगले पटकी हुई गेंद इस बार हेलमेट पर जाके लगी है हेलमेट पर जाके गेंद लगी है यहाँ पर नैथन मैके रुक एक बार आप पैर जरूर देखेंगे उनको कि भैया रुक जाओ सबर करो और यहाँ पर बुलाया जाएगा फिजियो को और इनकी जो है खोपड़ी जो है चेक की जाएगी कहीं कहीं इनकी खोपड़ी जो है वो घूमिया तो नहीं रही है घूम तो नहीं रही है चलिए चलिए चेक कर रहे हैं एक बार कनकशन टेस्ट जो है वो हो रहा है यहाँ पर अब बनेथन मैकेंड्रू का सोलह ओवर समाप्त हो चुके हैं पचानवे रन सात विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है सिडनी थंडर का और चौबीस गेंदें बची हैं चौबीस में से बारह गेंदें तो पावर सर्च की है चलिए तो यहाँ पर खून खोल गया है खून खोल गया है सिडनी थंडर का और पावर सर्च ले लिया है पावर सर्च ले लिया गया है यहाँ पर और कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर सर्च के अंदर में आप लगा के चलिएगा कि नेथन मैकेड्रो की ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा है क्योंकि नेथन मैकेड्रो का स्ट्राइक रेट जो है वो डेढ़ का रहता है तो मेरे हिसाब से अब नेथन मैकेड्रो का खून खोलेगा और कम से कम पच्चीस रन जोड़ेंगे पावर सर्च के इस ओवरों में तो तैयारी कर लीजिएगा आप सब लोग पहली गेंद है इस ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं यहाँ पर एंड्रू टाई पहली गेंद क्रिस इस गेंद को पटकी हुई गेंद थी ड्राइव करने गए कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर यहाँ से क्रिस ग्रीन भी जो है वो कहीं ना कहीं कैरन पोलार्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको कही चाहिए कि सिंगल लेकर स्ट्राइक नेथन मैकेड्रू को दें क्रिस ग्रीन है वो कैरन पोलार्ड नहीं है इसीलिए क्रिस ग्रीन को ईमानदारी से और शराफत से यहाँ पर सिंगल लेना चाहिए मगर क्रिस ग्रीन जो है बड़ा शॉट लगाने की चेष्टा जरूर करेंगे एक बार फिर से एंड उठाई के इस ओवर के पटके भी गेंद पुल किया है इस गेंद को गेंद जा रही है मिड विकेट बॉम फिल्डर के हाथ में लीजिए एक और विकेट गिरता हुआ सिडनी थंडर का पचानवे रन आठ विकेट नुकसान पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बीस ओवर भी खेल पाएगी क्या थंडर की टीम थंडर की टीम जो है वो क्या 20 ओवर भी खेल पाएगी क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाज जो है वो खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है क्यों खेल रहे हैं किसने खेलना सिखाया है इनको यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद जाके बल्ला छीन लूँ इनके हाथ से मगर ऐसा मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं इंडिया में हूँ ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ऐसी ख़राब बल्लेबाजी जो है ज़िंदगी में कभी कभी देखने को मिलती है और यहाँ पर कैच आउट होते हुए क्रिस ग्रीन महसूस हो रहा है अंदर से खून खोल रहा है मेरा खून खोल गया हमारे व्यूअर तो शायद आ, कहीं ना कहीं आतंक मचा देंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मगर यहाँ पर क्रिस गेंद जो है वो छः गेंदों में एक रन बनाकर पवेलियन जाते हुए सोलह दशमलव दो गेंदें हो चुकी हैं पिचानवे रन आठ विकेट नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है और थंडर का जो तो थंडर थंडर, थंडर सिडनी थंडर का जो तो थंडर है वो गायब हो चुका है सिडनी सिडनी बचा है अब यहाँ पर ब्रिंडन डॉगेट जो है डोगेट जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आएँ या पूरे बीस ओवर खेल जाएँ पूरे 20 ओवर खेल जाए यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि 20 ओवर खेलकर कम से कम 120 रन तो बनाए यहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि क्यों 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 ये टीम ऐसी बल्लेबाजी करती है पंद्रह पे आउट हो जाती है और उसके बाद जो है फिर ऐसा लग रहा था कि सपने दिखाकर जो है सपने तोड़ रही है कहीं ना कहीं सीनियर थंडर की टीम एक टाइम पे लग रहा था कि एक रन तक आंकड़ा पूरा कर लेंगे मगर शर्म नहीं आई बल्लेबाजों को जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है हमारा दिल जो है वो दुखा दिया दिल तोड़ के हंसते हैं हमारा ये बल्लेबाज बड़ा दुख लग रहा है देख चलिए अगली गेंद इस बार देखते हैं यहाँ पर बेन डॉगेट को पहली गेंद थी और ड्राइव करने गए पूरी तरीके से मिस कर गए इस गेंद को स्कोर हो चुका है पंचानवे रन आठ विकेट नुकसान पर पूरे बीस ओवर खेलने की जो है जो चेष्टा है वो हो पाएगी क्या देखना होगा चलिए अगली गेंद फिर से पटकी भी गेंद डिफेंस कर लिया इस गेंद को यहाँ पर ब्रेंडन डॉगेट ने लगता है मेडन ओवर जाएगा पावर सर्च की हिस्ट्री में पहली बार एक मेडन ओवर जाएगा पावर सर्च के अंदर ये मैं ऐसा मैच देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद क्यों देख रहा हूँ मैं मैं क्यों कॉमेंट्री कर रहा हूँ इनके मैच की और क्यों हमारे व्यूअर्स जो हैं बिल्कुल इन इन पर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और ये उम्मीदें पानी फेरते नज़र आ रहे हैं सीनी थंडर के बल्लेबाज बल्लेबाजों से कुछ हो नहीं पाया गेंदबाज भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कर पाएंगे क्या देखना होगा मगर कम से कम 120 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करना होगा अगली गेंद फिर से पटकी भी गए हैं ड्राइव करने गए हैं यहाँ पर ब्रेंडन डॉगेट रन नहीं मिलेगा पांच लगातार डॉट गेंद पावर सर्च का ओवर है पावर सर्च का यह ओवर है और कहीं ना कहीं आ, यहां पर जो है यहां पर जो है ब्रेंडन डॉगेट जो है लगता है मेडन ओवर खिलवाएंगे आज पावर सर्च की हिस्ट्री में मेडन ओवर डालेंगे यहां पर एंड्रू टाई ऐसा लग रहा है आखिरी गेंद बची है आखिरी गेंद बची है अंदर से खून खोल रहा है घुस के मारने का मन कर रहा है कि बैट लेके मैं बैटिंग कर लूं एक बार फिर से ऑफ ऑफ्टूम की तरफ गेंद थी और ड्राइव करने गए मैडन ओवर जी हाँ पावर सर्च मैडन विकेट ओवर पहला एक पावर सर्च का एक ओवर जो है वो खराब कर दिया है सिनी थंडर के बल्लेबाजों ने और यहाँ से स्कोर हो चुका है पचानवे रन आठ विकेट नुकसान पर ऐसी ख़राब बल्लेबाजी देखकर अंदर से आत्मा जो है धितकार रही है मुझे कि भाई क्यों क्यों देख रहा हूँ इनका मैच में चलिए कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए अभी बल्लेबाजी तो खराब हो चुकी है क्या गेंदबाजी जो है वो अच्छी हो पाएगी ये देखना होगा नहीं तो साउथ अफ्रीका लीग में अपनी किस्मत को आजमाएंगे कि क्योंकि थंडर को थंडर को हमने भी सपोर्ट कर लिया था गलती से और गलती जो है इंसान से होती है मगर गलती को भुनाएंगे कम से कम एग्जिट तो निकलवाएंगे यहाँ से नथन मैके स्ट्राइक पर मौजूद है पावर सर्च की बची हैं छः गेंदे और यहाँ पर यहाँ पर कहीं ना ने कहीं नेतन मैकेड्रो जो है वो तैयार बैठे हैं अट्ठारह गेंदें बची हैं क्या अट्ठारह गेंदों में पच्चीस रन जोड़कर अपनी टीम का स्कोर जो है वो पहुंचा पाएंगे एक सौ बीस के पार क्योंकि एक सौ बाईस रन तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होबार्ट ने भी डिफेंड किए किया बेलबल होबार्ट ने भी डिफेंड किए हैं चलिए अगली गेंद पर फिर से नेथन मैकेड्रू का गेंद रूम बनाया जरूर बड़ा शॉट खेलने के लिए डेविड पेन की यह गेंद थी कोई रन नहीं मिलेगा कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर तो लगातार सात डॉट गेंदे आ चुकी हैं पावर च के ओवर की सात डॉट गेंदे हो चुकी हैं पांच गेंदे बची हैं पावर सर्च के इस ओवर की, की अठारहवा ओवर है स्कोर हो चुका है पिचानवे रन आठ विकेट नुकसान पर तैयार है तैयार है नथन एक बार फिर से फुलंद की गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर है गेंद जा रही है सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद चार रन के बाद चार रन के लिए चलिए काफी देर के बाद आठवीं गेंद पर यहाँ पर चौका लगाया है और चौके के साथ स्कोर हो चुका है निन्यानवे रन आठ विकेट नुकसान पर क्या खेला हो या फिर पेला हो वो तो गेंदबाजी

निन्यानवे रन बन चुके हैं आठ विकेट नुकसान पर यहाँ से बस बल्ले और गेंद का संपर्क हो नहीं रहा है यहाँ पर और कहीं ना कहीं जो है इस मुकाबले में नौ तीन गेंदे हो गई इस ओवर के पटकी भी गेंद बार फिर से पुल कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद कही है दो रन दौड़ो मैं नैथन में दूसरा रन दौड़ने की कोशिश है यहाँ पर दौड़ लेंगे दौड़ लेंगे दूसरा रन यहाँ पर दो रन मिलते हुए नैथन मैकेंड्रो को स्कोर पहुँसता हुआ सौ के पार एक, एक रन आठ विकेट नुकसान पर सत्रह दशमलव गेंदें हो चुकी हैं खोला दो खून तीन छक्के लगा दो इस ओवर में दो दो गेंदे बच्ची को दो छक्के तो लगा दो यार क्या खून ही नहीं खोल रहा इनका चीटिंग करते हैं हमारे साथ ये अच्छा नहीं खेल रहे यार ये ये हमारे चीटिंग कर रहे हैं ये बिग बैश वाले अब चलिए अगली गेंद है फिर से नेथन मैकेंड्रू को यहाँ पर आ, इस बार फिर से ऑफ्टन के बाहर पटकी हुई गेंद पुल करने गए अपील जरूर कर रहे हैं जॉश इंग्लिश कैच की कि कैच है कि नहीं जी नहीं अंपायर ने नकार दिया इस गेंद को 101 रन बन चुके हैं आठ विकेट नुकसान पर यहाँ पर रोमन भाई लिख रहे हैं खेला हो गए अरे खेला नहीं तो पेला हो गए हो भैया तो पेला हो गया है कहीं कही ना कहीं पर्थ ने फर्स्ट बिठा दिया है आज सिडनी थंडर की टीम को 101 सौ एक रन आठ विकेट नुकसान पर सत्रह दशमलव पाँच गेंदें हो चुकी हैं नैथन मैकेंड्रू को आखिरी गेंद इस ओवर के स्लो रन गेंद इस बार पुल कर दिया है गेंद को गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्ट्राइक जो है अपने पास रखेंगे नैथन मैकेंड्रू यहाँ पर अट्ठारह ओवर समाप्त हो चुके हैं एक रन आठ विकेट नुकसान पर ये अट्ठारह ओवर में एक रन आठ विकेट नुकसान पर बारह गेंदे बची हैं इस पारी की सही लिखा है सोनी गेमिंग भाई ने जो लिखा है आपने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है देख कर बड़ा अंदर से सुकून मिल रहा है ऐसे ही लिखते जाइए बड़ा अच्छा लग रहा है मगर लगातार मत लिखिए नहीं चेतन भाई जो है गुस्सा हो जाएंगे और स्पैम करके आपको जो है फिर टाइम आउट दे, दे देंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा फिर क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी देखने के बाद हमारे व्यूअर्स के जो मैसेज हैं वही मुझे अच्छे लग रहे हैं मैच में कुछ देखने में मजा नहीं आ रहा है चलिए लाइक करिएगा आप सब लोग एंड्रू टाई तीन लेगा अरे तीन ले से चार ले मगर 120 का आंकड़ा पूरा करवा दीजिए क्योंकि 120 का जब आंकड़ा होता है तो संतुष्टि रहती है कि कहीं ना कहीं मैच में कुछ कमाल सकता है कि सौ से एक से नीचे का स्कोर जो है डरावना होता है आ, यहाँ पर डेविड पेन का स्पेल जो है वो काफ़ी बढ़िया रहा है आज बीस रन दिए दो विकेट हटकाएँ इकोनमी जो है पाँच का रहा है और मैट में यहाँ पर नेथन पर मौजूद है उन्नीसवा ओवर करने के लिए आए हैं एंड्रू टाई उन्नीसवां ओवर करेंगे एंड्रू टाई टाई, टाई लगाकर जी हाँ एंड्रू टाई जो है वो टाई लगाकर गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर बीस उन्नीसवें ओवर में देखना होगा क्या बड़े शॉट लगते हुए नजर आएंगे इस ओवर में चलिए तैयारी कर लीजिएगा उन्नीसवें ओवर की एंड्रू टाई के ओवर की पहली गेंद नेथन मैकेू को पटकी हुई गेंद इस बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए जी हाँ चौका बटोरा है इस गेंद पर नैथन मैकेड्रू ने स्कोर पहुंचाया अपनी टीम का 106 रन आठ विकेट नुकसान पर इसी इंसान पे भरोसा है इसी इंसान पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं 120 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर सकते हैं नेथन मैकेड्रू और ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पावर सर्स में क्यों नहीं कर रहे थे पावर सर्स में क्यों नहीं मार रहे थे कहीं ना कहीं ये चीटिंग करते हैं हमारे साथ चलिए चलो कोई बात नहीं जैसा भी चल रहा चलने दीजिए और यहाँ से गेम को आगे लेके जाइएगा एक भाई लिख रहे हैं ब्रो दीपक भाई लिख रहे हैं ब्रो बी का कुछ पता नहीं है मुझे लग रहा है दूसरी टीम पचास बनाएगी भाई देखना भाई ऐसे ही हो सकता है मगर कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए ना कि जहाँ पर हमें 160 दिख रहा था वहाँ पर आप 120 के लाले पड़ रहे हैं तो ऐसी कौन सी पिच में ऐसा उछाल आ गई या फिर घमासान हो गया है कि मतलब बल्ले और गेंद का संपर्क हो ही नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं ये लछड़ बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिली है आज अलीसा हीली जो है वोवन विकेट कीपर ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाज अलीसा हीली वो जो है कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ नहीं है वो टीवी के कमेंट्री बॉक्स में है और हंस रही हैं वो भी काफ़ी हद तक चलिए अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद में हथियो को उस बार पुल कर दिया है गेंद को गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर छः रन के लिए देखना होगा चौका है कि छक्का की बाउंड्री एक बार चेक करेंगे ज़रूर यहाँ पर जी चौका मिलेगा वन बाउंस बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए एक चौका और आता हुआ लगातार इस ओवर के अंदर तीन गेंदे हो चुकी हैं आठ रन बटोर चुके हैं स्कोर हो चुका है एक रन आठ विकेट नुकसान पर यहाँ से अट्ठारह दशमलव तीन गेंदे हो चुकी हैं नौ गेंदे बची हैं इस पारी की चार सौ अड़तीस लाइक हो चुके हैं बारह भाई और लाइक कर दीजिएगा साढ़े चार सौ लाइक पूरे हो जाएंगे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और यहाँ पर आशाए जो है वो जगाते हुए आ रहे हैं नैथन मैकेंड्रू के नेथन मैकेंड्रू इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेल सकते हैं एक बार बाउंड्री जरूर चेक कर रहे हैं अंपायर चौका है छक्का चेक कर रहे हैं जी हाँ वन बाउंस बाउंड्री के बाद चार रन के लिए गेंद जो है ग्राउंड के अंदर ही टप्पा खा गई थी और यहाँ से उम्मीदें ज़्यादा हैं उम्मीदें ज़्यादा है, है नेथन मैकेंड्रू से कि आइए भैया बड़े बड़े शॉट लगाइए ओवर की चौथी गेंद एंड्रू ट्राई की नेथन मैकेंड्रू का फिर से पटकी विकेंद इस बार फिर से सीधा बल्ले से खेल दिया इस बार डीप मिड विकेट दिशा में क्या कैच पकड़ा है जी हाँ ये तो उड़कर हवा में कैच पकड़ा एक और झटका लगता हुआ जी हाँ एक और विकेट गिरता हुआ नैथिन में कैंड्रू हो गए हैं कैच आउट ये तो भैया ये कहूँगा ना कि शॉट अच्छा था मगर यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में दाई तरफ दौड़कर हवा में कैच पकड़ा वहां पर एस्टन टनर थे फिल्टर कौन थे फिल्टर देखूंगा जरा एक बार फिर से चेक करूंगा मगर यहां पर कैच पकड़ लिया है हाय रे हाय नेथन मैकेड्रो की किस्मत जो है वो काफ़ी ख़राब है शॉट बड़ा अच्छा लगाया था बड़ा शॉट लगाया था खेलने के लिए मगर वहां पर उड़ कर डाइव लगाकर कैच पकड़ा और वहां पर कैमरन ब्रैंक्रॉफ्ट जी हाँ कैमरन ब्रैंक्रॉफ्ट ने पकड़ा है कैच एंड्रू टाई थे गेंदबाज यहाँ पर सत्रह गेंदों में इक्कीस रन बनाकर तीन चौके लगाकर यहाँ पर नेथन मैकेंड्रू पवेलियन जाते हुए अभी भी आठ गेंदे बची हैं इस पारी की क्या आठ गेंदों में दस रन बनाकर यहाँ से 120 का आंकड़ा पहुंच पाएगा दुख बहुत है दुख बहुत लग रहा है यहाँ पर ऐसी प्रदर्शन को देखते हुए आज सिडनी थंडर का अगर आप देखते हैं थंडर का थंडर स्टॉर्म बचेगा क्या क्या थंडर का थंडर स्टॉम रहेगा क्या देखना होगा लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को आठ गेंदें बची हैं इस पारी की एक सौ बीस का आंकड़ा चलना चाहिए उस्मान कादिर बल्लेबाजी करने आए हैं ज़्यादा बल्लेबाजी का एक्सपीरियंस है नहीं उस्मान कादिर के पास पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाज़ हैं चलिए देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में एंड्रू टाई के ओवर की पाँचवीं गेंद उस्मान कादिर है स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं यॉर्कर गेंद थी कलायू को सारा टहला दिया गेंद को मिड विकेट दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ जी हाँ इस एक रन के साथ स्कोर जो है वो आगे की तरफ़ बढ़ता हुआ है एक सौ ग्यारह रन नौ विकेट नुकसान पर जी हाँ एक सौ ग्यारह रन बन चुके हैं नौ विकेट नुकसान पर धीरे धीरे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है चार सौ अड़तालीस लाइक हो चुके हैं दो भाई और लाइक कर दे तो कम से कम साढ़े चार सौ लाइक तो हो जाए हमारे तो लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला आज बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिली है ऐसी बल्लेबाजी देख ऐसा मन मन जो है वो बिल्कुल विचलित हो गया है थंडर की बल्लेबाजी देखते हुए एक बार फिर से यहाँ पार मिडल स्टम्पे थी बोल्ड कर दिया जी हाँ एक रन 111 रन पे पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई है सिडनी थंडर की 19 ओवर समाप्त हुए हैं यहाँ से पेला हो गया है जी हाँ यहाँ पर सही लिख रहे हैं है हमारे रोहन भाई जो पहला हो चुका है ऑल आउट हो गई है पूरी टीम सिडनी थंडर की 19 ओवर में 111 रन 10 विकेट के नुकसान पर सिडनी थंडर का स्कोर है मैच का सूरतल यही है कि थ्रॉ तो जीत पर स्कॉचर्स की टीम ने और यहाँ पर सिडनी थंडर की टीम जो है 111 रन जी हाँ 111 रन बना पाई 19 ओवर के अंदर पूरे 20 ओवर भी यहां पर खेल नहीं पाए सिडनी थंडर की टीम और यहाँ पर अब टारगेट जो है वो पर्स कॉचर्स को दिया है एक रन का अगर यहाँ से बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो सिर्फ तीन ही बल्लेबाज जो हैं वो कम से कम दस कम चार बल्लेबाजी कहें कि चार जी हाँ तीन ही बल्लेबाज जो हैं वो दस का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर पाए डेविड वार्नर ने बनाए उन्नीस रन बीस गेंदों में ओलिवर डेविस जो हैं वो छत्तीस गेंदों में बावन रन बनाकर आउट हुए और नेथन मैकेंड्रू कैंड्रू सत्रह गेंदों में इक्कीस रन बनाकर गए थे और यहाँ पर अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो आज दो विकेट डेविड पेन को मिले हैं और लेंस मॉरिस को मिले हैं दो विकेट मैथ्यू कैली को दो विकेट एस्टन अगर को एक विकेट और एंड्रू टाई को तीन विकेट हमारे जो कप्तान कप्तान ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छी करी एंड्रू टाई को कप्तान बनाया था तीन विकेट छटकाए हैं ओलिवर डाइव को कप्तान बनाया था उन्होंने बनाए हैं यहाँ पर बावन रन तो हमारी फैंटेसी टीम जो है वो काफ़ी अच्छी बनी है आज मगर यहाँ पर इनिंग ब्रेक हो चुका है अब आप जुड़ेंगे आपसे सब... आप सबके आप सब साथ इनिंग ब्रेक के बाद 111 रन 10 विकेट नुकसान पर सीनी थंडर का स्कोर है यूँ कहीं ऑल आउट हो गई है सीनी थंडर की टीम पर स्कॉचर्स को बनाना है 112 रन जीतने के लिए तो देखते हैं क्या 112 रन का आंकड़ा आसानी से पूरा कर लेगी या फिर टर्न एंड ट्विस्ट जो है वो देखने को मिलेगा इस मुकाबले में तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन में तो कहीं मत जाइए कहीं मत जाइएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को देखना होगा क्या है? थंडर की गेंदबाजी वो कमाल कर सकती है जो जो कमाल आज पर्स पर्सकॉचर्स की गेंदबाजी ने किया है यहाँ पर तो लेंगे छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन में तो चलिए जी हाँ भाई सभी व्यूवर्स को नमस्कार यहाँ से पारी शुरू हो चुकी है तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पर होती है बल्लेबाजी टारगेट हालांकि थोड़ा सा कम ज़रूर है लेकिन देखने में यहाँ पर मजा आएगा क्या यहाँ से सिडनी थंडर की टीम एक बार फिर से कमाल करके दिखा सकती है चलिए यहाँ पर बैन टगेट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए बल्लेबाजी करने आए हैं एस्कैन जी उनका साथ दे रहे हैं कैमरून बैनक्रॉफ्ट देखना यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होगा देखना यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होगा किस तरह से होती है यहाँ पर बल्लेबाजी बाकी सभी लोग यार जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिए गा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा देखते हैं मुकाबला यहां पर किस तरीके से चलते हुए दिखाई देता है तो चलिए सभी लोग यार जुड़ जाइएगा जी हाँ तो सभी लोग यार जुड़ते रहिएगा यहाँ पर इसी के साथ वाइड गेंद आते हुए वाइड गेंद यहाँ पर आते हुए पर्थ का स्कोर है एक रन बिना किसी नुकसान के अतिरिक्त के साथ एक रन यहाँ पर जुड़ता हुआ पर्थ की टीम के खाते में अभी जीत के लिए चाहिए एक रन गेंदें बची हुई हैं एक देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा यहाँ पर कैसा रहेगा चलिए टीम का स्कोर है एक रन जी हाँ यहाँ पर बैंडगेट बैंडागेट यहाँ पर एक बार फिर से दौड़ते हुए बैंडगेट यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए एस काजी को अपील होते हुए यहाँ पर बहुत तेज नजदीकी फील्डर्स के द्वारा अंपायर के ऊपर यहाँ पर कोई असर पड़ा नहीं है इस अपील का तो एक बार फिर से यहाँ पर शून्य रन आते हुए डी अभी भी उपलब्ध है उपलब्ध है यहाँ पर क्या लेंगे यहाँ पर मेरे ख्याल से लेना चाहिए जी हाँ क्योंकि टारगेट काफ़ी कम है लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि लेंगे नहीं इंपैक्ट जो है वो थोड़ा सा लेग स्टम्प के बाहर था टीम का स्कोर है अभी भी एक रन बिना किसी नुकसान के शून्य ओवर की समान

नुकसान के देखना दिलचस्प होगा देखना यहां से काफी रहेगा कैसी होती है आगे की बल्लेबाजी क्योंकि, कम कम क्योंकि पर हालांकि पर्थ की टीम के अंदर बैटिंग की जो गहराई है वो भी है मिडल ऑर्डर भी यहां पर अच्छा है तो आसान होगा नहीं सिडनी थंडर की टीम के लिए आसान होगा नहीं इतने छोटे टारगेट को डिफेंड करना वो भी पर्थ जैसी टीम के सामने चलिए बैन डगेट एक बार फिर से यहाँ पर कैमरून बैनक्रॉफ्ट को इस गेंद को खेला है स्क्वेयर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं गैप में खेला है इस गेंद को फील्डर रोक लेंगे हालांकि बाउंड्री लाइन पर पहुंचने से इस गेंद को लेकिन एक रन दो रन तीन रन यहाँ पर पूरे कर लिए पर्थ का स्कोर हो चुका है पाँच रन बिना किसी नुकसान के पाँच गेंदों के बाद स्ट्राइक पर आ चुके हैं एसकिन जी आखिरी गेंद पर यहाँ पर स्ट्राइक पर मौजूद होंगे एसकियान जी तो चलिए पाँच रन यहाँ पर बन चुके हैं पर्थ की टीम के विकेट यहाँ से बहुत मैंडेटरी है तो जी हाँ अंपायर एक बार चेक करते हुए अंपायर से एक बार यहां पर चेक करते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी जी हाँ जो चौका था या नहीं था चलिए इस ओवर में आखिरी बार आखिरी बार बैन जगे तो यहां पर एस की जी को इस बार गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में जाते हुए कोई रन नहीं डॉट गेंद के साथ हुई ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति के बाद पर्थ की टीम का स्कोर हो चुका है पांच रन बिना किसी नुकसान के एस के एक रन बनाकर खेल रहे हैं वहीं कैमरून बैनक्रॉफ्ट एक गेंद में अब तक तीन रन बनाकर खेल रहे हैं चलिए यहां पर कहना

तो बाकी यार सभी लोग जुड़ते रहिएगा है देखते हैं किस तरीके से यहां पर मुकाबला चलते हुए दिखाई देता है जी हाँ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं भाई स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा अरे चेतन भाई ने भाई उनतीस रुपये की सुपर चैट भेजिए धन्यवाद चेतन भाई सपोर्ट करने के लिए हमेशा भाई सपोर्ट करते हैं चेतन भाई तो धन्यवाद यार ऐसे ही भाई जुड़े रहिएगा सभी लोग हमारे साथ अनुराग भाई ने लिखा है आउट श्याम भाई ने लिखा है आउट सभी आउट ही आउट की भाई एक ही एक ही गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है पूरी चैट में लेकिन यहाँ पर इस गेंद को खेला बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से सीमा रेखा की तरफ गेंद दौड़ती हुई फील्डर ने यहाँ पर काफी मशक्कत के बाद इस गेंद को रोका है एक रन दो रन यहां पर भी ले लिए हैं दौड़कर तो जी हाँ जबरदस्त जबरदस्त दो रन यहाँ पर आते हुए दो रनों के साथ पर्थ का स्कोर पहुंच चुका है सात हमने देखा है दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कम से कम एक विकेट तो लेके जाते हैं आज देखना होगा क्या यहां से भी पहला विकेट आएगा चलिए क्रिसग्रीन पर एक बार फिर से खेलते हुए का स्कोर हो चुका है नो रन बिना किसी नुकसान के एक दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए जी जुड़ते हैं भाई चैट बॉक्स में देखते हैं यहां पर भाई ने लिखा है आउट थंडर जीतवाओ इकलौते ऐसे इंसान है जो बोल रहे हैं थंडर को जितवाओ नहीं नहीं कुणाल भाई के साथ साथ सारी दुनिया बोल रही है एक भी मैसेज अब तक ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कोई यहाँ पे भारत की टीम के साथ हो जैकपोट मैच होगा ये अच्छा भाई चलिए देखते हैं जैकपोर्ट मैच होगा तो भाई कुणाल भाई थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी अगर यहाँ से लेट हो गया तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगी दिपिजया भाई ने लिखा भाव 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 बढ़ रहा है हर तरफ <laughs> ये तो है ये तो आपने सही कहा चलिए यहाँ पर क्रिस ग्रीन एक बार फिर से कैमरून बैनक्रॉफ्ट को यहाँ पर यह गेंद डालते हुए चलिए अच्छी गेंद थी इस बार तीन स्टम्प्स के बीच में बैकफुट पर जाते हुए गेंद को लगने दिया आपने बल्ले के ऊपर डिफेंसिव अंदाज में इस शॉट को खेलते हुए कोई रन नहीं मिलेगा तो चलिए संभल कर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए कैमरून बैनक्रॉफ्ट का यहां पर विकेट दो विकेट दो मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर रहेंगे कैमरून बैनक्रॉफ्ट का आपको यहां पर विकेट लेना पड़ेगा उसके बाद जोश इंग्लिश का जो विकेट है वो काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहेगा बोन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी भाई हमारे साथ जुड़े हैं राम राम भाई जी राम राम भाई ऋषिकेश शेलार भाई जुड़े हैं नेक्स्ट ओवर आउट होगा रामदास यादव भाई ने लिखा भाई कौन जीतेगा रामदास भाई देखिए कोशिश तो यहाँ से यही है उम्मीद भी यहाँ से यही करते हैं और दुआ भी करते हैं कि भाई सिडनी थंडर की टीम यहाँ से जीते चाहे हारे लेकिन इस मुकाबले में एक बार रेट दे ज़रूर चली जाए दिग्विजय जा भाई ने लिखा है जो देख रहा है थोड़ी देर बाद गेम बदलेगा दिग्विजय भाई यही दिक्कत है इस मुकाबले की जितने रन यहां पर बनाए हैं इस टीम ने इनके पास वक्त ही नहीं है इनके पास दुनिया में सब कुछ है सिर्फ वक्त ही इनके पास नहीं है चलिए इस बार इस गेंद को खेला पॉइंट और कवर के बीच में से बेहतरीन शॉट गैप खेल गैप में ढूंढ कर इस गेंद को निकाला है भेजा है सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए चलिए एक बेहतरीन चौका यहाँ पर आते हुए इस चौके के साथ भारत की टीम ने यहाँ पर बना लिए हैं चौदह रन बिना किसी नुकसान के एस्कियान जी खेल रहे हैं पांच रन बनाकर वहीं कैमरून बैनक्रॉफ्ट खेल रहे हैं छह गेंदों में आठ रन बनाकर अब जीत के लिए चाहिए एक 108 गेंदों में अट्ठानवे रन जी हाँ रिक्वायर्ड रन रेट रह चुका है पांच दशमलव चार चार का तो गेंदे ज्यादा हैं यहां पर रन कम है सबसे पहले तो किसी तरीके से यहां पर जिस प्रकार से रन बन रहे हैं उनकी गति पर लगाम लगाना होगा सिडनी थंडर के गेंदबाजों को उसके बाद यहां से विकेट चटकानी होगी विकेट यहां से चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर विकेट चाहिए ये तो कहना पड़ेगा चलिए बाकी सभी लोग यार जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा एम न्यूज भाई जुड़े हैं इस ओवर में पांच विकेट एम न्यूज भाई एम <laughs> न्यूज भाई आपको क्या बोलू <laughs> पवन भाई ने लिखा है चौदह बिना किसी नुकसान के बिल्कुल पवन भाई कुमार भाई ने लिखा हार्डी रन मारो कुमार भाई हार्डी का नंबर तो आने दीजिएगा मैं तो कहता हूँ हार्डी का नंबर हार्डी की जो बारी है वो इसी ओवर में आ जाए इसी ओवर में आपको हार्डी दिख जाए हरप्रीत भाई ने लिखा है ब्रो फाइनल कब है हरप्रीत भाई बहुत जल्द होगा डेट भाई अब तक देखी नहीं है एक बार देख के आपको बताता हूँ अश्वनी भाई ने लिखा राम राम भाई जी राम राम अश्वनी भाई कैसे हैं चलिए एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी की शुरुआत बैंडगेट बैंड डगेट के हाथ में है गेंद एस्कियान जी को ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़े थे गेंद को फुल टॉस बनाया गेंद को खेला है स्क्यर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए चौका यहां से प्राप्त करते हुए सूर्यकांत पवार भाई ने लिखा है एसकिन जी बिल्कुल भाई सूर्यकांत भाई सूर्यकांत भाई ऐसे न जी ने यहाँ पर चौका मार दिया हर एक चौके के साथ जो सिडनी थंडर की उम्मीदें कुछ बची हुई हैं जिंदा वो धीरे धीरे धूमिल यहां पर होती जा रही हैं तारक भाई ने लिखा है हो ऋषिकेश भाई ने लिखा है आउट सोहन राठौड़ भाई ने लिखा है छः तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मुकाबला किस तरीके से चलता है टीम का जो स्कोर है वो तो यहाँ पर काफी तेज गति से बढ़ता हुआ चलिए इस बार गेंद को उठाकर खेला है गेंद जाते हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर छः रन के लिए इस बार फ्लैट छक्का यहाँ पर आते हुए एस के जी के बल्ले से पर्थ का स्कोर हो चुका है पच्चीस रन बिना किसी नुकसान के रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से चाहिए चार का एक सौ गेंदों में सतासी रन चाहिए यहाँ से जीत के लिए चलिए बैंड डगेट एक बार फिर से बैंड डगेट एक बार फिर से यहाँ पर एस जी को डालेंगे गेंद देखना दिलचस्प होगा काफ़ी तेज गति से यहाँ पर रन बनते हुए जबरदस्त तरीके से चलिए यहाँ पर एक बार फिर से इस बार छोटी गेंद थी पुल कर दिया गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर जाते हुए फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए चौका यहाँ पर प्राप्त करते हुए एस किआन जी तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि किस्मत आज खराब है किस्मत आज सिडनी थंडर की यहाँ पर काफ़ी ख़राब है और जिस गति से यहाँ पर रन आ रहे हैं बल्लेबाजी कम खिलवाड़ ज़्यादा लग रहा है गेंदबाजों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता हुआ पर्थ के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा यहां से विकेट की तलाश है शंकर भाई ने लिखा है दस विकेट से जीतेगा आशु भाई ने लिखा वन साइड मैच हो गया ये तो रेहान भाई जुड़े हैं माय होम टोटली फिक्सिंग मैच है थंडर आज डुबा दे आउट करवाओ भाई आउट करवाओ जल्दी भाई साहब देखते हैं चलिए इस बार पैरों पर गेंद थी गेंद को फ्लिक कर दिया गेंद जाती हुई एक बार फिर से फाइन लेग की दिशा में फील्डर ने काफी मुश्किल के बाद यहां पर इस गेंद को रोका है सीमा रेखा के पार जाने से लेकिन यहां पर मौका था रन यहां पर बनाने का उसका मौका छोड़ेंगे नहीं तो दो रन यहां पर ले लिए दो रन यहां से प्राप्त करते हुए विजय भाई ने लिखा है आउट धीरेन्द्र भाई ने लिखा है हार्डी जीरो, जीरो, जीरो मारेगा भाई साहब देखते हैं हार्डी यहां पर क्या मारेगा और किस तरीके से मारेगा वो तो देखिए आने वाला यहां पर वक्त बताएगा कुमार भाई ने लिखा वन मैच आशु भाई ने लिखा किस्मत खराब का तो पता नहीं पर मैच जरूर फिक्स है आशु भाई मैच देखिए फिक्स नहीं है एक रन पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं एक रन पर आप हमेशा नहीं उम्मीद कर सकते हैं कोई चमत्कार ही होता है जब एक रन एक रन आपने डिफेंड होते हुए देखे आपने टी के अंदर कितने इतने मुकाबले देखे ऐसे जहां पर देता जब 112 रन डिफेंड होते हैं जरूर था ओवर समाप्त होता हुआ तीन ओवर की समाप्ति के बाद का स्कोर हो चुका है बत्तीस रन बिना किसी नुकसान के एस के खेल रहे हैं ग्यारह गेंदों में बाईस रन बनाकर वहीं कैमरून बैनक्रॉफ्ट खेल रहे हैं सात गेंदों में नो रन बनाकर बैनडगेट जो इस टीम के हीरो हैं विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं शुरुआती दो ओवर में ही आज तो तेईस रन दे चुके हैं तो जी हाँ चलिए देखते हैं मुकाबला यहाँ पर किस तरीके से चलते हुए दिखाई देता है बाकी सभी लोग यार जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा चलिए नाथन मैकेन्र्यू नाथन मैकेू आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए सामने स्ट्राइक पर होंगे एस कियान जी मैकेू की यहाँ पर ये गेंद पहली गेंद इस गेंद को फ्लिक किया था गेंद जाती हुई शॉर्ट स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास कोई रन नहीं डॉट गेंद यहां पर आते हुए शुरुआत की है नाथन मैकेन ने डॉट के साथ पर्थ की टीम का स्कोर है बत्तीस रन बिना किसी नुकसान के तीन ओवर की समाप्ति के बाद अब 101 गेंदों में मात्र 80 रन चाहिए जीत के लिए क्या यहां से भी कोई संभावना बन सकती है देखना काफी दिलचस्प रहेगा चलिए नाथन एक बार फिर से एसकी आंजी को डालेंगे बोल आंजी इस समय बारह बोलों में बाईस रन बनाकर खेलते हुए चलिए यहां पर दौड़ते हुए नाथन मैके चलिए इस बार छोटी गेंद थी गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास किया था गेंद बल्ले के करीब से गुजरते हुए पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में तो यहां पर एक और डॉट गेंद आते हुए तो गुड्डू महतो ने लिखा दिस ओवर विकेट कॉल राज राजपूत भाई ने लिखा है दस ओवर मैच खत्म सूर्यकांत भाई ने लिखा है एसकी आउट नहीं चाहिए मुरलीधर भाई ने लिखा है एसकी आउट विकेट से, तो सूर्यकांत पवार भाई देखिए विकेट यहां से कभी भी आ सकती है विकेट की संभावनाएं कभी भी यहां पर बन सकती हैं देखना दिलचस्प होगा देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यहाँ पर बल्लेबाजी चलती है चलिए एक बार फिर से यहाँ पर इस गेंद को खेला है फ्लिक किया गेंद जाती हुई स्क्वेयर लेग सीमा रेखा की तरफ फील्डर पीछे दौड़ते हुए जी हाँ रोक लेंगे फील्डिंग तो काफ़ी कमाल की है लेकिन तीन रन यहाँ पर दौड़ ले लिए तो एक रन यहाँ पर फील्डर बिल्कुल बचाते हुए अपनी टीम के लिए टीम का स्कोर हो चुका है पैंतीस रन बिना किसी नुकसान के स्ट्राइक आ चुकी है कैमरून बैनक्रॉफ्ट के पास जो कि सात गेंदों में यहाँ पर नौ रन बनाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं तो जी हाँ चलिए देखते हैं मुरलीधर भाई ने लिखा है आउट विकेट्स अरमान रॉय ने लिखा है बैन डगेट कितने विकेट ले सकता है भाई अरमान भाई यहाँ से तो मुझे ऐसा लगता है कि एक विकेट तो मिलना चाहिए बैन डगेट को एक विकेट यहाँ से मिलना चाहिए अनिश भाई ने लिखा है एस जी को आउट करो ऋषिकेश शेलार ने लिखा है आउट चलिए यहाँ पर अच्छी गेंद थी तीन स्टम्प्स के बीच में गेंद को फ्लिक करना चाहते थे गेंद जाकर पैर से टकराते हुए लेकिन यहाँ पर गेंद का अंदरूनी किनारा लेकर आ, भाई साहब गेंद जाकर पैड से टकराई थी रेहान भाई ने लिखा है बैनक्रॉफ्ट तू भाई एम <laughs> न्यूज भाई ने लिखा है पचपन पर नो आउट रॉयल स्टोरीज ने लिखा है एसकियान जी ने को आउट करो आ, देखते हैं भाई साहब एसकियान जी आउट होता है या कोई आउट कौन आउट होता है बस आउट चाहिए हमें तो देखो यहाँ से आउट चाहिए कि भाई साहब कोई भी करे कोई भी बल्लेबाज हो लेकिन यहां से कम से कम शुरुआत होनी चाहिए चलिए बैनक्रॉफ्ट को यहां पर यह गेंद इस बार उठाकर खेला गेंद जाती हुई निकल चुकी है मिड विकेट की दिशा में पीछे एक बार फिर से दो फील्डर दौड़ते हुए गेंद को हालांकि रोक जरूर लेंगे लेकिन यहां पर भी दो रन लेने से तो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे पर्थ का स्कोर हो चुका है सैंतीस रन बिना किसी नुकसान के तीन ओवर की समाप्ति के बाद जी हाँ कैमरून बैनक्रॉफ्ट पहुंच चुके हैं ग्यारह रन पर टीम का स्कोर है सैंतीस रन जीत के लिए चाहिए पिछहत्तर रन गेंदें यहां से बची हुई हैं ताने में तो रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 4 दशमलोग 6 4 रन प्रति ओवर का यहां पर रह चुका है तो बाकी सभी लोग यार जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा चलिए इसी के साथ नाथन मैकेनशू एक बार फिर से जी हां बैंकरोफ्ट को ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी पॉइंट की दिशा में खेला जरूर था लेकिन रन बनाने का यहाँ पर कोई मौका नहीं डॉट गेंद के साथ होती हुई ओवर की समाप्ति पर्थ का स्कोर हो चुका है सैंतीस रन बिना किसी नुकसान के चार ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट यहाँ पर नौ दशमलव दो पाँच रन प्रति ओवर की रफ्तार से चलता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो चार दशमलव छः नौ रन प्रति ओवर का चाहिए यहाँ से काफ़ी आसान सिचुएशन मेरे ख्याल से यहाँ पर रहने वाली है इस टीम के लिए प्रेम सिंह प्रो भाई जुड़े हैं सिडनी सिक्सर्स पंद्रह आउट हुई थी तो रन कहाँ से बनेगी प्रेम सिंह भाई जिस समय पंद्रह रन पर आउट हुई थी उसके बाद तो इतिहास रचा है सिडनी सिक्सर की किंग ने की टीम ने बाकी <coughs> सिडनी थंडर की टीम ने माफ कीजिएगा देसी भाई ने लिखा है एसकी जी आउट क्रिस ग्रीन के ओवर में चलिए देखते हैं भाई जी आउट होगा एम न्यूज भाई ने लिखा इक्यावन रन पे से पर्थ हार जाएगा अच्छा भाई मिक्सी भाई ने लिखा है डैनियल सेम को दो आउट होगा दिव्यम भाई ने लिखा क्लीन बोल्ड तो भाई साहब यहाँ पर आउट होने के काफ़ी ज़्यादा भाई साहब मैसेज आ रहे हैं सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर सिडनी की टीम को कि की आउट कीजिएगा आउट कीजिएगा अभी भाई लगातार मैसेज करते हुए अभी भाई लगातार नहीं एक मैसेज को आप एक बार करेंगे तब भी आपका मैसेज पढ़ा जाएगा चलिए यहाँ से एक बार फिर से इस गेंद को खेला है स्क्वेयर लेग की दिशा में फील्डर के हाथ से गेंद छूटी थी तेजी से दौड़कर एक रन यहाँ पर पूरा कर लिया एक सिंगल यहाँ पर आते हुए तो

चलिए आप जो भी हैं भाई साहब आपको मुबारक हो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से कादिर एक बार फिर से कादिर यहाँ पर राइट हैंड बल्लेबाज बैनक्रॉफ्ट के लिए गेंद छोटी गेंद थी पुल कर दिया गेंद जाती हुई स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास गेंद को फील्ड किया वापस फेंका एक रन यहाँ से मिल जाएगा तो इस सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया स्ट्राइक आ चुकी है एसकी जी के पास पर्थ का स्कोर हो चुका है उनतालीस रन बिना किसी नुकसान के टैक भाई ने लिखा है विकेट भी मिल जाए तब भी पर्थ ही विन होने वाला है टैक भाई बिल्कुल यहाँ से पूरी पूरी संभावना है देखिए पर्थ के विन होने की चलिए एक बार फिर से कादिर कादिर को यहाँ पर ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया विकेट कीपर के बगल से गेंद निकलते हुए पहुंची है शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पास एक रन यहाँ से मिल जाएगा खुशकिस्मत रहे कि गेंद अगर थोड़ा सा ज़्यादा उछाल लेती यहाँ पर तो सीधा फील्डर के हाथ में भी जा सकती थी सुरेश भाई ने लिखा है डैनी सैम्स आउट सिद्धार्थ यादव ने लिखा है आउट नहीं होगा अच्छा जी सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सुरेश भाई ने लिखा डेनिस सैम्स आउट चलिए इस गेंद को खेला एक बार फिर से स्क्वेयर लेग की दिशा में फील्डर पीछे से डीप स्क्वेयर लेग से दौड़कर जब तक आके गेंद को फील्ड करके वापस फेंकेंगे तब तक एक रन यहाँ से मिल जाएगा आ, महेश भाई ने लिखा डैनियल सैम्स पाँच विकेट लेगा महेश भाई देखते हैं क्या होता है हालाँकि मुश्किल है तो चलिए यहाँ पर और बताओ भाई ने लिखा माई प्रॉफिट सेवन के चलिए बहुत अच्छी बात है भाई बहुत अच्छी बात है भाई आपका प्रॉफिट अगर सेवन के है तो आप करिएगा हालांकि यहाँ से टीम तो भाई ऐसा लग रहा है कि अगले एक से दो ओवर में अगर विकेट यहाँ पर नहीं गिरती है तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा ये मुकाबला डेड है यहाँ पर सिडनी की टीम नरेंद्र भाई ने लिखा यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर पे लाइव कमेंट्री डालना लाइव मैच नहीं नरेंद्र भाई ने लिखा है नरेंद्र भाई हालांकि आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पर हम आपका सजेशन दिल से निरस्त करते हैं बिल्कुल सुरेश भाई ने लिखा आउट तो चलिए भाई साहब यहां पर एसकियान जी ने तो कमाल की पारी खेली है शुरुआत जिस समय सिडनी थंडर की टीम बल्लेबाजी कर रही थी ऐसा लग रहा था कि पिच के ऊपर पूरी तरह से स्विंग मौजूद है गेंद जो है दोनों तरफ यहां पर घूम रही है लेकिन जैसे ही यहां पर पर्थ की टीम आई है बल्लेबाजी करने के लिए पिच बिल्कुल सूखी हो गई है बिल्कुल रेगिस्तान बन चुका है यहाँ पर गेंदबाजों के लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है आदित्य भाई जुड़े हैं हमारे साथ कोई आउट नहीं होना चाहिए यार मैं ग्रैंड लीग जीत जाऊँगा आदित्य भाई ठीक है आज आप ही जीतेंगे फिर आज आप ही चलिए डेनियल सैम्स आ चुके हैं डेनियल सैम्स आ चुके हैं काफ़ी लोगों के दिलों की धड़कन यहाँ पर जो काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि सैम्स को बुलाओ डेनियल सैम्स को बुलाओ तो लीजिएगा डेनियल सैम्स को भी आखिरकार यहाँ पर मौका दे दिया गया है तो देखते हैं डेनियल सैम्स यहाँ पर क्या कमाल करते हैं यहाँ पर कमाल से काम चलेगा नहीं यहां पर चमत्कार चाहिए इस मुकाबले को अगर यहां से इस मुकाबले को जीतना है तो तो सभी लोग यार जुड़ते रहिएगा इकतालीस रन हो चुका है टीम का स्कोर चलिए थंडर यहां पर सैम से से एक बार बार फिर इस इस ओवर में पहली गेंद को खेला था कवर की दिशा में गेंद जाती हुई शॉर्ट कवर के हाथों में कोई रन नहीं यहां पर शुरुआत की है डॉट गेंद के साथ डेनियल सैम्स ने तो चलिए शुरुआत यहां पर अच्छी हुई है डॉट गेंद के साथ हरप्रीत भाई ने लिखा ब्रो टीवी की तरह यूट्यूब पर लाइव क्यों नहीं होता हरप्रीत भाई तभी उसको यूट्यूब बोलते हैं अगर यहां

है तो जी यहाँ बड़ा बुरा कर रहे हैं यार अब बहुत बुरी तरह से यहां पर मार रहे हैं देखकर दुख होता है सिडनी की टीम को अंकुश भाई ने लिखा बेनक्रॉफ्ट जाएगा अब सैम्स भाई विकेट्स प्लीज शिवम भाई ने लिखा है प्लीज चलिए यहाँ पर डेनियल सैम्स की छोटी गेंद थी हालांकि थोड़ी सी जो गेंदबाजी है वो दिशाहीन भी हो रही है क्योंकि जब आपकी टीम का स्कोर छोटा होता है तो अक्सर आपको गेंदबाजी के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी भी होते हुए पूनम जी ने लिखा है सर मिनी आई में कर लेंगे लॉस कवर पूनम जी बिल्कुल आपने सही कहा यही तो यही तो प्लान था आज के दिन का कि पहले मैच में नुकसान करेंगे फिर उसको कवर करेंगे मिनी आई में बाकी यही प्लान है हालांकि आज मिनी आई में भी भाई चेन्नई का मुकाबला है सुपर किंग्स का मुकाबला एकमात्र टीम है जिसने उस टू में अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट आपको दिया है आपके हाथों में थमाया है तो जी हाँ मेरे ख्याल से आज एक बार फिर से सुपर किंग्स की टीम वो कमाल दोबारा करने वाली है यूनिक बॉय ने लिखा डेनियल सैम्स क्या कर रहे हो यूनिक बॉय बिल्कुल अभी बोल दिया आपको आके बताएंगे डेनियल सैम्स ब्लैक वुल्फ बस अब एक बॉल में पांच आउट हो जाएंगे चलिए भाई साहब मजाक अपनी जगह है लेकिन जो हालत है इस समय सिडनी की टीम की वो काफ़ी ख़राब है चलिए इस बार ऑफ ऑफ्टम के बाहर गेंद थी गेंद को खेला यहाँ पर पॉइंट की दिशा में फील्डर के हाथ से गेंद छिट की जरूर थी लेकिन नुकसान नहीं होगा यहाँ पर कोई भी तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है सिडनी की टीम के जो कंधे हैं प्लेयर्स के कंधे यहाँ पर धीरे धीरे झुकते हुए डाउन यहाँ पर प्लेयर्स होते हुए ऐसा लगता है कि अपनी हार यहाँ पर मान चुके हैं टैक भाई ने लिखा इतने कम रन में भी रहम नहीं कर रहे हैं परत टैक भाई बिल्कुल वही बात है चलिए यहां पर देखना होगा किस तरीके से कितनी जल्दी यहां पर पर्थ की टीम ये रन जो है वो स्कोर करती है चलिए यहां से डेनियल सैम्स की डेनियल सैम्स एक बार फिर से बैनक्रॉफ्ट को करेंगे ये गेंद डालेंगे छोटी गेंद थे इस बार गेंद को हल्के हाथों से रोका गेंद को खेला मिडौन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथ गेंद में जा सीधा फील्डर के हाथों में गेंद जाते हुए कोई रन नहीं डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए और बताओ भाई ने लिखा मिनी आई क्या है भाई और बताओ भाई मिनी आई भाई शायद आई के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस लीग बनने वाली है इस साल नहीं अगले साल से बनेगी इस साल अच्छे मुकाबले अगर होंगे तो अगले साल से बन जाएगी तो आप देख सकते हैं मुकाबला चार बजे से हमारे इसी चैनल के ऊपर तो जितने भी नए लोग हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूनिक बॉय ने लिखा है एम आई एमीरेट्स का कमेंट्री आप करोगे एम आई एमीरेट्स का भाई साहब नहीं करेंगे हम मिनी आई का कमेंट्री करेंगे मिनी आई का होगा बी का होगा बाकी बी के बारे में भी आज के बाद सोचना पड़ेगा कि छोड़ें या करें फिर थोड़ा सा आज के बाद डिसीजन लेंगे इस बात के ऊपर भी डैनी भाई ने लिखा है सैम रिटायरमेंट करो <laughs> सैम भाई अभी थोड़ी देर पहले तो लव यू लिख रहे थे आप कि सैम भाई लव यू पांच विकेट लेगा अभी रिटायरमेंट दिलवा दिया एक ओवर के बाद ही जी के पांडे भाई ने लिखा बी बी एल टू बी पी एल से भी वेकार लीग है बिल्कुल आपकी बात से मैं अभी सहमत हूँ अगर आप एक हफ्ते पहले ये बात बोलते तो मैं बिल्कुल असहमत होता लेकिन मैं भी अब सहमत हूँ अर्जुन भाई ने लिखा छे मारेगा लास्ट बॉल को बैनक्रॉफ्ट अच्छा भाई चलिए देखते हैं प्रडिक्शन काफ़ी कमाल की करते हैं लोग कौन सी बॉल पर कितने रन यहाँ पर आने वाले हैं चलिए यहाँ पर पर्थ की टीम की बात की जाए इस समय टेबल में टॉपर है सबसे नंबर वन की टीम है और उसी के हिसाब से जिस प्रकार से एक टॉप की टीम खेलती है खेल दिखाती है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर खेलते हुए मनोवर खाने ने लिखा प्लीज विकेट मीना माचेकर भाई ने लिखा हेलो शशांक भाई नाइस कमेंट्री मीना भाई धन्यवाद कुमार भाई ने लिखा है हार्दिक हार्डी को रन मारने दो अरे हार्डिक को आने तो दो भाई रन तो हम मार दें आउट करवाइएगा आप चलिए यहाँ पर यह गेंद थी थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद थी गेंद को खेला स्क्वेयर लेग की दिशा में दो फील्डर के बीच में से गेंद निकलती हुई पहुंची है सीमा रेखा के बाहर एक और चौका यहां पर आते हुए बेहतरीन चौका यहां पर विजय भाई ने लिखा है राम राम भाई, विजय भाई, राम राम भाई भाई विजय पूनम जी ने लिखा ठंड तो दिल्ली में पड़ रही है पता नहीं सिडनी थंडर को कैसे लग गई <laughs> पूनम जी बिल्कुल सही कहा आपने ठंड दिल्ली में है लेकिन उसका जो असर है वो सिडनी थंडर तक पहुंच रहा है तो देखते हैं हालांकि सिडनी थंडर की यहां पर खराब कैप्टनसी खराब बल्लेबाजी खराब गेंदबाजी ऐसी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसको आज आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते सिडनी थंडर के Uh, अनिश भाई ने लिखा है स्कांजी को आउट करो बाकी पूनम जी आप कह रहे थे दिल्ली आने के लिए दिल्ली आप पहुंच गए या दिल्ली से आप जा चुके हैं कैसी लगी है? आपको दिल्ली की ठंड एक बार बताइएगा यूनिक बॉय ने लिखा है सिडनी शो ग्राउंड का पेच ऐसा है कि फर्स्ट इनिंग में बॉलर को सपोर्ट करता है सेकेंड इनिंग में बैट्समैन को चलिए यहाँ पर बड़ा शॉट बड़ा शॉट नीचे फील्डर आते हुए क्या यहाँ पर यह कैच होगा जी नहीं गेंद जाती हुई एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर छः रन के लिए छक्का यहाँ पर आते हुए जबरदस्त यहाँ पर होते हुए बल्लेबाजी जी हाँ जबरदस्त कहें क्या कहें लेकिन सिडनी थंडर के इस समय गेंदबाजों ने हार मान लिया यहाँ पर हार यहाँ पर मान लिया सिडनी थंडर के प्लेयर्स हार मान चुके हैं लेकिन हमारी चैट के अंदर व्यूअर्स अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है दीपक भाई ने लेकर नमस्कार सर आप बहुत अच्छी लाइव स्ट्रीम करते हो कमेंट्री साथ कमेंट भी जी के भाई जी भाई दीपक भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद ऐसे ही जुड़ते रहिएगा बाकी सभी नए लोग यार जो भी जुड़े हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये मुकाबला थोड़ा सा खराब हो गया लेकिन चार बजे शुरू हो जाएगा मिनी आई का एक और मुकाबला पूनम जी ने लिखा भाई अभी दिल्ली में है, ही है दस दिन तक बहुत ठंड है बेटा ऑटो एक्सपो में काम कर रहा है पूनम जी बिल्कुल भाई दिल्ली में आपको इस समय ठंड एक्चुअली काफी ज्यादा है अगर आप कहें तो साल के ये दो दस बारह दिन है ये सबसे ठंडे रहते हैं दिल्ली के अंदर तो इस बार भी यहां पर ठंड काफी ज्यादा है लेकिन अगर एक दो मुकाबले यहां से अच्छे हो जाते तो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती लेकिन यहां पर तो डबल प्रहार हो रहा है ठंड का सिद्धार्थ भाई ने लिखा है एस जी आउट नहीं होना चाहिए मीना भाई ने लिखा शशांक भाई लगता है नेक्स्ट खेलना पड़ेगा ये मैच में विकेट जाएगा लगता नहीं दोनों मिलकर मार रहे हैं मीना भाई बिल्कुल मीना जी आपकी बात बिल्कुल सही है इस मुकाबले में हालांकि अभी यहां से विकेट अगर चले भी जाते हैं तो फिर देखिए वापसी करने के जो चांसेज हैं वो यहाँ पर काफी कम है चलिए इस बार यहां पर रिवर्स स्वीप खेला था गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के हाथों से मिस फील्ड होते हुए निकल गई है सिडनी थंडर की तरफ से वो भी यहाँ पर देख लिया जी हाँ बाकी सभी लोग यार अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाइएगा नेक्स्ट मैच के लिए यहाँ पर रेडी हो जाइएगा सभी लोग अनिश भाई ने लिखा है अब तो भाई किसी की भी विकेट लो जल्दी से जल्दी अनिश भाई मैं कह रहा हूं अब तो जल्दी से जल्दी रन तो जी हाँ थोड़ा सा यार माफी चाहते हैं थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम थी एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में पर्थ का स्कोर हो चुका है सत्तर रन बिना किसी नुकसान के आठ ओवर की समाप्ति के बाद एस्कियान जी पैंतीस रन बनाकर खेलते हुए वहीं बेनक्रोफ्ट चौंतीस रन बनाकर खेलते हुए हालांकि अब मुकाबले में देखिए कुछ रखा नहीं है तो बाकी सिर्फ जो अपने भाई फैंटेसी वाले भाई हैं जो लोग फैंटेसी की टीम बनाते हैं शायद उनके लिए अभी भी इस मुकाबले में काफ़ी कुछ बाकी है कौन विकेट लेगा एक एक विकेट से यहाँ पर फर्क फ़र्क पड़ता है एक एक रन से फ़र्क पड़ता है फैंटेसी की टीम के अंदर तो देखते हैं रिक्वायर्ड रन रेट इस समय मात्र तीन दशमलव पाँच का है चलिए एक बार फिर से यहाँ पर नाथन मैके दौड़ते हुए एस के को ये गेंद थे इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास बाहरी किनारा लेकर गेंद जाते हुए पॉइंट के फील्डर के ऊपर से खुशकिस्मत रहे कि गेंद ज़्यादा ऊपर उठी नहीं वरना सीधा फील्डर के हाथों में चली जाती एक सिंगल यहाँ से मिल जाएगा स्ट्राइक आ चुकी है इस सिंगल के साथ एस के के पास तो जी हां बर्थ का स्कोर हो चुका है इकहत्तर रन बिना किसी नुकसान के आठ दशमलव एक ओवर की समाप्ति के बाद मेरे ख्याल से अब जीत के लिए इकतालीस रन चाहिए तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर चार ओवर सिर्फ चार से पाँच ओवर का मुकाबला मेरे ख्याल से आपको यहां पर और देखने के लिए मिल सकता है उसके बाद टीम यहाँ से जीत जाएगी चलिए यहाँ पर इस गेंद को खेला था अब ऑफ ऑफ्टम के बाहर उछाल लेती हुई गेंद थी गेंद को दिशा दिखाई थी थर्ड मैन की तरफ निकल गई गेंद काफ़ी फाइन ये शॉट था चार रन यहाँ से प्राप्त करते हुए चार रन यहाँ से प्राप्त करते हुए तो जी हाँ चलिए जबरदस्त जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी होते हुए तो चलिए भाई देखते हैं मुकाबला यहाँ पर किस तरीके से चलते हुए दिखाई देता है बाकी आप सभी लोग यहाँ जुड़ते रहिएगा नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी देखते हैं मुकाबला यहाँ पर किस तरीके से चलते हुए दिखाई देता है डैनी भाई ने लिखा है मेरा 2000 हज़ार लोस भाई साहब बिल्कुल लॉस तो ये ऐसे मुकाबलों में तो होना बिल्कुल बनता है जो बिल्कुल एक तरफ़ा एक ही सीध में चले जाते हैं जहां से रेट बिल्कुल भी एक पैसा भी उठने का कोई चांस होता नहीं है ये मुकाबला कुछ इसी प्रकार का यहां पर रहा है तो जी हाँ चलिए देखते हैं बाकी आप सभी लोग यार लाइक करते रहिएगा नए लोग जितने भी ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि चार बजे शुरू हो जाएगा यहाँ पर चार बजे यहाँ पर आपके लिए शुरू हो जाएगा मिनी आई मिनी आई का यहाँ पर एक और मुकाबला यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर कप्तान बात करते हुए कप्तान यहाँ पर गेंदबाजों से बात करते हुए हालांकि मेरे ख्याल से बातचीत का जो वक्त है वो यहाँ से जा चुका है बेबीज फन ने लिखा है मेरा दस हज़ार वेन चलिए भाई बहुत बढ़िया एम एस गेमिंग भाई ने लिखा है मस्त चल रहा है सूर्यकांत भाई ने लिखा है बैनक्रॉफ्ट आउट सूर्य भाई आप पहली गेंद से बैनक्रॉफ्ट को आउट करवा रहे हैं बस बैनक्रॉफ्ट ही आउट हो के नहीं दे रहा है चलिए इस बार इस गेंद को खेला है हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में एक रन आसानी के साथ यहाँ पर मिल जाएगा तो इस सिंगल के साथ एक बार फिर से छोर यहाँ पर बदल रहे हैं ऋषभ भाई ने लिखा है ओलिवर एविस को कैच दिला दो ऋषभ भाई बिल्कुल दिलाते हैं ओलीवर को कैच दिलाते हैं लेकिन उसके लिए पहले गेंदबाज को अच्छी गेंद डालनी पड़ेगी बल्लेबाज को बुरा शॉट खेलना पड़ेगा तब जाकर चांस बनेगा कि ओलीवर डेविस के हाथों में कैच जाए हालांकि ये सभी संभावनाएँ एक ही गेंद पर होना मुझे तो इस मैच में थोड़ा सा नामुमकिन लगता है दीपक भाई ने लिखा सर आज भी मेरा लॉस कवर हो गया दीपक भाई चलिए बहुत 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 खुशी की बात है भाई ऐसे ही लॉस कवर करते रहिएगा दीप गेमर भाई ने लिखा भाई मेरा एक लाख का स्पोर्ट्स से मैं अभी एक हज़ार रैंक में हूँ और अप में जा रहा हूँ चलिए दीप गेमर भाई बहुत अच्छी बात है भाई जिन लोगों ने एस के को या फिर कैमरून बैनक्रॉफ्ट को यहाँ पर कप्तान या वाइस कैप्टन के तौर पर रखा हुआ है और जिनके कप्तान भी यहाँ पर एस के या वाइस कैप्टन जिसके बैनक्रॉफ्ट है मेरे ख्याल से उसका तो भाई साहब आज ड्रीम एलेवन में या जिस भी आप फैंटेसी ऐप पे खेलते हैं वहाँ पे काफ़ी कमाल की इस समय पोजीशन चल रही होगी आकाश भाई ने लिखा है एश्टन टर्नर बेस्ट कैप्टन हैं बिल्कुल भाई सही कहा आपने टर्नर यहाँ पर अच्छा चलिए पहला झटका लगते हुए पहला झटका यहां पर लगते हुए पहला विकेट आते हुए यहाँ पर पर्थ की टीम का देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर एक झटका चलिए यहां पर लग चुका है हालांकि ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा देर जरूर हो गई है यहाँ पर विकेट लेने में तो जी हाँ अच्छा चलिए एस के आंजी का यहाँ से विकेट जा चुका है एस के आनजी आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए छब्बीस गेंदों में चालीस रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट होकर वापस पवेलियन की दिशा पकडते हुए पार्थ का स्कोर है इस समय 77 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम को जीत के लिए चाहिए इस समय 35 रन गेंदे बची हुई है 67 रिक्वायर्ड रन रेट है मात्र तीन का चलिए एडम हार्डी आ चुके हैं हार्डी यहां पर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते कैमरून बैनक्रॉफ्ट हालांकि 27 गेंदों में 36 रन बनाकर दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जी हाँ चलिए पहली गेंद यहाँ पर नाथन मैकेनड्र्यू की चलिए ऑफसम के बाहर अच्छी गेंद थी टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए एडम हार्डी ने यहाँ पर बल्ला चलाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं निकल गई जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में तो चलिए डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई नाथन मैकेनड्र्यू को मिला है पहला विकेट टीम का स्कोर है सतहत्तर रन एक विकेट के नुकसान पर नौ ओवर की समाप्ति के बाद तो जी हाँ काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी की है अभी भी यहाँ पर अगर दो तीन चार विकेट एक साथ अगर आ जाए कुछ चमत्कार ही यहाँ पर हो जाए अगर दो गेंदबाज़ सिडनी थंडर के लगातार दो ओवरों में यहाँ पर हैट्रिक लेके चले जाएं तो मेरे ख्याल से इस मुकाबले में कुछ जान आ सकती है उसके अलावा यहाँ पर कोई चांस नहीं है आ, अनीश भाई ने लिखा आप सही है आशु भाई ने लिखा फिफ्टीन के लो सुमकुंद वर्मा त्यागी जी लगता है आप जिस टीम से जाते हैं वो टीम हार जाती है मुकुंद वर्मा जी देखिए ऐसा कुछ नहीं है बाकी देखिए हार जीत तो यार गेम का हिस्सा होता है बाकी आज तैयार हो जाइएगा मुकुंद भाई मिनी आईपीएल के लिए आज अपना जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स की टीम का मुकाबला येलो आर्मी आज, आज आपको दिखाई देगी और येलो आर्मी जब भी मैदान पे उतरती है चाहे आईपीएल हो चाहे मिनी आईपीएल हो देखिए धमाका जरूर होता है तो आज के उस मुकाबले के लिए तैयार रहिएगा सभी लोग बस थोड़ी देर में शुरू हो रहा है चार बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर शंकर भाई ने लिखा है मेरा प्रोडिक्शन था एस के जी आउट बिल्कुल शंकर भाई आपका प्रोडिक्शन था एस के जी आउट और बिल्कुल आपका प्रोडिक्शन यहाँ पर पूरी तरह से सही हुआ है अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं डीप भाई जुड़े हैं हार्डी ज्यादा देर तक टिक पाएगा भैया डीप भाई ज्यादा देर तक टिकने की जरूरत ही नहीं है रन ही यहां पर इतने चाहिए नहीं कि ज्यादा देर तक यहां पर हार्डी को टिकना पड़े आशीष भाई लिखते हैं हार्डी मैच जिता देगा चलिए देखते हैं भाई अनिश भाई ने लिखा है भाई कैच किसने लिया है अनिश भाई बिल्कुल आपको अभी बता देते हैं कि कैच यहाँ पर किसने लिया है तो कैच की अगर बात की जाए तो कैच लिया है यहाँ पर डगेट ने जी हाँ ब्रेंडन डगेट ने यहाँ पर कैच लिया था नाथन मैकेन जो की गेंद थी और आउट हुए थे एसकिन जी छब्बीस गेंदों में चालीस रन बनाकर पारस वीरक भाई ने लिखा है सिर्फ त्यागी लिखा है भाई ने आ, पारस वीरक भाई हमारे साथ जुड़े हैं नाइस कमेंट्री पारस भाई बहुत बहुत धन्यवाद हालांकि कमेंट्री के साथ साथ अगर मुकाबला भी थोड़ा नाइस हो जाता तो मेरे ख्याल से फिर इस मैच में चार चांद लग जाते अशोक भाई ने लिखा हेलो ब्रदर हेलो भाई कैसे हो संकेत भाई ने लिखा है आ, हार्डी को स्ट्राइक दो चलिए यहाँ पर इस बार अच्छी गेंद थी छोटी गेंद को यहां पर फ्लिक किया था गेंद जाती हुई स्क्वेयर लेग के फील्डर के हाथों में एक रन यहां पर मिल जाएगा इस एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर छोर बदला है ज्ञान श्री भाई ने लिखा है सर हेलो भाई ज्ञान श्री भाई कैसे हैं तो चलिए टीम का स्कोर हो चुका है इस समय अस्सी रन एक विकेट के नुकसान पर नौ दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद हार्डी एक रन बनाकर खेलते हुए तीन गेंदों का किया है सामना क्रिस ग्रीन कर रहे हैं ओवर देखते हैं देखना होगा यहाँ पर कैसे करते हैं इस ओवर की समाप्ति

पर होते हुए 60 गेंदों में मात्र जीत के लिए उनतीस रन चाहिए क्रिस ग्रीन 20 रन दे चुके हैं अपने तीन ओवर के इस छोटे से स्पेल में चलिए पर कैमरून भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए चालीस रन बनाकर खेलते हुए तीस गेंदों का सामना किया था देखते हैं मुकाबला यहां पर किस तरीके से चलते हुए दिखाई देता है बाकी सभी लोग यार जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा जी हाँ बाकी देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितनी जल्दी यहाँ पर ये मैच जीत पाती है पर्थ की टीम अब तो देखने वाली बात यही होगी वृतिका मिश्रा जी ने लिखा है हार्डी और अगर को विकेट मिला है क्या सर नहीं जी विकेट नहीं मिला है अभी बाकी देखते हैं विकेट अगर मिल जाए अच्छी बात है कुमार भाई ने लिखा हार्डी को आउट मत करो अमित भाई ने लिखा है आज तो मैं चेक ख़त्म हो गया अमित भाई ख़त्म तो हो गया लेकिन देखिए रूल्स के मुताबिक जब तक एक टीम जीत नहीं जाती है तब तक मुकाबला ख़त्म नहीं होता और तब तक हम तो आपके साथ देखिए जुड़े रहेंगे प्रिंस भाई ने लिखा भाई गोन जीतेगा अब <laughs> प्रिंस भाई देखिए चांसेस तो हैं चांसेस तो है यहाँ से सिडनी की टीम के चमत्कार अगर कुछ हो जाए तो आ, हितेश भाई ने लिखा है ख़त्म करो मैच हितेश भाई मैं भी यही चाहता हूँ आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक्चुअली आपसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि ये मुकाबला जल्दी ख़त्म हो जाए वृतिका मिश्रा ने लिखा है हार्डी और अगर को विकेट मिला है क्या सर नहीं मिला है अभी दीपक बघेल सर आज की आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आज का दिन कुछ खास है दीपक बघेल भाई बिल्कुल भाई आपकी शुभकामनाएं सर एकदम पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए बाकी ख़ास हो जाए काफ़ी सारे मुकाबले हैं एक चार बजे मुकाबला होगा एक फिर रात को आठ बजे मुकाबला होगा तो उम्मीद करेंगे कि मिनी आई आज असली आई जैसा ही मज़ा देकर जाए शैलेश भाई ने लिखा है मेरा तो इंग्लिश कैप्टन है लेकिन वो आने से पहले गेम ख़त्म हो रहा है लगता है शैलेश भाई नंबर आएगा इंग्लिश का नंबर ज़रूर आएगा चाहे वो दो गेंदे खेले चाहे पांच गेंदे खेले लेकिन इंग्लिश आपको दिखाई जरूर देगा चलिए टीम का स्कोर है तिरासी रन एक विकेट के नुकसान पर देखते हैं मुकाबला यहां पर किस तरफ यहां से जाता है गेंदबाजी के लिए यहां पर किसको बुलाया गया है चलिए क्रिस ग्रीन आए हैं क्रिस ग्रीन आए हैं यहां पर अपना आखिरी ओवर डालने के लिए तो देखते हैं क्रिस ग्रीन यहां पर क्या कमाल करके दिखा पाते हैं अपने आखिरी ओवर में एम न्यूज ने लिखा है इस ओवर में पांच विकेट अच्छा भाई चलिए जी हाँ नाथन मैकेनजू को नाथन मैकेनजू के हाथ में गेंद थमाई गई है तो इस ओवर को दिया गया नाथन मैकेनजू को चलिए नाथन मैकेनजू की यहाँ पर पहली गेंद ऑफ स्टम के बाहर ये गेंद थी हल्के हाथों से दिशा दिखाई है गेंद जाते हुए डीप थर्ड मैन के फील्डर के हाथों में एक रन मिल जाएगा एक रन के साथ यहाँ पर अपना छोर बदलते हुए स्ट्राइक आ चुकी है बैनक्रॉफ्ट के पास जी हाँ चालीस रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं देखना दिलचस्प होगा कैसे यहाँ पर बल्लेबाजी होती है एम न्यूज़ ने लिखा है भाई मैच खत्म है बैटिंग विन है अपना काम करो एम भाई बिल्कुल अपना काम ही सर कर रहे हैं मुकाबला ख़त्म होने तक कमेंट्री करनी पड़ती है तो अपना काम ही यहाँ पर सर चालू है सुमित भाई ने लिखा कोई बैनक्रॉफ्ट को आउट करो प्लीज़ दीप भाई ने लिखा ड्रिंक के बाद धमाल और फायर हो जाएगा गेम अच्छा जी चलिए देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पर आसानी के साथ इस गेंद पर सिंगल बटोरते हुए सिंगल यहाँ पर बटोरते हुए देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से मुकाबला यहाँ पर चलते हुए दिखाई देता है जी हाँ चलिए यहाँ से बल्लेबाजी पर आ चुके हैं हार्ड ही थोड़ा सा गेम को स्लो कर दिया थोड़ा सा गेम को इस समय स्लो कर दिया वृतिका मिश्रा ने लिखा है एस्टन अगर को आज विकेट मिला है क्या सर जी हाँ मिला है मिला है एस्टन एगर को आज विकेट मिला है भाई तो बिल्कुल विकेट मिला है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा बाकी आप जिस फैंटेसी ऐप पे खेलते हैं वहाँ जाके भी देख सकते हैं चलिए इस बार छोटी गेंद अच्छी गेंद थी इस बार यहाँ पर बल्लेबाज को यहाँ पर अपनी गेंद की लाइन से हटना पड़ा लाइन से यहाँ पर हटना पड़ा सीधा गेंद जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में तो इस समय ऐसा लगा कि इस गेंद के ऊपर हार्ड हार्डली अभी नए नए आए हैं हालाँकि ये पिच ऐसी नहीं है इतनी आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा आशीष रंजन भाई ने लिखा है फोर 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 मीना भाई ने लिखा है शशांक भाई नेक्स्ट मैच की टीम मिलेगा क्या मीना भाई बिल्कुल मिलेगा भाई टीम बिल्कुल आपको मिलेगा सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताएंगे हर एक प्लेयर के बारे में किस किस खिलाड़ी को आप अपनी टीम में ले सकते हैं किस किस को आप रेस्ट दे सकते हैं टीम से तो टीम आपको हर मुकाबले में मिलती है कुछ प्लेयर्स भी आपको बताएंगे स्पेशल प्लेयर्स जिनका कि मैदान के ऊपर जो प्रदर्शन है वो काफ़ी कमाल का रहा है पिछले कुछ मैचों में आशीष भाई ने लिखा है सैम्स ही विकेट लेगा आ, कुमार भाई ने लिखा है हार्डे इस मैच में कितने रन बना पाएगा कुमार भाई मुझे ऐसा लगता है कि 16-17 रन तो बना देगा 16-17 तक यहाँ से जा सकती है हार्डे की पारी टैक अर्न भाई ने लिखा मैं तो टूट गया भाई ये मैच देख के <laughs> टैक टे, अर्न भाई अभी आप टूटे हैं अगर संभल जाए तो पिछले कुछ मैचेस भी देख लीजिएगा बीबीएल के चलिए इस बार इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे गेंद बल्ले का जहाँ पर मारना चाहते थे लगी नहीं बल्ले के ऊपरी टो से लगकर गेंद जाते हुए सीधा मिडोन के फील्डर के हाथों में आसानी के साथ एक रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर ने जिस तरीके से गेंद के ऊपर छलांग लगाई वो मौका यहाँ पर खो दिया सुमित ज़ीरो जीरो सेवन भाई ने लिखा इस ओवर में एक तो जाएगा भाई लिख के ले लो सुमित भाई लिख लिया है बाकी याद रखिएगा ओवर बस ख़त्म होने वाला है ओवर सिर्फ ख़त्म होने वाला है यहाँ से देखते हैं आशीष रंजन भाई ने लिखा है आपको क्या लगता है सैम्स विकेट लेगा या नहीं आशीष भाई ले सकता है नहीं भी ले सकता है एक विकेट मेरे ख्याल से जाना चाहिए एक विकेट यहां से जाना चाहिए रोहित भाई ने लिखा है विकेट भी आउट होगा क्या ब्रो कुमार भाई ने लिखा गाइक्स को कितना पॉइंट मिलेगा विकेट कीपिंग से कुमार भाई गाइक्स को मैथ्यू गाइक्स की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं गाइक्स को बिल्कुल दीप भाई ने लिखा भाई नेक्स्ट मैच का लाइव कब करोगे और नेक्स्ट मैच का थोड़ा प्रोडिक्शन दे दोगे भैया दीप भाई नेक्स्ट मैच का जो लाइव है वो चार बजे शुरू हो जाएगा हमारे चैनल के ऊपर बाकी देखते हैं मुकाबला किस तरीके से यहाँ पर चलता है तो नेक्स्ट मैच के लिए तैयार हो जाइएगा और टीम की प्रोडिक्शन भाई बिल्कुल आपको टीम की प्रोडिक्शन के साथ साथ आपको एंट्री भी देंगे अगले मुकाबले में बाकी जुड़े रहिएगा सभी लोग प्रशांत भाई ने लिखा भाई आज कितना पॉइंट है आपका प्रशांत भाई अभी सर देखना पड़ेगा अभी मैं लाइव कमेंट्री कर रहा हूँ एक बार मुकाबला ख़त्म होगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा रॉयल भाई ने लिखा भाई आपकी टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा रॉयल भाई वो टेलीग्राम लिंक हमारी नहीं है तो वो अब हमारी नहीं है बेशक आप वहाँ पर मत जाइएगा नया टेलीग्राम लिंक आपको देंगे वहाँ से आप जुड़ जाइएगा बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे नया टेलीग्राम लिंक आनंद भाई ने लिखा है बहुत अच्छी कमेंट्री करती हो कुमार भाई ने लिखा ब्रो आपका कमेंट्री बहुत बढ़िया डैसपसिटो भाई ने लिखा जल्दी खत्म करो यार डैसपसिटो भाई कैसे ख़त्म करवाएं बताइए आप कैसे ख़त्म करवाएं सिडनी की टीम इस समय भी ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं कि यहाँ से भी मुकाबला निकल सकता है रॉयल भाई ने लिखा है साइट रीच लाइक कर आ रहा है चलिए कोई नहीं सर जो भी आ रहा है आने दीजिएगा लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन चौका देखिएगा एक यहाँ पर बेहतरीन चौका देखिएगा ज़बरदस्त यहाँ पर चौका आते हुए कैमरून बैनक्रॉफ्ट के बल्ले से अपने अर्धशतक के काफ़ी नज़दीक है हालांकि यहाँ पर बाउंड्री को चेक करते हुए चौका है या यहाँ पर छक्का है सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को उठाकर खेला था और जी हाँ ये छः रन ऐसा लगता है कि छः रन यहाँ पर हो जाएंगे ऐसा जी हाँ बिल्कुल छः रन होंगे यहाँ पर छक्का आते हुए कैमरून बैनक्रॉफ्ट के बल्ले से अपने अर्धशतक के थोड़ा सा और ज़्यादा करीब पहुँचते हुए पर्थ की टीम का स्कोर हो चुका है चौरानवे रन तो यहाँ से पर्थ की टीम का भी शतक पूरे होने वाला है कैमरून बैनक्रॉफ्ट का भी अर्धशतक पूरे होने वाला है देखना होगा क्या इस गेंद पर छक्का लगाकर पूरा करेंगे चलिए इस बार छोटी गेंद गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में चार रन यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कैमरून बैनक्रॉफ्ट अपना अर्धशतक पूरा करते हुए पर्थ की टीम का स्कोर हो चुका है अट्ठानवे रन एक विकेट के नुकसान पर तो काफी बुरी तरह काफी बुरी तरह ऐसा लग रहा है कि सिडनी थंडर की टीम यहां पर हारने वाली है हार का सामना करना पड़ेगा सिडनी की टीम को कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते तक ऐसा लगता था कि सिडनी थंडर की टीम ही इकलौती ऐसी टीम है जो पर्थ की टीम को चुनौती दे सकती है लेकिन पर्थ की टीम भाई साहब जो निकली है सभी टीमों को पछाड़ कर काफी कमाल किया है कुछ दिन तक एडिलेड स्ट्राइकर की टीम दूसरे नंबर की पोजीशन पर रही थी लेकिन अब वो भी नीचे जा चुकी है कुछ दिन तक सिडनी थंडर की टीम रही थी दूसरे नंबर की पोजीशन पे अब वो भी काफी काफी नीचे जा चुकी है अगला नंबर सिडनी सिक्सर का आने वाला है की टीम को हराएगा कौन यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा चलिए यहां से टीम का स्कोर हो चुका है निन्यानवे रन एक विकेट के नुकसान पर ग्यारह दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पर आ चुके हैं हार्डी जो कि छह गेंदों में चार रन बनाकर खेलते हुए अच्छा चलिए कादिर की अगली गेंद इस बार फ्लाइटी डिलीवरी बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के करीब से निकलते हुए पहुंची है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए खुशकिस्मती से आता हुआ चौका लेकिन रन तो रन है इस चौके के साथ पर्थ का स्कोर होता हुआ 103 रन शतक पूरा हो चुका है टीम का बाई के यहाँ पर फोर आते हुए अंपायर का इशारा यहाँ पर बाई का तो अब पचास गेंदों में नौ रन चाहिए तो नौ रन चाहिए मेरे ख्याल से इस ओवर में या फिर इससे अगले ओवर में ये मुकाबला समाप्त हो जाना चाहिए तो बस अपना सब्र बांधे रखिएगा थोड़ा सा और सब्र थोड़ा सा और पेशेंस दिखाइएगा मुकाबला बहुत जल्द खत्म होने वाला है चलिए यहां से आ... बैनक्रॉफ्ट जल्दी से पचास करो अपनी अर्जुन भाई ने लिखा अर्जुन भाई बिल्कुल यहाँ से हो चुका है डैसपसिटो भाई ने लिखा इस ओवर में मार दो यार जल्दी डेस्पसिटो भाई बिल्कुल सही का चलिए एक बार फिर से यहाँ पर अच्छी गेंद थी सीधा गेंदबाज की दिशा में खेलते हुए इस बार यहाँ पर पकड़ लिया है कादिर ने खुद ही अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया कोई रन नहीं डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए कुमार भाई ने लिखा है मैच वन कुछ एक मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर हारने के बाद भी ऐसा लगता है कि टीम विरोधी टीम है जो वो जल्दी से जीत जाए और ये जो मुकाबला उन्हीं मुकाबलों में से एक है चलिए इस बार थोड़ा तेज गति से फेंकी हुई गेंद थी बैकफुट पर जाते हुए हार्डे ने इस गेंद को डिफेंसिव अंदाज में यहाँ पर खेला कोई रन नहीं डॉट गेंद के साथ होती हुई ओवर की समाप्ति तो अब जीत के लिए चाहिए यहाँ से नौ रन जीत के लिए यहाँ से नौ रन चाहिए होंगे देखना होगा ये नौ रन बनाने के लिए अगला ओवर मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए अगले ओवर में छः गेंदों में आपको नौ रन यहाँ से मिल जाने चाहिए अदीप भाई ने लिखा भाई मेरे को लग रहा है कि कैप्टन कैमरून बैनक्रॉफ्ट भगवान का अमृत खा के आया है नहीं नहीं ये तो है ये तो है भाई साहब बड़ी ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है हालांकि दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दी है कई बार होता है कि जब कोई टीम छोटा छोटा टारगेट यहाँ पर चेज कर रही होती है तो कई बार कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है किस स्कोर से किस रेट से यहाँ पर रन मारे लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह की शुरुआत पर्थ को दी है वो काबिल तारीफ़ है डेस्पसी तो भाई ने लिखा चलो पर्थ जीत गए अरे मिलान भाई डेस्पसी तो भाई ऐसी ऐसी अफवाह मत फैलाइएगा अभी जीता नहीं है सात नौ रन अभी बाकी हैं सुमित भाई ने लिखा हमें तो बेनक्रोफ्ट ने लूटा थंडर में कहाँ दम था हमारी कश्ती तो थंडर ने लूटी जिसकी बॉलिंग में दम ज़रा कम था चलिए बहुत बड़ा बड़ी या शायरी लेकिन यहाँ पर इसी के साथ अगला ओवर शुरू होते हुए पहली गेंद पर एक सिंगल मिल जाएगा जी हाँ डेनियल सैम्स आ चुके हैं डेनियल सैम्स आ चुके हैं वर्तिका जी ने लिखा है डेनियल सैम्स ने कुछ रन्स बनाए हैं क्या वर्तिका भाई अगर रन बनाए होते तो ये क्या एक ही होते इनके इसका मतलब है किसी ने भी रन नहीं बनाए डेनियल सैम्स के आप किसी भी आज तो सिडनी थंडर के बल्लेबाज का नाम लीजिएगा किसी ने भी नहीं बनाए हैं तेरा जानी ने लिखा हाय ब्रो डेल्टिन सेवन चल नहीं रहा मेरा तेरा जानी भाई हमारा तो चल रहा है भाई एक बार रिफ़्रेश कीजिएगा इंटरनेट अपना सही कीजिएगा या फिर फ़ोन अपना बदल लीजिएगा भाई साहब सबका चल, सब चल रहा है यार सबका चल रहा है डेल्टिन सेवन में अभी भी डेल्टिन सेवन पर ही लाइव मुकाबला देख रहा हूँ इस समय रंजीत भाई ने लिखा है आउट आउट यहां पर भाई साहब देखना होगा देखना होगा यहाँ से मुकाबला किस तरीके से चलता है भोजपुर मोड़ ने लिखा है हाय हेलो भाई कैसे हैं बाकी सभी नए लोग यार चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द अगला मुकाबला शुरू होने वाला है डेस्पसिटो भाई ने लिखा दो रन बनाया है भाई अच्छा भाई चलिए देखते हैं चलिए डैनियल सैम सीसी के साथ अगली गेंद लेकर आते हुए इस बार अच्छी गेंद थी लैग के बार गेंद को फ्लिक किया गेंद जाती हुई शॉर्ट स्क्वेयेर लेग के फील्डर के हाथों में मुनाफ भाई ने लिखा है मेरा भी ऐप नहीं चल रहा है मुनाफ भाई तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा कई बार एक दो मिनट का यहाँ पर टाइम लगता है दोबारा से आपका बहुत जल्द चल जाएगा भाई मनीष भाई ने लिखा है सर जी कुछ गिफ्ट कर दो व्यूअर्स को मनीष भाई कर देते हैं भाई करेंगे करेंगे मनीष भाई बहुत जल्द कर देते हैं आज थंडर की टीम अगर जीत जाती तो यहाँ से गिफ्ट की बोछार कर देते भाई लेकिन अभी करेंगे करेंगे मिनी आईपीएल अभी बाकी है टेंशन मत लीजिएगा अजिंक्य भाई ने लिखा है हाउ टू वॉच लाइव मैच अजिंक्य भाई डेल्टिन सेवन पे जाइएगा अपनी आईडी बनाइएगा डिपॉज़िट कीजिएगा डिपॉज़िट आपको करना पड़ेगा तो डिपॉजिट करने के बाद लाइफ टाइम के लिए आप कोई भी मुकाबला लाइव देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में बिना कोई पैसा दिए वृतिका मिश्रा भाई ने लिखा डेनियल सैम्स को विकेट दिला दो सर प्लीज़ कैप्टन है बिल्कुल भाई साहब यहाँ से देखते हैं उम्मीदें तो हैं कि कम से कम एक विकेट तो लेके जाए डेनियल सैम्स यहाँ से हालांकि एक विकेट से मुकाबले के नतीजे के ऊपर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी अपना जो भाई लोग हैं अपने चलिए इस बार इस गेंद को उठाकर खेला है उठा कर खेला है इस गेंद को गेंद जाते हुए सीमा रेखा के बाहर छः रन के लिए जी हाँ है चलिए शलेश भाई ने लिखा है डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा शलेश भाई मिनिमम डिपॉजिट आप पाँच सौ से डाल सकते हैं पाँच सौ से आप कर सकते हैं पाँच सौ आप डालेंगे मिनिमम डिपॉजिट अपनी मनपसंद की टीम को उसके बाद सपोर्ट कर सकते हैं और जी हाँ खाई लगाई यहाँ पर उपलब्ध है देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा मुकाबला किस तरीके से चलते हुए दिखाई देता है नीतीश भाई ने लिखा है मैच विन डेस्पसिटो भाई ने लिखा है पर्थ विन भाई साहब देखते हैं कौन सी टीम वन होती है तो चलिए पर्थ की टीम जीत चुकी है ये मुकाबला नौ विकेट से एक रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर तो भाई साहब बड़ी ही जबरदस्त जीत यहाँ पर पर्थ की टीम ने टॉप टीम की तरह खेला है बाकी बहुत जल्द यहाँ पर अगला मुकाबला शुरू हो जाएगा उसके लिए जुड़ना मत भूलिएगा पर्थ की टीम इस मुकाबले को नौ विकेट से जीत चुकी है सिडनी ने बनाए थे एक रन पर्थ की टीम ने मात्र एक विकेट खोकर एक का जो स्कोर है वो चेज कर लिया है तो बहुत जल्द जुड़ेंगे आपके साथ अगले मुकाबले में जुड़े रहिएगा सभी लोग आप हमारे साथ जुड़े यार सभी लोगों को नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत it.